Hey, what's up? What's up? What's up? What's up? Okay, मैं जस्ट अभी नींद से उठाऊं। Anyways, what's up guys? Good morning and big क्या बोल रहा हूँ मैं? छोड़ो। Anyways guys, बहुत बहुत शुक्रिया स्ट्रीम पे आने के लिए। आप सभी का दिल से स्वागत है आज की ब्रांड न्यू लाइव स्ट्रीम पे। गाइस आज हम खेलने वाले हैं बहुत सारे मैचेस जैसे कि हम रेगुलर खेलते ही हैं, बट हाँ गाइस कल सब्सक्राइबर गेम्स नहीं हुआ था, आज सब्सक्राइबर गेम्स है, आज स्पॉन्सर गेम्स है। सो कल के लिए हम सो सॉरी यार, कल काफ़ी लोग सब्सक्राइबर गेम्स खेलना चाहते थे बट यू नो मैं नहीं खेल पाया, बट डोंट वरी गाइस आज हम सब्सक्राइबर गेम्स खेलेंगे एंड मचाएंगे साथ में मिलके। ओके सो गाइस जितने भी न्यू लोग आए बने रहिए स्ट्रीम पे, देखते रहिए स्ट्रीम, लाइक ज़रूर कर देना एंड अगर आपको हमारा गेम प्ले पसंद आता है, कुछ चीज़ें अच्छी लगती है तभी सब्सक्राइब करना। ओके एंड गाइज जो ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके चैनल को बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी का दिल से शुक्रिया, आप सब मेरे दिल में रहते हो, थैंक यू सो मच। तो गाइस शुरू करते हैं आज का गेम विथ 2-3 TDM मैचेस एंड इसके बाद हम लोग सीधा क्लासिक मैचेस में जाएंगे, डुओ वर्सेस स्क्वाड खेलेंगे या फिर स्क्वाड अगर आ जाता है पूरा तो फिर स्क्वाड वर्सेस स्क्वाड मैचेस तो होती ही है, लेकिन डुओ वर्सेस स्क्वाड में तो मचाएंगे बॉस। एनीवेज गाइस जितने भी लोग आ चुके हैं आप सभी का स्वागत है एंड अगर आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है ना, एकदम क्लियर आ रही है ना, तो गाइज सबके सब एक साथ लाइक बटन अभी के अभी प्लीज़ यार दबा दो। कम ऑन गाइज सबके सब एक साथ लाइक बटन दबाओ एंड एक बार चैट में प्रेजेंट स्पैम कर देना। प्रेजेंट मतलब समझता है ना, मतलब नहीं कि हम जैसे बचपन में स्कूल में जाते थे तो टीचर लोग बोलते थे रोल नंबर 1 रोल नंबर 2, तो ऐसे मतलब जितने भी लोग जितने भी हज़ारों लोग देख रहे हैं ना उन सब का एक रोल नंबर है, ठीक है। सो गाइज आपका जो भी रोल नंबर था आपके स्कूल में, आप वो रोल नंबर लिखो अपना चैट पे एंड उसके आगे प्रेजेंट लिख देना, ठीक है। आपका जो एक्चुअल में रोल नंबर था आपके स्कूल कॉलेज जो भी है, ऑलराइट। सो गाइज आपका जो भी रोल नंबर था स्कूल में वो रोल नंबर लिखो एंड उसके आगे प्रेजेंट लिख देना, बस। सर वर लिखने की जरूरत नहीं है, मैं कोई सर नहीं हूँ, मैं आप लोग का भाई हूँ, आप लोग का दोस्त हूँ, ठीक है। सो दैट्स इट, आपका रोल नंबर एंड प्रेजेंट। एंड गाइस ये लिखने के बाद ज़रूर एक लाइक बटन ज़रूर दबा देना, ओके तभी आपका चैट काउंट होगा। ऑलराइट चलिए फाड़ के रख देते हैं पबजी में। हेलो हिटमैन बोकाचोदा, गुड मॉर्निंग, क्या चल रहा है? गुड मॉर्निंग। कुछ नहीं, खेलते आ जाओ। गुड मॉर्निंग सर, बिग फैन। अरे माज भाई बिग फैन, हेलो गुड मॉर्निंग। कृष्णा भाई गुड मॉर्निंग। सुपर चैट रिसीव्ड। गुड मॉर्निंग कृष्णा भाई, क्या हाल चाल? गुड मॉर्निंग एवरीवन। मंगेश भाई गुड मॉर्निंग, हेलो ब्रो गुड मॉर्निंग, लव यू लॉट। गुड मॉर्निंग मेरा व्हाट्सएप। गुड मॉर्निंग के चक्कर में मेरी रानी कहाँ गई? ओए team match, let's go. lucky bhai love you too, good morning. Are the team has scored for the first time. piche se are ye to K9 only khelne ki koshish kar raha hai. पीछे से शॉट्स आया। लॉल मुझे देखो दीवार के आर पार दिख रहा है ग्लिच के कारण। मैंने लिटरली देखा कि नेट बहुत दूर गया है, उसके बाद ही मेरे पास पड़ गया। Prediction. Okay. Kill. Nice shot. No. Nice. गलत टाइम पे ADS. Killing spree for the blue team. Present Dynamo Mobile 3. अच्छा नंबर 3. कैसे भाई, हट जा मेरे बाप। थैंक यू भाई। भाई हेलो 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 लेफ्ट से पड़ी। हालत डाउन। रश हो रहा है। Reloading. Great. You're about to win. The blue team is about to win. What a nice one. नेड़ा Blue team victory. Well played. Knockout gamer Arga, what's up? Thanks for the sponsor, brother. Have a good morning. Good morning, Adarsh. Hey, what's up, Jinil Panchal? Thanks a lot for the sponsor. चलो गाइस शुरू करते हैं आज के क्लासिक मैचेस। ओके। डुओ वर्सेस स्क्वाड। डन। एक मिनट, मुझे एक मिनट देना जी। रेडी अप? रेडी। चलो शुरू हो गए मैचेस। राहुल गुप्ता व्हाट्सअप, थैंक्स फॉर द स्पॉन्सर। ये विक्टर कैसे हटाते हैं, किसी को पता है? तो विक्टर गलती से सेलेक्ट हो गया, ये हट ही नहीं रहा है। विक्टर मिलता है कैसे, मेरे को तो वही नहीं पता। तू हटाने की बात कर रहा है भाई। यार ये गलती पीछे पड़ गया विक्टर। क्या है, क्या मतलब क्या चीज है ये? एसएमजी की जितने भी स्पॉन्सर्स है गाइस, प्लीज डिस्कॉर्ड ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है एंड वहां पे डिस्कॉर्ड पे जाके आप एक स्पॉन्सर रोल ले सकते हो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सबसे पहले आईडी पासवर्ड मिलेगा डिस्कॉर्ड पे। सो या ज्वाइन करो माय फ्रेंड। ईवो मोड में अगर आप ये कैरेक्टर सेलेक्ट करके खेलते हो तो आपका एसएमजी रिवॉर्ड वगैरह एंड एसएमजी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। एसएमजी का, एसएमजी को यूज करता ही नहीं। हाँ, हाँ वैसे ज्यादातर वो यूज होती है वेक्टर वालों के लिए। हाँ हाँ वेक्टर और यूजी यूज होती है वैसे तो इसमें ईवो में। जब लोग यार से नहीं मार पा रहे होते हैं तब उसी पे। हाँ ये भी सही। लकी व्हाट्सएप थैंक्स फॉर द स्पॉन्सर मैन। आलम भाई थैंक यू फॉर द 100। क्या हाल चाल। आरपी हाइड कर। आरपी इस सर्वर में आरपी का टेंशन नहीं है, यहाँ पे कोई स्ट्रीम स्नाइपर्स नहीं होते। अभी हम लोग दूसरे सर्वर्स पे खेलते हैं जिसमें हमारी पिंग तो ज़्यादा आती है बट यू नो हैकर्स नहीं मिलते, चीटर्स नहीं मिलते एंड स्ट्रीम स्नाइपर्स नहीं मिलते, आराम से खेल सकते। चलो पहला ही हॉट ड्रॉप देखते हैं। फैल जा अनफॉलो करके व्हाट्सएप कर रहा हूँ। मैं लेफ्ट जा रहा हूँ। बंदे हैं बंदे हैं। अरे शिट यार गलत जंप। अरे बच गया। ओके दो स्क्वाड है मेरे यहाँ पे। पूरा बंदा है शॉटगन के साथ। नॉक कंफर्म। थैंक यू फॉर बिकमिंग अ मेंबर। लॉल पैन है इस पे। हमारे पास हेलमेट नहीं है एक्चुअली। मेरे पास भी नहीं है। मिल गया हेलमेट, मिल गया उसको भी मिल जाए। एक अच्छा उसको अंधा करके मारा मैंने पता है। ओ भाई साहब वेटेक्स क्या क्या है इसके पास। सबको साला हिटमैन आजा पास आ थोड़ा। गया हिटमैन। मैं तेरे को बोल ही रहा था कि थोड़ा पास आ जा। बच गया। कैसे बचेगा लेकिन तेरी हेल्थ तो बहुत डाउन है भाई। शॉटगन थी ना सिर्फ, एआर होती थी। अच्छा ये लोग अंदर है। एक तो खा गया मैं उसका। अरे एमो खत्म लेकिन नॉक कर दिया। एमो खत्म हो गया मेरा बट नॉक है वो। लूट ही नहीं मिली। पूरा कंटेनर छांट मारा लूट ही नहीं मिली। अरे तो वही जो तेरे को मारा डीपी से, उसी को नॉक किया मैंने। हाँ लैग देख रहा है, डीले देख रहा है। हाँ बहुत तगड़ा डीले है। पिंग आ रहा होगा 150 करीब। हाँ 150 कुछ आ रहा होगा। हाँ मेरी जोरा जबी भाई। जैसे ही जोरा जबी बोला राइट आ जाएगा। अच्छा नहीं मैंने जैसे ही जोरा जबी बोला मुझे M24 मिल गया। अरे बाप रे ये तो कुछ अलग ही पंगे। आज ऑनलाइन प्ले ऑफ्स भी हैं। Public Gaming, what's up? Thanks for the sponsor. Hydra का एक और लाइनअप पहुंच जाएगा सेमीफाइनल। कौन सा? टनल आने वाला बैंडिट्स। अरे 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 कैसे मारा? उनके हाथ से। अच्छा कुणाल वगैरह क्या खेले हैं यार। दिल खुश हो गया था देख के। ये बस एनिमीज अहेड। कोई आ रहा है मेरे पास। कोई आ रहा है ऊपर है। ऊपर से आ रहा है। मैं अटक गया। अरे जंप कर रहा है ये तो। अरे 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 गन निकाल ले इसने अब। हाँ ये तो गलत बा। राइट से आएगा। ऑटोमेटिक नहीं तेरे पास भाई। ऑटोमेटिक मिली दोनों में से किसी को नहीं मिली। हाँ यार कोई नहीं, कुछ नहीं, सही था। चलो 12 प्लेट। पता इस सर्वर में ना सिर्फ, अरे ये भी आवाज सुनी नहीं, आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है। हाँ इस सर्वर में सिर्फ एक ही चोचला है, बस एक ही इस सर्वर में प्रॉब्लम है कि क्या होता है कि जब हमें लगता है ना कि हम पीक कर रहे हैं तो हम ऑलरेडी उनके लिए कवर के बाहर होते हैं, मतलब डीले के बाहर होते हैं। हाँ मतलब डीले, हल्का सा डीले होता है सर्वर्स में, वो हमारे लिए तो उनके लिए हमारे डीले होता है। 150 पे आप मान के चलो एक सेकंड का डीले ना। हाँ तकरीबन रेडी। बट सही है यार, डीले से भी बहुत कुछ सीखने मिल जाता है। हाँ रिएक्शन टाइम तेजी होएगा अपना। ये चिकन निकालते हैं। सॉरी गाइस काफी सारे सुपर चैट्स मिस हो गए मेरे से। तो अगर अभी मेरा 5K हो गया तो 2000 का तो यू गाइस नीड टू अंडरस्टैंड कि मनी से आप सब्सक्राइबर्स नहीं खरीद सकते। उसके लिए आप बॉट्स ले लो यार, देखो बॉट्स है मार्केट में, आप वो ले सकते हो जैसी आपकी मर्जी ब्रदर। जैसे भी बीच में T-Series प्लस PewDiePie वाला सीन हुआ था, उसमें काफ़ी सारे बॉट्स यूट्यूब ने डिलीट कर दिए थे, मतलब जो सब बॉट्स होते हैं। अगर आपको पैसे से इतना फ़र्क पड़ता है तो जस्ट क्या कहते हैं उसको, खरीद लो बॉट्स, खरीद लो आपके लिए वो बेटर रहेगा। अर्निंग को पता है ना, नहीं सब पूछते। एब्रो व्हाट्सएप वो कब सुन टू सी योर स्ट्रीम इवन दो आई एम वर्किंग इन नाइट शिफ्ट्स 5 मिलियन कमिंग सून विल प्रे टू गॉड सून 10 मिलियन आल्सो होगा लॉट्स ऑफ लव। सुशांत भाई टू बी वेरी ऑनेस्ट यार यू शुड नीड यू नो। अबे चीटर है यार, चीटर है ए, लीव लीव लीव, चीटर इन द मैच, चीटर इन द मैच। ठीक है एग्जिट। हाँ हाँ एग्जिट। ये देखो ओपनेस क्या भाई। सुपर चैट रिसीव्ड। मिडिल ईस्ट में भी आ गए। अरे आते ये थोड़े से आते, लेकिन ज्यादा नहीं आते इसमें। Public Gaming thanks for the 40 and big shout to Killer Bot for becoming a member. Ready. Honey. अबे भाई रेडी करेगा आज के दिन। हनी विक्टर कैसे हटता है यार बता दे प्लीज। हिटमैन आवाज आ रही मेरी? अबे निभा वर्कशॉप में जा, वर्कशॉप में आए कैरेक्टर में आएगा। अबे रेडी करो यार, अबे रेडी करो यार। घटिया कैरेक्टर यार। हेलो अबे इनकी तो मैं ना ऐसी बैंड बजाऊंगा इधर जी। वैसे इनकी गलती नहीं है, मेरी गलती है। वैसे मेरी गलती भी नहीं है, गेम ही ये हो गया है। ऐसा कभी होता है आप लोग के साथ ऐसा, जब आप मैच फाइंड करते हो ना, आपके जो टीममेट्स हैं वो साले एक नंबर के कंजर इंसान, रेडी करना भूल जाते हैं और अपनी बकचोदी में लगे रहते हैं दुनिया की। ये देख रहे, वो देख रहे, सूट देख रहे, फलाना ढिमकाना आइटम देख रहे, स्किन देख रहे, और अपन चिल्लाते रह जाते भाई रेडी करो, भाई रेडी करो। ऐसे लोग को ना घर में घुस के हेडशॉट देना चाहिए। क्या हाल है भाई? पट से तंगड़ी शॉट हो जाए। अमृत भाई व्हाट्सएप थैंक यू सो मच फॉर द 40। क्या हाल चाल है? हेलो ब्रो हाउ आर यू? बिग फैन ब्रो, लव यू शॉट प्लीज। बिग शॉट टू गौरव उज्जवल, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग। स्पॉन्सर गोल चेंज कर, करते मेरे भाई करते हैं। ये लो भाई आपकी गोली बंदूक की गोली, ठीक है। और ये स्पॉन्सर गोल चेंज हो गया। अब देखना आप इनको मेरी आवाज़ जाएगी बराबर। डन ऑनलाइन। मेरी आवाज़ तुमको जब भी आ नहीं थी क्या? तो ना ना बिल्कुल नहीं, अभी भी नहीं आ रही डायनो। अच्छा दो क्या एक? रेडी 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 क्या बोल रहा है डायनो? दो देख रेडी कर रेडी कर। दूसरी ये तो मुझे भी समझ में नहीं आया कि एक टांग पे नी पैड का क्या क्या सीन है भाई। ये वैसे एक सच बात बोलूं क्या? वैसे सच बात बोलूं क्या? देखो ये ड्रेस है ना, अबे ये ड्रेस पता है कि वो लोग और अच्छा डिजाइन कर सकते थे। हाँ कर सकते है ना, बहुत। जैसे देखो ये जो मैंने ड्रेस पहना हुआ है इन्होंने थोड़ा अच्छा डिजाइन किया, बट ये कुछ ज्यादा सिंपल और डिसेंट हो गया। You're advising me something, please tell me bro। अरे सुशांत भाई सॉरी यार, मैं गेम में थोड़ा भूल गया था। मैं बस ये कह रहा था कि ब्रो यू नो आप नाइट शिफ्ट करते हो, सो मेरे हिसाब से यू शुड यू नो जस्ट गो टू बेड, आराम से अच्छी नींद लो, एकदम तगड़ी वाली नींद लो। उसके बाद उठो, अच्छा सा कॉफ़ी वॉफ़ी मारो, एंड उसके बाद भी आप स्ट्रीम देख सकते हो, बिकॉज ये स्ट्रीम कहीं जाने नहीं वाली है। ये स्ट्रीम आप आज भी देख सकते हो, आज रात को भी देख सकते हो, एंड 2 दिन बाद भी देख सकते हो। और GTA 5 प्ले करो रोहन भाई। GTA 5 हम दोपहर में शायद खेलेंगे, बिकॉज सीन ऐसा है कि GTA 5 खेलने के लिए ना बहुत टाइम पहले से क्यू में लगना पड़ता है, एंड वो क्यू में लगने के लिए यू नो फिर स्ट्रीम, अभी मैंने स्ट्रीम स्टार्ट कर दी, अब अगर मैं क्यू में लगूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, एंड फिर उतने देर तक क्या करेंगे स्ट्रीम पे। तो उससे बेटर है कि हम लोग पहले क्यू में लग जाते हैं, एंड उसके बाद आराम से खेल सकते हैं। Govind, thank you so much for the 200 Paytm brother, and Suhas Dugam, thank you for the 200 Google Pay। Guys, हम लोग जा रहे हैं हसीना। ये है मेरी हसीना। आवाज आ रही है? अबे इनको मेरी आवाज ही नहीं आ रही। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग। हेलो, अबे क्या वॉइस ग्लिच हो रही है सुबह से, अभी तक की तीसरी बार हो गया है। हेलो, आवाज आ रही है गाइस? भाई ग्रेट गेम प्ले, कीप रॉकिंग। थैंक यू सो मच भरत भाई, वेलकम टू द स्ट्रीम भाई। 1K सुपर चैट कर दो, सबकी गोली बंदूक की गोली, क्या बात है। 1K सुपर चैट कर दो, बहुत हार्ड। अबे यार सुपर चैट बनने चक्कर में ना मैं लेट हो गया, अब मेरे से पहले बंदे पहुंच जाएंगे। बंदे लेकिन आ रहे क्या? I got supplies. यार मेरे को लगा रानी है अपनी। I got supplies. I got supplies. I got supplies. Received. I got supplies. ये आशीष चंचलानी, हाँ भाई गलत ही सीन है भाई, गलत ही। अबे साले उठा ले क्या स्मोक मेरा। बंदा नीचे, बंदा नीचे, बंदा नीचे। भाई कुछ मस्ती भी कर लेनी चाहिए भाई। बिल्कुल यार, बिल्कुल बिल्कुल, मनाही थोड़ी है यार मस्ती के लिए। I got supplies. What's that shot? भाई अभी तक फिलहाल स्नाइपर तो नहीं मिला है, जैसे ही स्नाइपर हमें मिल जाएगा। ये क्या चीज है भाई? Enemies ahead. अच्छा मिलने वाले, लेकिन मैं इनसे बात कैसे करूं? ये तो वॉइस ग्लिच है। वॉइस ग्लिच। इसी बात पे गेम रिस्टार्ट कर लिया जाए। आ जाओ गाइस, गेम रिस्टार्ट करते हैं, तब जाके हम इनसे बात कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर। फेक डायनामो खेलो। फेक डायनामो यार, उसके दो पंगे अभी। सुपर चैट रिसीव्ड। गोपाल कुलकर्णी थैंक यू सो मच फॉर द 200 लव भावा। अरे लव यू टू भावा, एक नंबर भावा। काल रात्रि कोटे होता। अरे काल रात्रि इंटरनेट इश्यूज है। That's my no stream. Restart game. Yes, 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 yes. क्योंकि हमें हमारा वॉइस ग्लिच हो गया ना, हमारे हमको किसी आवाज़ नहीं आ रही है, तो हम रिस्टार्ट करेंगे एंड रिस्टार्ट करने के बाद वॉइस ग्लिच ठीक हो जाएगा। यार ये बड़े नखरे हैं यार इस गेम के, कुछ कुछ पंगे होते रहते हैं इसमें। अब अगर मैं चाहता तो मैं इन लोगों को मार सकता था, या फिर यू नो यहाँ से भाग सकता था, बिकॉज मैं जानता हूँ कि मेरी आवाज़ नहीं जाएंगी ना, मैं वो मेरे को सुन सकते हैं ना मैं उनको सुन सकता हूँ। बट अब वो इतने दूर से मिलने आए हैं तो यार इतना तो बनता है, बात करना तो बनता है। हेलो ब्रो, कैसे हो? आपने वो गाना सुना कि नहीं? कौन सा गाना? हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग। हेलो हेलो, क्या मेरी आवाज आ रही है? अबे क्या इशू है भाई मेरे साथ? इशू क्यों हो रहा है? माइक्रोफोन तो सही है, स्पीकर भी सही है। नहीं आ रही भाई, कुछ मैटर हो गया हमारे साथ। शॉट टू जॉट बीस्ट दे दिया भाई। इसकी आवाज आ रही बट दिख नहीं रहा है। कहाँ घुस गया ये? अच्छा प्रोन हो गया सीधा। Thank you for becoming a member. ना सप्रेसर काम आएगा हमारे। बस एक मिनट देना मुझे, मैं एक बार साउंड कार्ड का जो सॉफ्टवेयर है वो रिस्टार्ट करता हूँ शायद। लोकेश भाई व्हाट्सअप, थैंक यू फॉर द स्पॉन्सर, लॉट्स ऑफ लव ब्रो, बिग पार्ट से बिग शॉट। अरे ओमकार भाई बिगेस्ट शॉट आउट टू यू। हेलो, आप आवाज़ आ रही है? हेलो 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 हेलो, क्या मेरी आवाज़ आ रही है तुम लोगों को? नुबड़ो जी जी, नहीं आ रही ब्रो, जान दो भाई, कोई दिक्कत नहीं, मुझे भी किसी की आवाज़ नहीं आ रही। हाउ टू स्पॉन्सर, स्पॉन्सर करने के लिए आप नीचे चेक करो एक बार, जहाँ पे मेरा नाम लिखा हुआ है चैनल पे डायनामो गेमिंग, उसके राइट साइड में एक बटन होगा रेड कलर का, सब्सक्राइब, उस पर सब्सक्राइब लिखा होगा। अगर वो रेड कलर का है, सब्सक्राइब लिखा हुआ है, तो सबसे पहले उसको दबाओ, ठीक है? उसको दबाने के बाद उसके लेफ्ट या राइट में एक बटन आएगा ब्लू कलर का, जिस पर लिखा रहेगा ज्वाइन बटन, तो वो ज्वाइन बटन पर क्लिक करके आप स्पॉन्सर कर सकते हो। मोबाइल से ये चीज़ होती है नहीं होती मुझे, मैं अच्छे से जानता नहीं हूँ, बिकॉज मैंने एक बार चेक किया मेरे फ़ोन से तो ज्वाइन बटन नहीं दिखता है, शायद किसी को दिखता हो किसी को ना दिखता हो, ये भी इशू हो सकता है। बट लैपटॉप, पीसी, आईपैड, जिस पे भी आप देख रहे हो, इसमें डेफिनेटली ज्वाइन बटन दिखेगा गाइस, एंड उस पर क्लिक करके आप मेम्बर बन सकते हो। गाड़ी मेरे लिए ग्लिच है। डिस्कॉर्ड माइक ओपन कर लो तो मैं यहाँ से सुनूं। हाँ सही है सही है। अबे मैंने पता लिटरली मैंने 3 बार रिस्टार्ट कर लिया गेम, मेरा साउंड ग्लिच हो गया है। इन गेम आपको हमारी आवाज आ रही है? नहीं आ रही, किसी की नहीं आ रही, इसलिए मुझे गेम साउंड आ रहा है बस। चलो ठीक है, फिर यहाँ से ऐसे करते हैं, यहाँ से बैकग्राउंड तो नहीं आ रहा ना मेरे यहाँ? ना ना ना, फिलहाल तो नहीं आ रहा है। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? भाई साहब, ओ भाई साहब, हाँ अभी कोई बैकग्राउंड नॉइज तो नहीं है ना? ना ना ना, बस बढ़िया, सिर्फ यहाँ से बंदा बंदा बंदा। भाई मार्क लगा दो, कहाँ जाना है? लगा दिया मैंने, मार्क लगा दिया। अरे तेरे से इको हो रहा है थोड़ा सा। हाँ वो स्पीकर पे है ना, स्पीकर पे इको तो होगा। तो मैं बड़े वाले हेडफोन रखता हूँ। ओके फ्लेगन ले लें 35 आरओजी फोन टू यूज़ किए हो? नहीं यार नहीं किया अभी तक, मैंने वो फ़ोन यूज़ नहीं किया। उसके बारे में सुना है काफ़ी, वो फ़ोन अच्छा है बट यूज़ नहीं किया मैंने। मीनू थैंक्स फॉर द स्पॉन्सर, प्रिंस रिहान थैंक यू फॉर द स्पॉन्सर, रोहित वर्मा थैंक यू फॉर द स्पॉन्सर। कल मैंने बोला था पबजी वाला गाना सुनने, अरे मैं भूल गया ब्रो, मैं बहुत जल्दी चीज़ें भूल जाता हूँ, सो मैं लाइक यू नो भूल गया होगा। अब नहीं हो रहा होगा एको, देखते बस, रुक दे इसमें और मैं लूंगा बाद में। ऑल डेट तेरे माइक से ना कुछ पंखे की आवाज आ रही शायद, मेरे माइक से एक हाँ कुछ ऐसी आवाज है। अब ठीक हो गई? अब ठीक हो गई। हाँ सही है। शिवांशु सोनी व्हाट्सअप, थैंक यू फॉर द स्पॉन्सर। भाई पूरी चैट में स्पैम कर दे हैप्पी बर्थडे मिलन, गाइस स्पैम कर दो यार हैप्पी बर्थडे मिलन। मिलन भाई को हैप्पी बर्थडे विश कर दो यार आज। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। ये क्या आवाज थी? डायरेक्ट चलते हम लोग, कहाँ चलेंगे? हाँ ले ले, ग्रेवयार्ड ले ले। अब ये रास्ता खराब है यहाँ से भाई, यहाँ से रास्ता खराब है। ये मिरामार है भाई, ये तेरे घर के पीछे वाला बगीचा नहीं है। भाई शेट यार मैं एक चीज़ करना भूल गया। अरे कोई नहीं कोई नहीं, राइट 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 राइट। अबे ब्लू मार्कर फॉलो कर, कहाँ जा रहा है? ब्लू मार्कर भाई, आपकी वीडियो बनाएंगे शार्ट दे दे, चेक आउट बिग शार्ट टू इंडियन टेक दुकान, थैंक यू सो मच। यहाँ बाइक चलाओ दुम दुम दुम। हाँ भाई बाइक चलाना पड़ेगा इन्हें। अब पूरी फंस गई है तो अब यहाँ से कितना भागना पड़ेगा हमें? रास्ते पे गाड़ी मिल जाएगी वैसे। गाड़ी क्या खरीद के लाता है? जाकू गाड़ी खरीद के लिए पनी गांजा पिकेट ड्राइव करता है। हाँ भाई वो पबजी में GTA खेलता है। अरे अरे गिरूंगा यहाँ से। पबजी में GTA खेलता है। गलत। हाँ। अच्छा। GTA RP कैसा गेम है? GTA में। ना 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 खेलूंगा आज। अभी बस वही पे क्वेश्चन पूछा किसी ने कि वाह, बस मुझे किसी ने भी क्वेश्चन पूछा GTA RP कैसा गेम है। तो बेसिकली गाइस GTA RP गेम तब अच्छा है जब यू नो आप एक स्क्वाड के साथ खेल रहे हो, तब बहुत अच्छा गेम है। अगर आप सोलो खेल रहे हो तो थोड़ा आपको पहले थोड़ा यू नो प्रॉब्लम होगा, क्या करना है, कैसे खेलना है, क्या चीज़ें होती है उसमें। आप एक रोल प्ले कर सकते हो, पुलिस का रोल है, डॉक्टर का, गार्बेज कलेक्टर एंड ऑल, ये सब चीज़ें रोल्स होते हैं। तो आप यू नो सोलो प्लेयर्स के लिए ये सब ठीक है। तो उसमें भी स्क्वाड बना सकते हो, स्क्वाड नहीं गैंग बना सकते हो उसमें एक। एंड गैंग मतलब वही यार, चार बंदे मिलके बस खेलते रहो, रॉबरी करो। मिशंस के बाद वो बोरिंग सा हो जाता है थोड़ा यार। अब नहीं, रोल प्ले में अलग है, रोल प्ले में मिशंस नहीं। रोल प्ले में ना तुम रॉबरी कर सकते हो, पुलिस को पकड़ सकते हो, कुछ चीज़ें होती है उसमें। अच्छा। पुलिस आती है, तुम निगोशिएट कर सकते हो कि हाँ इतने टाइम बाद हमको पकड़ने आना है, ऐसा वैसा, नहीं तो हॉस्टेज को मार देंगे। एंड वो सारे प्लेयर्स उसमें रियल होते हैं, पुलिस भी रियल होती है, हॉस्टेज भी रियल होता है, और तुम लोग भी रियली होते हो ऑब्वियसली। लेट्स गो भाई। ऑलराइट ऑलराइट, ले ले ग्रेवयार्ड ले ले, ब्लू मार्कर ले डायरेक्ट जोन के सेंटर में बैठते हैं। PewDiePie. भाग लगाओ, अगर आप 200 मीटर के अंदर अंदर आर्म से स्नाइप कर रहे हो तो बुलेट ड्रॉप कैलकुलेट करते हो? किसमें किसमें? आर्म से अगर स्नाइप कर रहे हो, हाँ। आगे 200 मीटर के अंदर अंदर है, हाँ। तो बुलेट ड्रॉप कैलकुलेट करते हो या बिना कैलकुलेट करे ही मारते हो एम करके? कैलकुलेट करना पड़ता है, करना पड़ता है ना? यस, क्योंकि मैं एकदम हाइड्रोजन से मार रहा था। वैसे इतना भी बुलेट ड्रॉप नहीं है इसमें ऑब्वियसली, बट थोड़ा सा, एकदम थोड़ा सा लॉन्ग रेंज में हल्का सा कैलकुलेट करना पड़ता है। मैं आया 2 मिनट में, ठीक है? अरे उतर उतर, मैं आया उतर उसको उतरने बोल, मैं आ रहा हूँ चक्कर मार के। अच्छा चक्कर मार के आता हूँ, देख के आता बंदे कहाँ है। वैसे यहाँ पे देख, यहाँ पे एक और मिराडोर खड़ी है। अरे ये तो बहुत दूर हो गया मार। रास्ते पे और रास्ते पे मिराडोर खड़ी है, कल चाहिए तो। तेरे से बेटर है ड्राइविंग मेरी। अभी पता ना, मैंने ईयरफोन के ऊपर हेडफोन पहने हुए। ये स्मोक किसने किया? ओके, ड्रॉप में ग्रोजा है, ग्रोजा ले ले। बंदे हैं किधर? किसने मारा? 95 ऊपर है बंदा। ऊपर कहाँ है? नीचे कहाँ है? हाँ गाड़ी दिखी मुझे, यहाँ पे गाड़ी गई है, कह रहा हूँ ऊपर। चल रेंज है अपने पास। जितनी देर में तू जंप करेगा उतनी देर में कोई गाड़ी फोड़ देगा। नॉर्मल MSM है, थोड़ा पढ़ लेना मेरे भाई। मेरा नॉर्मल MSM, व्हाट इज MSM? सामने गाड़ी निकल रही है, 140 रिज के नीचे गया। हम पे शॉट्स इसने लिए। 140 एक यूएस वो एसयूवी टाइप जो भी होती है नीचे गई। अच्छा हाँ, ठीक है। इस साइड से नीचे गई। बंद होल्ड स्लैम मत करिए। गाड़ी फोड़ी इन्होंने। हाँ भाई, मुझे तो नहीं दिख रहा कोई। हमारे सामने आ रहा। अबे यार माँ को जा, मेरा 65 है यहाँ पे। चलो पहुँच गया मैं। नीचे कूदा है नहीं, पीछे मेरी तरफ। नहीं 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 डिले होता है ब्रो कवर में। तुम दोनों नॉक हो गए। राइट से पड़ी राइट से पड़ी राइट से पड़ी। ओह बच गए। बेड़े पट्टा से ड्रॉप शॉट। क्या मारा कुत्ते की तरह मारा इनको लेट लेट के। नाइस नाइस नाइस। वो तो मैं भी तो बंदे के मुंह पे ही मार रहा था, पिंक की वजह से ही हुआ है। अरे वो होता है, मैं बोल रहा हूँ ना इसमें डिले होता है। पहले बोला कि डिले होएगा, साला डिले कैलकुलेट करके चलोगे। डिले कैलकुलेट करके चलो। तुम लोग पीक कर रहे ना, उनके लिए तुम ऑलरेडी कवर के बाहर आ जाते हो। हाँ। वो तुम्हें नॉकआउट आराम से कर सकते हैं। क्या ग्लिच हो रहे हैं, मैं हीलिंग तक नहीं कर पा रहा हूँ। अली सुबह कैसी हो सकते। अरे ओमकार भाऊ एक मस्त वाला मीटअप अपन अरेंज करना है। अगर नहीं यार इन गेम ऑडियो ऑन करो किसी तरह नेक्स्ट गेम। ये बहुत बोल रहा है हरियाणी। बोलने दे उसको, बोलने दे उसको, बोले तेरी बोलती बंद करूंगा बहुत जल्दी। ग्लिच हो गया ना। डायनो कह रहा बोलती बंद करूंगा अभी तेरी इकट्ठी ठहर जाती। ये बंदे कहाँ लड़ रहे भाई, एक एम से मार रहे एक दूसरे को। कोई वैसा दिख तो नहीं रहा मुझे। ओपी 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 गाइस मजा आया ना, कैसा लगा 1v3? ड्रॉप पे बंदे किधर? क्लच क्लिप बन गई। हनी ड्रॉप का डायरेक्शन किधर है, डायरेक्शन बता। ऊपर स्मोक है। अच्छा ये रहा नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट डन। आओ निकलते हैं यहाँ से हम लोग। अबे गाड़ी छोड़ दे, गाड़ी छोड़ दे, गाड़ी छोड़ दे यार। बहुत आवाज़ करती है हनी, पूरी दुनिया को लोकेशन बताएगा अपनी। तू ठहर जा बेटा, अगले गेम में ना तू इन गेम ऑडियो ऑन होते फिर बोलियो। मैं सर पे पहुंच गया हूं तब बता रहा है। रुक जा देख रहा हूं। कार 98 है सप्रेस्ड। माफ करेगा। अरे नहीं हो रहा यार, रुको। मार्क कर हनी, मार्क लगा। बहुत ऊपर है, हिलटॉप, हिलटॉप पे बोल रहा है। अच्छा समझ गया। नहीं है, नहीं जा सकते। जा सकते हैं, जा सकते हैं। अबे व्हाट द फक, ये क्या चोच ले भाई। ऐसा है पीछे बंदे, पीछे बंदे यार। ये मिलने वाले बंदे पीछे अपने। कहां पे? नीचे नीचे नीचे, जहां से हम 2 टाइम से जहां से हमने वो मिलने वाले हैं। हां और ये कैसे मिस हो गया मेरे से हेडशॉट। अगेन हक दिया मैंने। और ये कहां लगा है देख, कहां लगा है। रिज है, रिज है डायनो। वो रिज के चक्कर में मिस हुआ होगा। शॉट मिस्ड। अगर जोन ऊपर बना तो फिर देखेंगे, रोटेट कर। ओए तेरी पड़ी हेड पड़ा, उसको भी हेड पड़ा। नाइस। वही बोल रहा था। अपने राइट पे बंदे, राइट पे बंदे। हां कोई मार रहा है मैं 70 पे। दिख गया, दिख गया। लॉल नाइस। अच्छा ओके गाइस 720 पे देखो काफ़ी स्मूथ है। हाँ गाइस जिसको भी 720p या 1080p का ऑप्शन आ रहा है, नीचे सेटिंग्स में क्वालिटी पे क्लिक करो। मतलब जहाँ पे सेटिंग्स का ऑप्शन आता है वहाँ पे क्वालिटी का ऑप्शन आएगा वीडियो पे। एंड अगर आपको लग 720p 1080p अगर आप देख सकते हो तो ज़रूर देखना, बिकॉज बहुत ही क्लियर दिखता है एंड बहुत ही स्मूथ चलता है। एंड यू नो काफ़ी अच्छा दिखेगा आपको, गेम प्ले देखने में मज़ा भी आएगा। 360p पे इतना अच्छा मज़ा नहीं आएगा जितना अच्छा मज़ा 1080p 720p पे आता है। तो जो लोग 720p 1080p देख सकते हैं डेफिनेटली देख। इनकी तो बस यहाँ खड़ी हुई है। ओ भाई साहब इन्होंने ऑन छोड़ दी। जहाँ बस खड़ी हुई है ना उसी के पीछे एक बंदा रेंडर हो रहा है। क्या बात कर रहा है, किधर? नहीं मेरे को तो नहीं दिख रहा कुछ। अबे ये तो बंदा पीक ही नहीं कर रहा है बिल्कुल। क्या हुआ इसकी स्नाइप? पीछे बंदा मेरे व्हाट्सएप आया मेरे को। वो लोग हैं ना दो लोग, तो बाकी वो दो ऊपर वाले ही तो बचे यार। ये ऊपर वाले ही बचे साले अब ये। हाँ और इनको ऐसा हेडशॉट दिया ना लेवल 3 पे, इनका चल हेलमेट तोड़ दिया तो पीक ही नहीं कर रहा बेचारा बिल्कुल। तभी तो नहीं आ रहा वो बेचारा, वो कह रहा है कि भाई अब मैं पीक नहीं करने वाला। देखो हेडशॉट पड़ गया भाई जहर। अमिता यादव थैंक यू सो मच फॉर द स्पॉन्सर। अभी तो डब्बा था रे, बंदा थोड़ी था ये। साले ऊपर चढ़े कैसे बे? साला वो उसी साइड से जाना पड़ेगा ना, दूसरी साइड से। अब इनको मारेंगे कैसे फिर? वही तो हील बैटल ना हो जाए। मुझे लग रहा है हीलिंग बैटल होगा शायद। मैंने हील उठा ली है। अरे अब तो इनको अपने पास आना है। बिल्डिंग पकड़ लो, वक्त है अभी। आंदे हनी आंदे मत मार रुक जा। आंदे मत मार। वो जितनी शिद्दत से पहाड़ चढ़ा उतनी शिद्दत से नीचे देखना चाहता हूँ मैं आने के लिए। नीचे आंदे मत मारो ने मत मार। इसको भगा के मारेंगे। नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तेरे में पड़ेगी। अरे भाई साहब ने हेडशॉट दे दिया उसको। अरे बेटा नीचे तो आना ही पड़ेगा। मार दिया मैंने। मिलने वाले बच्चे हैं बस। मतलब अभी ना मेरे को बहुत हंसी आने वाली है जब ये मैच खत्म होगा। बहुत ही बुरी। Are you a foodie person or not? From Chef Prashant. Hi guys, Dino का माइक अभी तक भी ग्लिच है unfortunately. शेफ सर आई एम ए फूडी पर्सन। मुझे बहुत ज़्यादा खाना पसंद, मतलब देखो मैं इस टाइप का इंसान हूँ। जैसे अगर आप कोई नई जगह जा रहे हो यू नो कुछ काम के लिए या मीटिंग के लिए या फिर इवन घूमने के लिए, तो लोग क्या सोचते हैं कि यार वो जगह पे जाके ना हम नई जगह ढूंढेंगे। वहाँ पे जो घूमने की जगह होती है, शॉपिंग की जगह होती है, बड़े बड़े मॉल्स होते हैं, लोग ये सोचते हैं। मैं क्या सोचता हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि जो नई जगह मैं जा रहा हूँ ना वहाँ पर सबसे बेस्ट खाने को क्या मिलेगा, सबसे बेस्ट। जैसे अगर दिल्ली साइड गया तो दिल्ली की स्पेशलिटी क्या है खाने की, दैन मुंबई की अलग है, पुणे की अलग है, ये सब चीज़ें। तो ऐसा आर यू यूजिंग एलगाटो? आई एम नॉट यूजिंग एलगाटो, आई एम स्ट्रीमिंग ऑन एमुलेटर टेंसेंट। राहुल वर्मा बिग शॉट टू क्रेटोस गेमिंग। मुझे पता नहीं कि क्या ट्रेंड आ गया 50 घंटे 40 घंटे 30 घंटे। ब्रो जस्ट टेक केयर ऑफ योर हेल्थ फर्स्ट। आपकी हेल्थ यू नो हेल्थ इज वेल्थ। एक बार ट्राई करते हैं। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है इन गेम? क्या आपको मेरी आवाज इन गेम आ रही है? 1 2 3 माइक टेस्टिंग। हेलो 1 2 3। नहीं आ रही है। चलो सुन उनके पास स्नाइपर है तो उनमें से हाँ। बोल कि चलो स्नैपिंग खेलते हैं एक नो स्कोप। तो ठीक है डायनो इज सेइंग कि नो स्कोप स्नाइपर खेलते हैं। ठीक है रेडी है वो लोग? गाइस रेडी 1 by 1 ठीक है। डायनो गिली में तो नो स्कोप स्नाइपर। तुम सब साइड में हो जाओ। हाँ मैं साइड हो गया। चल हनी साइड हो जा। उसको बोल रेडी है क्या? गाइस हाँ मैं बोलता हूँ। अरे हाँ एक वन पर्सन एट अ टाइम। रिलोडिंग। हनी नाइस। अगला आ जाओ। अरे लगा Thank you for becoming a member. लगा I guess. अब देखो ये होगा जोक ऑफ द मिलेनियम। Thank you for becoming a member. ये सर्वर दूसरा है। Piyush Joshi, what's up? Thank you for the sponsor. Otherwise, support KG, please and love you. Already gave a shout out to you, brother. And anyways, big shout out to Prachwal Gaming. Thanks a lot for joining. WhatsApp Gaming, what's up? Thanks for the sponsor. Hydra Rahul Gaming, thank you for the sponsor. And PUBG Gamer, thank you for the sponsor. हाँ, so guys, अगर गेम प्ले पसंद आया होगा तो यार सबके सब गाइस, अरे आवाज आ रही है, आवाज आया हाँ अब आवाज आ रही है। आप बोल बेटी, क्या बोल रहा था मैं? बोल मतलब मेरे बेटे ऐसा। अबे डायनो, मैं बोल रहा था कि आपको मुझे थैंक यू बोलना पड़ेगा। इसलिए बे दोनों को, अगर हम दोनों नॉक नहीं होते तो आप क्लच कैसे करते? अच्छा देखा, मैं यही कह रहा था, हम दोनों नॉक नहीं होते। साले नूबनेस दिखा दी, वो मत बोलो। एंड जितने भी स्पॉन्सर्स है गाइस, थैंक यू सो मच फॉर स्पॉन्सरिंग, थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट। जस्ट डिस्कॉर्ड ज्वाइन करो एंड अपना स्पॉन्सर रोल ले लो गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है स्पॉन्सर रोल, जरूर ले लेना। पंडिनो जादूगर लॉल जी सेंटिनल भाई, थैंक यू सो मच। एंड करना पड़ेगा यार, देखो अगर तुम एशिया में खेलोगे तुमको 10 में से 8 मैचेस में जादूगर मिलेंगे, बाकी 2 मैचेस में स्नाइपर्स मिलेंगे, ठीक है? इसलिए सर्वर पे खेलो, आपकी स्ट्रीम भी होगी, आपका गेम प्ले भी होगा एंड यू नो जादूगर भी नहीं मिलेंगे। गाइस प्लीज स्पैम #Sentinel इन द चैट यार। थैंक यू सो मच फॉर द 1000। क्या बे बड़ा असर है। आज एक कांड करके आया हूं मैं, तुझे पता है? क्या कांड करके आया भाई? आज एक मुझे अबे हैकर है इसमें यार। इसमें हैकर है? बड़ी जल्दी नोटिस करा। अबे अभी मेरे सामने कूदा वो। जमता वैसे गलत है यार, गलत है, गलत है। देखा नहीं मैंने। अरे आज ना मुझे इंस्टा पे किसी ने डीएम किया कि ये इतने यूसी कैसे खरीदते हो? तो मैंने बोला यूसी हैक करता हूँ। यूसी हैक करता है लॉल। तो उसने, हाँ तो उसने मुझे बोला कहाँ से करते हो? मैंने अपने चैनल का लिंक सेंड कर दिया। लॉल भाई। तू गलत बंदा, बहुत गलत। मैंने अपने चैनल के लिंक भेजे होते तो भाई अलग ही सीन हो रहे होते। रोपी ओ भाई। कोई है? पता नहीं, देखा नहीं मैंने। हाँ वही मैं चेक कर रहा हूँ। नहीं कोई नहीं है। ऊपर बैरिल है। ओ बंदे आसपास ही है, बंदे आसपास ही है। शॉट्स फायर्ड 170। यस एचएम चला रहे बंदे। सत्य वचन। है बुरा गेम बड़ा लाग रहा है। चलो आई एम डन विद द लूटिंग, निकलते हैं यहाँ से। ओके हमारी करते हैं। रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लो अमृत भाई, रिक्वेस्ट आनी भी तो चाहिए मेरे भाई, रिक्वेस्ट आनी भी तो चाहिए। आएगी तो मैं एक्सेप्ट करूंगा ना यार, नहीं आएगी तो मैं कैसे एक्सेप्ट फुल पबजी वाले भी ऐसे कि उन्होंने रिक्वेस्ट यू नो 50 के ऊपर आती नहीं है, प्लस फ्रेंड लिस्ट में तुम 250 से ऊपर बंदे ऐड नहीं कर सकते, और रिक्वेस्ट सेंड करने वाले पूरे मतलब पूरे दिन में कितनी रिक्वेस्ट आती होगी यार, आप खुद एक बार सोच लो कितनी रिक्वेस्ट आती है। बैरल बड़ी एक्स्ट्रा ले रहा हूं मैं। रेड डॉट मिला तो मार करना, मैं भी रेड डॉट ही ढूंढ रहा हूँ। सगा जिस गेम में भी जादूगर है नहीं, शायद है पता नहीं। अच्छा बूटी कैंप साइड चलते हैं। ओके पबजी गेमर बिग शाउट आउट टू यू। Fans are from my childhood, now I'm 30 by the way, #respect। अरे childhood से big fan lol, आपके childhood में पैदा भी नहीं हुआ था। मैंने तो बूढ़ा बोल दिया, पागल है साले। Thank you so much। बता रहा था ना ये बहुत बोल रहा था। मैं अभी stream चालू है ना इसलिए। अब उसका childhood तो आप यार अच्छी बात नहीं की यार इसने। ओके शॉट्स चल रहा है पीछे 150। हां चलते हैं चलते हैं क्लियर करके आते। अबे ये बड़ी बेकार है यार ये ऑटो वाले बाबू मुझे लेके तो चल मुझे बूट कैंप छोड़ दे। अबे चल भाई ऑटो, अबे चला ले, अबे भाई ये कौन से कंपनी का ऑटो डाला है पबजी वालों ने भाई, पैसे पूरे दिए भाई चला ले जल्दी से। इतना छाप रहे भाई, कम से कम एक ढंग का ऑटो डाल दो यार, कम से कम नैनो डाल दो भाई। भाई क्या लिखा है इसमें पीछे, कुछ तो पढ़ने में आ रहा है। इसमें लिखा है पीछे बुरी तरह बात तेरा मुंह काला। बंदा शायद मिलने वाला हो, केयरफुल। हाँ मिलने वाला है। अबे तो मारा क्यों साले, मिलने वाला है तो मत मारो। हाँ अबे तो मिल गया बस, किल भी कर रहा है यार। वाह अबे अच्छा मतलब नहीं अरबिक लॉबी में कौन बॉट था यार, देख कितना गंदा की तरह भागा। तो बॉट नहीं था भाई, बॉट गाड़ी छोड़ी घूमते हैं यार, ये दो गाड़ी खड़ी थी यहाँ पे। अकेला बंदा तो गाड़ी चला रहा था। हाँ भाई एक पैर ऑटो में था उसका और एक पैर ना ये बस इसमें था। यार हम ये प्लानिंग कर रहा होगा कि कहाँ चलूँ अब मैं नेक्स्ट स्टॉप। पंजाब पुलिस योर फैन लव फ्रॉम पंजाब, थैंक यू सो मच सर। ओ भाई क्या बोल रहा है ना, पुलिस भी खरीद ली। आप तू कुछ बोल बेटा, कुछ बोल अब तू, मैं बताता हूँ मैं ये पंजाब। नहीं भाई मैं तो हांगकांग में रहता हूँ, आप उनको नहीं है डर। आएगा तो सही ना पंजाब, पंजाब तो आएगा तू। सत्य बच्चन है कहाँ जाएगा, मिलने वाला हो सकता है। अभी तो वैसे ही से इंडिया आना पड़ेगा। हेलो आएगा ना, हेलो ब्रो, हेलो हैरी। क्या नाम था अपने भाई का? अरे ऊपर चले गए, नाम था हैरी। सॉरी भाई सॉरी हैरी भाई। जैसे ये एयरपोर्ट पे दिखेगा ना, इसको ना सीधा बंदी बना लो, इसको तो पेलेंगे अपन अच्छे से। टीममेट कहाँ पे भाई, बुला लो आप। हाँ डायना जल्दी से बात कर लेते, रियल बंदे पे टाइम नहीं है यार, ये रियल बंदा था, बंदे का टाइम नहीं है इसका, टाइम नहीं है। मीटअप कर लो। हाँ, बंदा जल्दी बात कर लो, टाइम नहीं है इसके। इसके बंदों की फाइट होगी, बंदे नहीं आ सकते इसके पास। हेलो हेलो, अरे भाई मर गया भाई, बस मर गया। अरे यार सॉरी भाई, सॉरी यार। नहीं कोई मसला नहीं भाई। यार ये हमारे प्लेयर्स ना बड़े बकचोद है भाई, आपको मार दिए, सॉरी भाई। हां भाई टाइनो तुमने नहीं मारा, कोई मसला नहीं। अच्छा लगा आपसे मिलने आ रहा था मैं तो दूर से, सॉरी बहुत ठीक है भाई, बड़ी मेहरबानी। अरे कोई नहीं यार, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे। जिससे मिलना है तो ठीक है भाई, तो मत लियो। इन्होंने पाउडर समझ के मार दिया। किसको किसको? अब जो मिलने आया था आपने मारा था इसको? अबे तूने मारा भाई, मैं थोड़ी मारा। नहीं भाई मैं तो अबे मैं तो सामने 190 के बंदे मार रहा हूँ भाई, मैं थोड़ी इनको मार रहा हूँ। नहीं M16 से आपने मारा है। वैसे मेरे को नॉक ही दिखा था, ये बता रहा हूँ मैं तुझे। ये जो तूने सुमड़ी में एकदम वो किया है ना, hackers join real players left, Dynamo join hackers left। अरे भाई 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 by the way guys, एक hackers वर्सेस अभी Dynamo का वीडियो अपलोड होने वाला, जो हमने मारे थे कल परसों, दो hackers पहले थे इरांगल में, वो भी ईशा सर्वर्स वाले। तो बहुत जल्दी वीडियो अपलोड होने वाली है। मैं ऑटो में आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, तुम लोग चलो। अब बीच नेक्स्ट स्टॉप पे रुकेगा, अब नेक्स्ट स्टॉप इज बूटी कैंप। ओके रीचिंग्स अबे भाई 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 क्या है भाई ये? आगे तो बाइक ले लो ना। बूस्ट का ऑप्शन नहीं है क्या? रेड पे बाइक इसमें कोई ऑप्शन नहीं है बूस्ट वगैरह का। चेतक ले लो, चेतक शेतक शेतक पीछे रह गए। मेरे पापा के पास थी शेतक जब मैं बहुत छोटा था। मेरे ग्रैंडपा के पास है, अभी भी है। नहीं तो मेरे पापा ने तो अभी वो क्या कहते हैं, पता नहीं कहाँ रखी हुई है, कौन से गराज में, कहाँ पे कहाँ है, उसका क्या हो गया समझ में नहीं आ रहा। लेकिन वो शेतक पे तो भाई क्या बचपन बन गया, तो चुम्बर बन गया उसका। हाँ भाई तेल हाइड्रा संदीप भाई, थैंक्स अ लॉट भाई। भाई भाई आगे नहीं बढ़ रही है ये तो आगे नहीं बढ़ रही है। इधर इस साइड आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आगे ले लो थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा ऊपर और थोड़ा सा और ऊपर, आ जाओ। और ये जगह पे 360 कोई काम की नहीं है भाई, कोई काम की नहीं है। पबजी जिस बंदे ने ये रिक्शा डाला ना इस गेम में, अगर वो बंदा मेरे सामने आ गया ना किसी दिन, उसकी अस्थि ना मैं इस रिक्शा में बैठा के निकालूंगा। लॉल के बाद ये बाइक आई और आ रहा है। अरे हाँ आ रहा है क्या बोल रहा है ये? अबे कहीं उसके प्लेयर तो नहीं थे? हैं ये उसके टीममेट्स हो सकते हैं। अब नहीं पता, अब नहीं पता तो डायनो का है आपका। अब नहीं पता भाई, मैं नहीं पता। मैं कोई भगवान थोड़ी जो मेरे को मालूम पड़ेगा उसके प्लेयर है भाई, अंतर्यामी थोड़ी हूं मैं जस्ट एक अज्यूम कर रहा हूं। मैं खाली अजम्पशन है मेरा कि हो सकता है भाई, हो सकता है। कैंप भी खाली है एकदम। की बोल चीज हो गया समझो, अगर बोलो तो पट से हेडशॉट दे दे। अरे भाई ये अरे हड्डी तो जाने वाला है बहुत जल्दी। कहाँ पे भाई? अबे मैं तो हैदराबाद आऊंगा ना अगर फाइनल पहुंचा तो। हैदराबाद? हाँ। अबे फाइनल कौन से फाइनल्स? पुणे PMIT के फाइनल्स कोलकाता में। अबे ग्रुप सी का पहले पुणे में होगा ना, फिर कोलकाता में होगा। अच्छा लैन गेमिंग की बात कर रहा है तो लैन बोलना। हाँ हिटमैन को बोलना चाहिए ना, लैन गेमिंग। नोबड़े हिटमैन हिटमैन से मतलब मैं बोलूंगा लैन गेम तेरा है। हां पे थर्ड लाइफ और नीड किया तो मेरा मैनेजर है ना हिटमैन। अरे वाह पर्सनल वाला। बस इस ड्रॉप में ऑम मिल जाए बस मजे आ जाएंगे लिटरली। ड्रॉप कहाँ है? अच्छा ये रुद्र लायंस गेमिंग थैंक यू फॉर द स्पॉन्सर। और ये मिली टट्टी। अरे भाई साहब मिल गया कतई जहर। सॉरी नो टट्टी, सॉरी नो टट्टी सॉरी नो टट्टी। पबजी गॉड थैंक यू सो मच। क्या होता है डायनो रोमिंग अराउंड नंगे पैर? कांटों से थोड़ा संभल के। हां ना मेरे पास भाई जूते हैं हमारे पास। अभी हमारे पास अभी गुच्ची के जूते पाए हुए हैं। गुच्ची पुच्ची के नहीं पहनते हम भाई, क्या बोलते हैं मैंने। गुच्ची का तो मुझे भी नहीं अच्छे लगते। ओ भाई कतई जहर हो गया मेरे साथ तो। गाइस ये जो वर्डिंग्स है ना क्लिप कर देना ठीक है, ये रिकॉर्डिंग में नहीं आनी चाहिए। गुच्ची पुच्ची। अबे बन चुप बैठ भाई। तू और बोल ले यार, मतलब रिपीट कर ले। हद ही है। अब मुझे मीनिंग नहीं पता ना तो मैं बोलूंगा ना। नहीं नहीं। बंदा 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 अंदर बंदा। Enemies ahead. अंदर। अच्छा अच्छा। ले बेटा पाट्टा से। रश 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 जल्दी जाओ। दो बंदे थे, एक को नॉक कर दिया। घुस रहा हूँ। हटवन घुस, मैं लेफ्ट से आ रहा हूँ। दिख गया मेरे को। राइव दे रहा है। नो। नेट। बच गया। ये डायनो कनेडा। ना ठीक है। उन सेफ है। M24। डायनो M24 बढ़िया। नहीं चाहिए। बेटा ना रानी डायनो पे होम है ना। मैं वही कह रहा हूँ ना, ना रानी ना राजा, जब साथ में हो पप्पा। नहीं ये राइमिंग नहीं हुआ है। अबे रियल प्लेयर है, रियल प्लेयर, रियल प्लेयर। ओए ओ भाई नहीं आता फटाफट। भाई मुझे लगा बहुत आ रहा है, मैं टाइम पास कर रहा हूँ उसके साथ सामने खड़े होके यार। डायनो वही मैं सोच रहा हूँ क्या बोल रही है, बहुत आ रहा है। मैंने पता नहीं क्या है, क्या सीन। मैंने भी M24 निकाली थी, ये तो शुरू हो गया भरना। पता नहीं अभी। ओए यार मैंने भी M24 चलाई, उसने भी तुझे मारी। लॉल पहले रैब मेरे लाल। कहां से मार रहा है बताना तू। वेयरहाउस 125 कंपाउंड वाला 125 वेयरहाउस पे पिक कर रहे हैं। अरे यार स्मोक हो गया साहब, ध्यान नहीं था तब मारता। अरे दो बंदे बे पागल। ना मुझे तो एक ही दिखा ना। ना दो है, दो है भाई। अच्छा बच गया मैं। दो हैं तीन है अब, तीन चार हैं। अच्छा एक दिखा मुझे, एक इस वाली बिल्डिंग पे आ गया। क्या बोल रहे हैं, स्मोक पे मार रहा है। ले बेटा पट से हेडशॉट। ये क्या नॉक है? ठीक है, घुस भी नहीं सकते हम। घुसने नहीं, हमें हमें घुसना भी नहीं है, हमें घुसना भी नहीं है। हमें जोन के लिए जाना है, डोंट वरी। हम घुस सकते हैं, हिटमैन आ जा मेरे साथ। अबे नहीं नहीं नहीं, बकचोदी मत करो यार। ओपन जाना पड़ेगा, ओपन जाना पड़ेगा। जाने के लिए मत जाओ। हां बच गया। बेकार का रिस्क लेने वाली बात लगा मुझे यार। ये तो डिले है यार इस सर्वर का। जब तक कि मैं पिक करूंगा, मैं खा चुका रहूंगा हेडशॉट, बॉडी शॉट जो भी है। भाई जोन का वेट करो, जोन का वेट करो। से रहे हैं दिख रहा है मुझे, दिख रहा है एक राइट वाले एक लेफ्ट वाले विंडो से दिख रहा है मुझे। दोनों दिख रहा है, दोनों हम पे ही है। तो मैंने खाया देखा। किसको नॉक किया? कर दिया नॉक, कर दिया एक मैंने। ये वाला नॉक कर रहा है। एनिमीज अहेड। ओ अच्छा वहां है और एक बंदा, वो भी पिक ले रहा है ऊपर से। ठीक है। पता नहीं कहां से मार रहे यार। मार किया तो था अभी। हम दोनों के हेलमेट गए हैं मेरे और जिसका तुम मार करते हो वो नॉक हो जाता है, और फिर दूसरा पता नहीं कहां से मारता है। साले ये लोग भी साले जोन के अंदर आ गए। क्या बोल रहा है? हेलमेट नहीं मेरे पास। क्या करना है डायनो, पुश करें फ्लैंक करके? ना नहीं 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 नहीं, हम पे जोन आएगा, डोंट वरी। सबर का फल मीठा होता है। ओके हनी के साथ तो कड़वा होता है, क्योंकि हनी भड़वा होता है। नहीं यार हनी भड़वा नहीं होता, हनी मीठा होता है। एक बंदा राइट से या हो रहा है। गाइस फोकस कर लो यार, गेम पे फोकस कर। हनी बकैती बात में दो स्क्वाड लड़ रहे, ठीक है। मां कसम पीछे बंदा है क्या अपने? हां मैंने अपना पीछे फिर अंदर। एक अंदर अंदर आ जाओ, चिल करो, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से बैठ, जोन का वेट कर, जोन का वेट करें। ठीक है। फेस कैम ब्रो, फेस कैम यार मैं अभी भी कैमरा फ्रेंडली नहीं हुआ हूं यू नो। थोड़ा सा मुझे कैमरा फ्रेंडली होने में थोड़ा टाइम लगेगा। मैंने कभी यूज नहीं किया फेस कैम, तो थोड़ा इसलिए मैं यूज नहीं करता। पीछे से पड़ी मुझे, एनिमीज अहेड। इस साइड से पड़ी, स्मोक करना पड़ेगा मेरे पे। है ही नहीं है, मैंने वो भी जल्दी करना पड़ेगा। मैंने कर दिया बट वो खाया के थे वो मैं नहीं जानता भाई। वो दोनों तरफ से। अबे हिटमैन कहां से? दोनों तरफ से बढ़ रही है, एक 300 से बढ़ रही है, एक 170 से बढ़ रही है। आ जाओ मेरे पास, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ मेरे पास। पुश हो गया, पुश हो गया बंदा, 185 से आ रहा है। हां 185 से आ रहा है। अरे काफी दूर है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे बहुत आगे मारा। हाँ। नाइस। गो गो गो, दो डाउन, दो डाउन, 2-3 डाउन है। सामने ही है, दिख रहा, दिख रहा है। अरे मार दिया इसने, मैं उसको हेडशॉट मारने की कोशिश कर रहा था। मार दिया, मार दिया, ऑल डट। चल एक साइड की तो टेंशन खत्म। अब पानी क्रॉस करने देना अच्छा लगा। पानी वाले ही थे ये। नहीं यार गलत इनवेट होता है यार पानी पे। ठीक है ना, तो दोनों बोला नहीं थे, नहीं थे। विकी सिंह, thank you for the 1000. Guys, can we have #Wiki in the chat? ये नेट किसने किया? पीछे से अभी भी कोई स्नाइपर चला रहा है साला। तेरी क्रेट कहाँ है? M24 उठाऊं। अरे कान के पास से गई यार। डायनो मेरे पास 6x पड़ा है डब्बे में। इधर है, इधर है। डब्बा किधर है? ये रहा, ये रहा ऊपर। ये लेजेंड का डब्बा है ये। उसको लेजेंड नहीं, उसको लेजेंड बोलते हैं। किसका लूं अब झंड में यार, ये भी बता दो। हिटमैन हंस मत नो बड़े। अरे मैं अटक रहा हूं, मैं अटक रहा हूं। उस पे शॉट्स, उस पे शॉट्स आ रहे हैं। वो देखो सांप के बच्चे लेटे हुए, लेटे दो बंदे। सांप का बच्चा, सांप का बच्चा। हेडशॉट पड़ा। एक पेड़ के पीछे है, एक हेड। दो हैं, दो नहीं तीन है। एक पेड़ के पीछे है। अरे यार किल ले गया, कोई किल ले गया। नहीं नहीं मेरे को आया, मैंने नॉक किया। अरे यार उसके बैक के आर-पार से बुलेट निकल के साली। अबे व्हाट द बूट कैंप पे जी जी बेटा पार्टनर से पापा पापा होते हैं। अब करेंगे टेलिंग एंड टेकिंग। देखो दिखा मुझे सामने पेड़ पे, पेड़ पे 205 पेड़ पे सामने। ये कौन आया और में हुई हलचल। देखते एक पीछे पेड़ पे, एक ही झलक हो गए तुम नॉक बेटे। पेड़ के पीछे कौन सा पेड़? हाँ दिखा 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 दिखा। हाँ ओम खत्म, ओम खत्म। कुछ है क्या? M24 है। दे 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 दे। अरे फ्लेयर है मेरे पास, चला दो जोन में जाके। वो देख पीछे पेड़ पेड़ है ना। कौन सा पेड़? हाँ वो देख उसका रेंटर हो रहा है वो देख। अरे कौन के पास से गई यार? मर गया ना वो? कैंप पे बंदे हैं हम। हाँ मर गया, मर गया। ले बेटा पट से लेवल 3 हेलमेट। वो भी क्विक। अरे जोन नहीं है। पीछे कौन सी गाड़ी? गाड़ी के पीछे यही वाली बूट कैंप वाली। 2-3 मिनट। अबे हम जोन में नहीं है। अरे मर जाओ साले। अबे ये कौन है जोन के बाहर लड़ने आ रहा है? भाई रैप करना पड़ेगा। मैं पीछे आ रहा हूं, मैं पीछे आ रहा हूं। मैं आ रहा हूं। मेरा M24 थी, मैंने उसका M24 मारा पता है। स्मोक नहीं है, स्मोक नहीं है भाई। संभाल ले। अरे यार एक ही बचा था यार, सिर्फ एक बचा था भाई, सिर्फ एक बचा था। कितना अटैक किया था मैंने साला। निब्बा हिटमैन गाइस इसे कहते हैं, इसे कहते हैं क्या हाथ में आया लेकिन खा नहीं पाया, ऐसा कुछ तो भी है ना। ऐसा मैंने चिकन डिनर ना, ऐसा मेरे को चिकन डिनर की खुशबू आ रही थी कि यार ऐसा दूर से दिख रहा था कि वो चिकन डिनर के लेग पीस है, वो चिकन डिनर है, बट जैसे ही वहां तक पहुंचा, बता मेरे को, जैसे ही वहां तक पहुंचा धोखा हो गया मेरे साथ। I love you and my dream to play with you. I'm mobile player. I want to join you or in your clan. विकी भाई अभी सीन ऐसा है ना कि हमने क्या किया है कि हमने रिक्रूटमेंट फिलहाल के लिए ऑफ रखी हुई है हाइड्रा क्लैन की, बिकॉज सारे प्लेयर्स अभी बिजी है PMIT PMC और ये सब मैचेस में, यू नो। और अभी बहुत जल्दी एक टूर्नामेंट होस्ट करने वाले हम लोग ओनली फॉर मोबाइल प्लेयर्स, जिसमें से मोबाइल प्लेयर्स खेलेंगे। एंड उससे क्या होगा कि इंडिया के जितने भी अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं ना वो जरूर पार्टिसिपेट करेंगे, जैसा मैं चाहता हूँ। एंड यू नो ऐसे बहुत सी टीम्स हैं, ऐसे बहुत से प्लेयर्स हैं जो सोलो खेलते हैं या जिनका अच्छी टीम नहीं है, या फिर ऐसे टीम्स हैं जो भी रिकॉग्नाइज नहीं है इस सोसाइटी में, यू नो, मतलब यूट्यूब सोसाइटी में, ई स्पोर्ट्स सोसाइटी में। सो इस टूर्नामेंट से क्या होगा कि ऐसे बहुत से लोग को एक नाम मिलेगा, एक पहचान मिलेगी, एंड काफ़ी अच्छे यू नो एक प्लेटफॉर्म भी मिल सकता है। तो उस टूर्नामेंट में मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग क्लैन ज्वाइन करना चाहते हैं आप पार्टिसिपेट करो, एंड मे बी हो सकता है कुछ अच्छा। वेरी वेल, हाँ आप बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे तो हाईलाइट हो जाओगे। हाँ ऑब्वियसली, क्योंकि मैं स्पेक्टेट करूंगा, मैं कमेंट्री भी करूंगा, तो ऑब्वियसली यार इतने हजारों लोग देखते हैं तो डायनो हम लोग भी खेलेंगे, जिसको खेलना है खेलो भाई। लॉल हिटमैन खेलेगा ना 1v4 और जरूर इस पे बैटल। द रेड वुल्फ टूर्नामेंट, बिग शाउट आउट टू यू। लास्ट गेम मीटअप किया ब्रो, वॉइस ग्लिच था आपका। इट वाज अ ड्रीम टू मीट यू, लव यू भाई। प्ले शार्ट टू स्वॉट पांडा एंड स्वॉट बीस्ट यूट्यूब। अरे आई एम सो सॉरी यार अवनीश, मैंने बहुत ट्राई किया। मिरामार की बात कर रहे हो ना, मैंने बहुत ट्राई किया, जैसे ही मिरामार खत्म हुआ मेरा ग्लिच ठीक हो गया, तो पता नहीं क्या सीन था यार। एनीवेज बिग शार्ट टू स्वॉट पांडा एंड स्वॉट बीस्ट। ये किसी ने बर्फ फेंक के मारा। हम भी ये चीज़ करेंगे, बर्फ़ पे बर्फ़ मारेंगे, और ये बर्फ़ के ऊपर एक और बर्फ़। ये फूटा और मेरा फिर से ग्लिच हो गया। आई थिंक इन लोग की आवाज़ नहीं आ रही है। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही तुम लोगों को? जी जी, वॉइस ग्लिच, वॉइस ग्लिच। PMC टूर्नामेंट? ना ना ना, PMC टूर्नामेंट नहीं ब्रो। I'm really sorry. वो टूर्नामेंट लाइक हम लोग हमारे लिए कर रहे हो ना, लाइक कुछ प्लेयर्स के लिए, मोबाइल टीम्स के लिए। PMC एंड PUBG और से कोई लेन देन नहीं है उस चीज़ का, वो जस्ट हम हमारे तौर पे करेंगे। रमेश सोलंकी, थैंक यू सो मच फॉर द 40। क्या हाल चाल है? फिरोज भाई डेफिनेटली मारेंगे यार, डोंट वरी। भाई शॉट टू पापा क्लैन, लव यू। अरे बिग शॉट टू पापा क्लैन। कितने लौंडे आ रहे हैं। क्या बात कर रहे, कोई नहीं आया? डायनो डिस्कॉर्ड। हाँ मैं डिस्कॉर्ड में आ चुका हूँ। ठीक है, नहीं डायनो गेम चौपी नहीं चल रहा है आपका? चल रहा है थोड़ा सा, बहुत फ्रेम ड्रॉप हो रहे हैं। हाँ तो मेरे भी हो रहे हैं, बट अरे ओ भाई साहब, कहाँ आ गया मैं? अच्छी लूट मिलती है काश। ये क्या था? ये थी कार्नाइट की छोटी बहन। विंचेस्टर। अच्छी गन लगती है। अबे बाइसन है, कौन बोला बाइसन निकाल दी गेम में से? नहीं बाइसन तो है। हाँ ये तो बाइसन है यहाँ पे। कल कोई तो बोला स्ट्रीम पे मुझे, कोई बाइसन निकाल दी करे गेम में से। नहीं अब कौन बोला वो याद नहीं रहा, लेकिन कोई तो बोला था कल। I got supplies. Nano 4x चाहिए? 4x है मेरे पास। ठीक है। हनी यूएमपी मार्क करिए दोबारा। Enemies ahead. ठीक है, थैंक यू। गुरु बोला था, हाँ कल गुरु बोला था। बराबर सही कह रहे। मतलब यार ये जिस राजा महाराजा का ये कैसल होगा, क्या कैसल है यार। मतलब मजे आ जाते होंगे यहाँ पे रहने में। तो ये रियल उस पे मॉडल है, मेरे को एग्जैक्ट जगह का नाम याद नहीं है मगर मैंने काश ये कैसल मेरा होता, मजे आते। राजा डायनामो विथ हिज 20-30 ट्विंस। तेरी भाई साहब मेरा होता, राजा डायनामो विद 20-30 ट्विंस। भाई साहब अब मेरे हिसाब से राजाओं के इतनी तो रानियां होती है, जहाँ तक मैंने बचपन में कहानियां सुनी है बहुत सारी। अरे राजस्थान में एक राजा था, उसके साल में 365 दिन होते थे, उसकी 366 रानियां थी। ये थोड़ा वो राजा था कि प्लेबॉय का आर्टिस्ट था? अरे उसका पता है, जब आप घूमने जाओ ना वो पैलेस में, तो गाइड लिटरली बोलता कि एक रानी कोई ऐसी होती थी जिसका 4 साल में एक बार नंबर आता था। बहुत बढ़िया भाई, राजा साहब काफी शौकीन मिजाज के लगते हैं हमें। सत्य वचन। मगर इसमें एमो नहीं होगी, चलो एमो बाद में मिल जाएगी। गाड़ी इस साल है मेरे कैसल में सिर्फ घोड़े दौड़ेंगे, गाड़ी नहीं। समझा? कैसल में गाड़ी नॉट अलाउड। तब तो आपकी नहीं भाई, राजा के लिए भाई स्पेशल चीजें बनती है। रास्ता कहाँ यहाँ से निकलने का? यहाँ से नीचे राइट से Enemies ahead. Enemies ahead. वहाँ से ले लो। देखा रहा कैसा जगह पे गाड़ी घुमाया। मेरे को तो ओए बंदा बेटा, जिसके हाथों मौत लिखी होती है ना, उसी को किल मिलता है यार। ये मेरे को रेड मार कर आया पूरा। चैलेंज है नॉर्मल ड्रॉप को गाड़ी के ऊपर लेकर घूमना है। भाई सबसे पहले तो गाड़ी ऊपर नहीं ले सकते हम लोग, घूम ही नहीं सकते। वो ड्रॉप गाड़ी पे ले सकते हैं, बट गाड़ी आगे लेके ना तो ड्रॉप या तो पीछे जाएगा या तो आगे जाएगा। पीछे जाएगा तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी, एंड हम पीछे जाएंगे तो ड्रॉप नीचे गिर जाएगा। यार ये सब चैलेंज तो यार मैं चौथी में करता था, इसलिए मुझे पता है कि क्या होता है क्या नहीं होता है। गाइस 5 मिलियन पहुंचने वाले हैं यार। आई डाउट कोई भी ऐसा चैलेंज होगा जो अभी तक नहीं किया है। मिलियन से याद है गाइस, यार सब्सक्राइब करो यार, नीचे जितने भी लोग को रेड बटन दिख रहा है दबा दो बस अभी के अभी, यही चाहिएगा। एंड लाइक करो, एंड लिखो चार्ट में कितने लाइक्स हो गए। अभी तक के पूछा ही नहीं कि ना किसी ने बताया कि भाई इतने लाइक्स हो गए, इतना ये हो गया। तुम्हारा राजा बर्फ पे गाड़ी चलाएगा साले, चलो है। मतलब एक साल में डायनो 17 मिलियन। हम डायनो का एक महीने में 1 मिलियन फॉलोअर बढ़ जाता है। नहीं भाई तो नहीं बढ़ता, 5 मिनट वाले। प्लेन देखना, प्लेन कहाँ जा रहा है देख रहा हूँ, चप्पी नॉर्थ से आ रहा है, टूवर्ड्स 250 जाएगा, ड्रॉप चेक कर रहा हूँ। दे यार दे। I think करके ड्रॉप हम लोग 260 आई थिंक करके ड्रॉप, मेरे को लग रहा है ऐसा, क्योंकि हम जोन के एंडिंग पार्ट पे हैं। हाँ अब नहीं करेगा, पीछे ड्रॉप करते हैं। हो गया ड्रॉप हुआ है, नॉर्थ ईस्ट, एग्जैक्ट नॉर्थ ईस्ट, एग्जैक्टली पेट्रोल खत्म। अच्छी बात। और यहाँ गाड़ी ना एक बहुत ही दुर्लभ प्राणी की तरह मिलती है। सॉरी भाई माफ़ करना। अरे भाई क्या बात कर रहे हो यार, माफ़ी किस चीज़ के लिए मेरे भाई, कुछ भी यार, भाइयों से माफ़ी नहीं मांगता। फुटस्टेप साउंड इश्यू इन एमुलेटर, प्लीज टेल मी हाउ टू फिक्स इट, डीलिंग इट फ्रॉम सो मेनी मंथ्स। देखो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे हिसाब से एमुलेटर का इशू नहीं है, फुटस्टेप का ये हो सकता है, या तो सबसे पहली चीज़ आपके साउंड कार्ड वगैरह का या आपके हेडफोन का इशू हो सकता है, ठीक है, क्योंकि मैं भी हम लोग भी एमुलेटर यूज़ कर रहे हैं, तो मुझे अभी तक इशू ये अभी तक नहीं, मेरे सामने आया नहीं, मैंने एनकाउंटर नहीं किया ये इशू अभी तक के। डायनो आप अकेले हो? अरे यार तेरा भाई अकेला काफ़ी है। और हम लोग गाड़ी मिल गई, तुम्हें गाड़ी मिल गई, मुझे बाइक मिल गई। अच्छी बात। मेरा गेम क्यों आ रहा है यार ऐसे, मतलब आओ निकलते हैं। आजा गोरखपुर चलते, गोरखपुर चलो। हाँ ये आ गया मैं गोरखपुर में। डोबरो मुझे गाड़ी दिख रही है। अच्छा ठीक है। शॉर्ट फायर मिल गए और मेरे पास रेंज लाइट कुछ नहीं है। पहले एनिमीज अहेड, कैम स्पॉटेड। अरे यार ये बंदा अभी जस्ट यहाँ पे गया, उसके स्नोमोबिल के निशान है टायर के। स्नोमोबिल अच्छा ठीक है, मैं चेक करता हूँ। स्मोक किया उसने। एनिमीज अहेड। चेकिंग, ऊपर आ गया मैं, हाइट गेन कर रहा हूँ। नाइस। हनी केयरफुल, हनी हनी हनी। अबे हनी अंडरस्कोर बोका चोदा। स्मोक के थ्रू मार रहा है उसे। मैं कैसे मारूं भाई, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा कहाँ है। रुक जा पहले उसे ले लूँ। दे रहा हूँ मैं कवर। एक बंदा मेरी यूएस पे नॉक। डायनो हैकर है शायद, हनी कह रहा है, संभल के थोड़ा। नाइस। शक्ल चुरा लिया मैंने। हैकर का है नहीं वो नहीं जानता, लेकिन हमें डिले होता है ब्रो, तो हर कोई इसमें हैकर ज़्यादा नहीं है, इसमें डिले हमारा ज़्यादा होता है। वैसा सीन है कि मेरे पास वैसा सीन है कि मेरे पास नेड भी नहीं है, हमें एक नेड चाहिए एटलीस्ट पुश करना है तो। आपके पास स्नाइपर है कोई? नहीं ना, विंचेस्टर है। अच्छा, मैंने एटैक्स मिला है स्क्रेड से। उसने शॉट लिया है मुझ पे। हाँ तो अनिल वही कह रहा है कि लोकेशन तो पता है उसे फॉर श्योर। हाँ यार एकदम एग्जैक्ट मार रहा है, एकदम एग्जैक्ट। मैं बच जाऊंगा। अब नहीं मार सकता। और ये स्मोक कहाँ हो गया? हाँ यही बंदा है। सबकी एकदम डॉट लोकेशन पे मार रहा है। कुछ नेट बेड है तेरे पास? इसको नेट से ही मार सकते हैं थोड़ा पास जाके। स्मोक्स हैं मेरे पास, 5 स्मोक्स हैं और 1 मॉली है। मॉली तो मेरे पास भी है। कैसे मारे इसको? कोई तो अबे मैं ऊपर नहीं आ पा रहा हूँ। अबे राइट से डायनो, राइट से ऊपर आओगे। अरे मर गया वो। आजा। मर गया। यस मर गया। इसको पीछे से मारा किसी ने। आगे मत जाना, वो शायद लूटने आएंगे इसको। दिख गया मेरे को बंदा। यहाँ पर है। कहाँ पे? ओके हाँ दिखा मेरे को, दिखा। अरे मत यार, अबे क्यों फायर कर दिया ब्रो? वो स्पॉट कर चुका है मेरा ना, गया अकेला था ना। हाँ अकेला था, मार दिया। यस ठीक है। बहुत चौपी हो रखा है भाई बंदे के पास। 8x 6x मतलब यूएमपी पैरेल भाई। ये बंदे कहाँ से मिले? वो भी 2-2। आपसे इजाज़त हो तो मेरी डॉटर के नाम आपके नाम पर रख सकता हूँ क्या? अरे भाई क्या बात कर रहे हो सर, यार आपने ये चीज़ सोची, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। एंड टू बी ऑनेस्ट यार, मैं इतना भी ऐसा नहीं हूँ कि मेरे ऊपर लोग नाम रखे या ऐसा कुछ सोचे ना। बट बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। नहीं यार यूज़ कर ले, ठीक है। हाँ निकलते हैं हम लोग, चलो। अपनी व्यूअर्स है पीछे। रेड डॉट किसी पे नहीं है क्या? 340 रेड डॉट उस वाली क्रेट पे है। हां ड्रॉप तो दिखाते। डेली गेमिंग व्हाट्सएप, थैंक्स फॉर द स्पॉन्सर ब्रो। यूजिंग HyperX हेडफोन्स, एनी गुड साउंड सेटिंग्स? HyperX हेडफोन तो काफ़ी अच्छे हैं। प्रॉब्ली फिर इसी का इशू हो सकता है, आपके एमुलेटर का इशू हो सकता है। HyperX हेडफोन्स आर गुड। मैं यूज़ करता हूँ क्रेजर ट्रैकन 7.1, तो हेडफोन का इशू फिर नहीं होना चाहिए मेरे से। ना भाई, वीकेंड में आके स्नो मोबिल ना चलाया तो क्या चलाया? बैठो मिलेगी क्या? M249 है। और ये क्या बकचोदी है बर्फ में? डेजर्ट वाला गिली सूट। हाँ भाई कतई जहर है। आगे वाले एरिया के लिए दिया है। मैं यूज कर रहा हूँ M249। हाँ जी ठीक है। कोई आ रहा फुट से भाई मुझे। नाइस। फोर ड्यूस। नाइस टाइम। हमारा भाई यूज करेगा 6x M249। 3x ड्रॉप किया ना तो? हाँ मैंने ड्रॉप किया 3x मिल गया। यहाँ पे एक लेवल 3 वेस्ट है काफी फ्रेश। हाँ मिल गया। ये मिलने वाला है क्या? ये चेक कर रहा हूँ मैं पूरा रेडी उसको मारने के लिए। मैं सो गया हूँ, अपना बाइपॉड निकाल के 6x M249 ऐसा स्प्रे करूंगा ना। गन तो उसके हाथ में है, वो भी से मिलने वाला नहीं हो गया। अपन तो अलग सर्वर पे खेल रहे हैं। भाई टाइम रेड जो एक बार रेड मार देना डबल स्टोन और वाईटी ही इज ट्राइंग हार्ड। एक बार नाम ही ले लो उसका तब ये। अरे सी इट्स नॉट अबाउट द टाइम ब्रो, हम डेफिनेटली यू नो रेड करते रहते हैं। जब भी रेड करते हैं तो कुछ चैनल के नेम्स हम देख लेते हैं, कुछ चैनल जो लाइव है जिसमें 2-3 की वॉचिंग आती है तो वो डेफिनेटली हो ही जाता है। सो बिग शाउट टू डेविल स्टोनर। क्रिकेट में सचिन, बॉलीवुड में अमिताभ और पबजी में डायनामो। अरे भाई 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 नहीं भाई नहीं, फेस काम करोगे कभी भाई? हाँ भाई बहुत जल्दी कोशिश करेंगे। Enemies ahead. New drop. एक मिनट एक मिनट Enemies ahead. Okay, I'm ready. साइज बाबा आ रही है कि नंबर चेतन में होगा साइज। Remember me do check snap if possible, much love. Thank you so much Ashkiran brother and snap बहुत सारे होते हैं ब्रो तो definitely I'll try। मैं बात देखते हूँ। अब हम है zone के center पे। हाँ 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 कहाँ से? भोली सी सूरत झाटों में आंखों में मस्ती। दिख रहा है नहीं यहाँ पे धनापन जबी। दस बंदे लाइव है, 10 के 10 बंदे हैं किधर भाई? इसके बाद देखेंगे घरों में। Enemies ahead. सिटी में तो ऑब्वियसली लोग कैंप कर ही रहेंगे। कुछ एक तो स्क्वाड होगा इस सिटी के अंदर। अब स्नाइपर भी तो नहीं है, स्नाइपर होते तो एक बार मजे भी आते। ऑकवर्ड साइलेंस यस सर। लेकिन वो चीज़ मैं याद नहीं करना चाहूँगा क्योंकि जितना याद करेंगे उतना चैट पे यू नो कुछ ज़्यादा इमोजी स्पैम होने लग जाते हैं जैसे अभी हो रहे हैं। गाइस एक बार चैट पे दिल स्पैम कर दो यार। दिल मतलब हर एक प्रकार का दिल स्पैम, जितने भी इमोजीज है ना दिल के मतलब टूटा हुआ से लेके तो काला पीला नीला बैंगनी जो भी है सब स्पैम कर दो एक बार चैट में यार। एक बार देखना चाहता हूँ, आप लोग का दिल देखना चाहता हूँ। मेरी नजर से तुम देखो तो हनी भड़वा नजर आए। लैग हो रहा गेम हल्का हल्का। ये हुई ना बात, चैट में दिल मजे आ गए। Not a problem. Not a problem. यार एक कहाँ क्या कर रहे भाई, हम इतने ओपन में घूम रहे, कोई हमको देख नहीं रहा है, मार नहीं रहा है, हो क्या रहा है? ओके शॉट्स है पीछे से। ओके ओके मैं स्पॉटेड, मैं स्पॉटेड। अब देख लिया भाई। Excellent work. Enemies ahead. यस 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 वहाँ पर है। Guys, intense moment, hit the like button. क्या हमें चिकन डिनर मिलेगा? लाइक करके लिखो चैट में यस और नो। ओके वो जोन के बाहर है, आ सकते हैं ठीक है जोन अपने लिए। मैं अपना राइट और लेफ्ट देखते रहा और नीचे गिर गया। शॉट 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 बोले शॉट्स ले रहे हैं। हाँ थोड़ा लेफ्ट आ गया वो। ओपन मत रहे, ओपन मत रहे, पता नहीं कब नॉक हो जाए। राइट से भी राइट से फ्लैंक कर सकते हैं। मर गए। हाँ देखा मुझे, ऐसे भाग रहा है एक बंदा यार। अब ये बंदा निकलेगा यार जोन के लिए। फक यार। हाँ भाई क्या ओ भाई साहब बॉम है। ओके ओम वाले ने मार दिया उसको। इसको ओम चाहिए यार मेरे को। दिख गया लौंडा ओम वाला। इज कमिंग टुवर्ड्स मी। दिक्कत है इसको मैं छीन नहीं पाऊंगा यार, ये जोन के बाहर ही मरेगा शायद। ज़ून के बाहर ना यार, मुझे उसकी फुट से भाग गई थी पता है, मैंने एम भी कर लिया था मारने के लिए। शिट यार ज़ून के बाहर। कोई नहीं चिकन डिनर गाइस अगेन सेम पोजीशन अगेन। चिकन डिनर तक पहुंच गए लेकिन सूम के वापस आ गए। अगर गेम प्ले पसंद आया तो यार जरूर गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब बटन दबा देना यार अपने भाई के लिए। कम ऑन। हाँ हाँ कर ले स्टार्ट। बाकी गाइस हमारे हिटमैन भाई साहब गेम स्टार्ट कर रहे हैं। थोड़ा स्लो हो गया ना, मतलब मैं सही टाइम पे पहुंच गया था एंड हाँ थोड़ा सा स्लो हो गया। सही बात, कर सकते थे, निकाल सकते थे। मैं बस फॉर्म के लिए थोड़ा रुक गया था वहाँ पे, बाकी तो शायद निकाल सकते थे। बॉन्ग गेमर क्या हाल चाल है? शुभम सरकार व्हाट्सएप, कैसे हो भाई? उड़ीसा से बहुत बहुत प्यार। अरे भाई बहुत बहुत प्यार, पूरे हिंदुस्तान से बहुत बहुत प्यार। सो गाइस अगर आपको गेम प्ले ज़रा भी पसंद आया होगा यार, कुछ भी चीज़ें अच्छी लगी होगी तो यार जरूर गाइस सब्सक्राइब कर देना चैनल को। एंड आज सब्सक्राइबर गेम्स है, मैं आप लोग के साथ खेलूंगा, आप हमारे साथ खेलोगे, मैं आपको कॉमेंट्री करूंगा, आपका गेम प्ले देखूंगा, हमारे कस्टम में आप खेल सकते हो। तो प्लीज़ गाइज सब्सक्राइबर गेम्स है तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करो चैनल को। यू नो जितने भी लोग देख रहे हैं, अगर आपको नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है बस यार दबा दो उसे, अभी क्या अभी दबा दो। हेलो हेलो, हो गया रिस्टार्ट? हाँ हो गया हो गया। इन गेम वो अपना वो बोला है ना, हाँ इन गेम बोल रहा है। मेरा एंड गेम ग्लिच हो गया है। आवाज आ रही है नहीं? हाँ नहीं, कह रहा है कि रात का सोया हुआ नहीं इसलिए वो जा रहा है एक बार। ओके ओके, बाय बाय, गुड नाइट। भाई कौन सर्वर में खेलते हो? भाई हम खेलते हैं मिडल ईस्ट सर्वर्स पे आजकल, कुछ दिनों से मैं मिडल सर्वर पे खेल रहा हूँ। थोड़ा सा लैग होता है बट इट्स बेटर देन चीटर्स, यू नो। अपने एशिया सर्वर पे सारे चीटर्स भरे हुए हैं, सारे चीटर्स। तो इट्स बेटर कि आप दूसरे सर्वर पे खेल लो एंड आपका स्ट्रीम भी हो जाएगा, आप खेल भी लोगे, टाइम पास भी हो जाएगा और अच्छा गेम प्ले भी हो सकता है कभी कभार। वैसे ये सर्वर एशिया सर्वर है तो देखते हैं इसमें कितने चीटर्स मिलते हैं या फिर चीटर्स नहीं मिलते, मालूम पड़ेगा। अभी ये थोड़ा एशियन सर्वर है गाइस, आसपास देखते रहो। हाँ देख, अरे शिट 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 शिट, मैंने एक बाहर निकल बाहर निकल बाहर निकल बाहर निकलो, एक है बाहर निकल बाहर निकल। नहीं नहीं मैंने देखा नहीं है कि नहीं है, बट मैंने प्लेन का आरपी ऑफ नहीं किया था। वो तो साला वो पढ़ने के बाद तो ऑब्वियसली लोग भागते हुए आएंगे मारने के। रेडी करना है हैरी, स्टार्ट कर दो। तो भाई साहब मेरा फोन बज गया गिरते गिरते, अभी फूट जाता। काफी टाइम लग रहा है मैच फाइंड होने में। कस्टम कब करेंगे? कस्टम करेंगे हम 2 बजे मेरे भाई, 2 बजे कस्टम। ये क्या कर दिया, फोन ही गिर दिया। हिटमैन तेरी आवाज अजीब सी कैसे आ रही है रे? नहीं नहीं अब ठीक हो गई होगी, आप ठीक हो गई। सो गाइस ये लास्ट मैच, इसके बाद हम कस्टम स्टार्ट करेंगे एंड होपफुली अगर ये मैच में कोई चीटर्स नहीं है तो आराम से हम खेल सकते हैं। हाँ चीटर तो पक्का मिलेगा। अरे चीटर्स तो मिलेंगे यार, चीटर्स ना मिले, स्ट्रीम स्नाइपर्स ना मिले, ऐसे कहाँ, ऐसे कैसे होगा भाई, ऐसे कैसे बच सकते हैं? डायनो का प्लेन ऑफ है ना, मेरे प्लेन तो मैंने ऑफ कर दिया है, लेकिन वही है ना फिर वो किल फीड में नाम आता है ना, किसी को मारता हूँ या कुछ होता है तो फीड में चाहे नाम ना है फिर भी अपना हर एक मैच में लगभग चीटर्स हैं। तो मैचिंग मैंने तब मैंने गलती से ऑटो मैचिंग ऑन रखा था क्या? हाँ ऑन रखा था। ऑलरेडी यहाँ पे 4-5 बंदे घेर के खड़े हुए बस फिर डायनासोर पे। जादू का है डायनो नाम है उसका, जापानी जादूगर है। जापानी जादूगर। अच्छा हाँ, बीच में तो आई भी पहले को रैंडम के साथ खेलो, स्पेशली बीमारी के साथ। भाई भाई रैंडम के साथ तो खेल लूंगा, लेकिन मुझे कैसे पता पड़ेगा कि वो स्पेशली बिहार से है या कहाँ से है। वो तो रैंडम है यार, वो कहीं से भी आ सकते हैं। फेक डायनामो कभी खेलना, फेक। अरे ये क्या आवाज आई? भाई किसका माइक है? भाई किसका माइक है ये? मतलब खसर खसर कर रहा है। मेरा तो नहीं है। लेफ्ट में दो लौंडे, लेफ्ट में दो, इसके नीचे अपने एक स्क्वाड है, सिटी में एक स्क्वाड गया है, एक ट्रियो भी जा रहा है, ट्रियो फिर अपनी साइड जाएगा, स्क्वाड है पूरा। तो एक दो, अरे भाई साहब ये तो पहले पहुंच जाएंगे, गलत हो जाएगा सीन। स्क्वाड हाँ ये जरा उसको ड्रॉप लेंगे। नहीं यार नहीं यार, ये तो इधर ही आ रहे साले, क्या करें हम लोग? वेयरहाउस ले लो ना, वेयरहाउस नहीं जा सकते, वेयरहाउस हम लोग। जाओ भागो जल्दी। अरे फक यार, वो घर मिल गया उसे, उसे घर मिल गया। मैं मर गया, सबसे पहले मैं मरा, सबसे पहले मैं मरा, सबसे पहले मैं मरा, सबसे पहले मैं मरा। अरे ये पिस्टल उठाने दे, सबसे पहले मैं मरा। ठीक है, ठीक है, अंदर तुमको मारने के लिए अंदर आ रहा है, फिर से पा रही है मुझे यहाँ तक। एक बंदा गया अपना, मार दिया मार दिया मार दिया मार दिया मार दिया, तो हैंडगन से मार दिया। नाइस। अबे यार गन उठाने वाला था मैं उस क्रेट से। अरे यार वो ना बचा आखिरी बंदा, भाई साहब इसको मारो। मतलब डायनो ही है करता करता। मैं तो अबे डायनो वायनो कुछ नहीं, डायनो भाग रहा है यहाँ से। अरे गन पड़ी है। अरे ये ले गन, अंदर गन पड़ी है, अंदर गन पड़ी है। हां मैंने, अरे मैंने लौड़ा पिच से मारा यार, मतलब और कितनी शॉट लगी यार। दो बंदे पिस्टल से ली, तीसरा 1 एचपी था, मैं वरना उसको ले लेता। अरे ना क्या डायनो सोलो भी। मैं तो अभी पता, मैं उनके नीचे खड़ा था भाई, उनके नीचे जस्ट। ओ भाई ये गन ही नहीं मिल रही है। अरे यार इधर ही था रे, पता ही नहीं पड़ा यहाँ पे बंदा है। गन ही नहीं थी मेरे पास यार, शॉटगन। चलो आ जाओ बाहर। 129 का टारगेट। वाह वाह वाह। अरे सुनो सुनो भाई, ये सब क्या चीजें आई है। हो रहा एक सेकंड ना। भाग डायनो भाग। भाई क्या भागा है वहां से यार मेरे ऊपर। अरे जैसे मैं पैराशूट ओपन किया ना, बंदा जमीन पे खड़ा है वहां पे कंटेनर्स पे, और उसके हाथ में टॉमी है। वाला भैया आप तो गया ना, वो नहीं पता किसने मारा मुझे। अच्छा, अरे वो मेरे ऊपर से चढ़ के जा रहे थे ना, ऊपर से कूद कूद के जा रहे थे, तो मेरे को मालूम था वो कहाँ जा रहे हैं। उनकी क्लियर फुटस्टेप आ रही थी मुझे, सबकी फुटस्टेप आ रही थी। एक चक्कर से आगे गाइस मेरा वाईफाई इश्यू हो रहा है, मैं आप लोग की चैट नहीं पढ़ पाऊंगा, कुछ तो प्रॉब्लम हो गया। आपका सिंगल बैंडविड्थ राउटर है क्या? हाँ तो डुअल बैंडविड्थ करवा लो ना, अपना टीपी लिंक का आता है। कुछ तो प्रॉब्लम हो गया है। कोई दिख रहा है? यार मुझे शर्ट, यार मुझे फोन भी खोलना पड़ेगा। नूर मोहम्मद अली थैंक यू फॉर द स्पॉन्सर, बहुत बहुत शुक्रिया स्ट्रीम पे आने के लिए। क्या कर रहा है? क्योंकि बात है कुकिंग हो रही है अभी। अच्छा साल पुराना है, इसमें लिनक्स बेस्ट होता है, विंडोज पे इसमें तब समझ आया। कोई आ रहा अपने आसपास? और एक स्क्वाड है, एक नीचे स्क्वाड है, दो तीन स्क्वाड है ब्रो। एंड हम लोग शायद पहले पहुंच, हम लोग पहले ठीक है। फटाक से वेयरहाउस ले लो, एक बंदा फटाक से वेयरहाउस ले लो, मैं कंटेनर्स ले रहा हूं। मैं जा रहा हूं वेयरहाउस, जिससे पहले बंदे आएंगे ट्राई करना मारने का। और ये M4 के पास, अरे M16 है। ओ भाई साहब सामने गन मिल गई मेरे को, लौंडे मरे। एक नॉक, अबे साला किल खा रहा है। गलत टाइम पे रिलोडिंग, गलत टाइम पे रिलोडिंग ब्रो। यही मेरे सामने वाली क्रेट पे। अरे मुझ पे रश हो गया है लॉल। ये इज वेरी क्लोज टू मी। एक नॉक। साले पे कवर के पीछे जा रहा हूं, उसके बाद नॉक कर रहा है। मार 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 साले को, नाइस नाइस, मार मार मार। इसमें वेक्टर है यार तेरे सामने, एकदम कंफर्म करेगा। नाइस नाइस नाइस, बहुत ही बढ़िया। अरे ये पाजी डायनो करते हो? नहीं आई एम गुड। अच्छा ठीक है, अच्छा ये ले ले डीपी का मोले। हां एक राइट दिखा मुझे, वो बंदा फर्स्ट टाइम मिल गया। ओ अरे डीपी का मैं वापस है। ये ले आ रहे हैं, यहां पे स्क्वाड है। आ रहे ऑलमोस्ट हो गया। सुन लेफ्ट में थोड़ा देख के बंदे हैं, लेफ्ट में पीएमआईटी के। ठीक है चल। नाइस, किस साइड है डायनो? मार्क करना। फिर से बारी राइट में आ गए मेरे। ठीक है पीछे 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 पीछे। राज नेट से बंदा क्या एक नॉक है। अरे भाई ये तेरी साइड ही है। सबको कंफर्म क्या करूं मैं, यहां पे बंदा आ गया। मैं तेरे पीछे जी जी। ओके राज और अंदर खत्म गेम है इसको। अंदर आ गए बंदे, अंदर मेरे पास आ गए। मेरे पास निकल एक और कर। अबे यार लेफ्ट पे ही तो चलो। गया गया क्यों? गया 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 गया। जो जो प्लेयर चीज चीज का चीज। टाइम के मेट्रो वाले वीडियो ट्रेंड पर है क्या बात है? मेट्रो की वीडियो बनाई थी। अबे वो मेट्रो वाली वीडियो वायरल हो रही थोड़ी सी इंस्टा वाले। वो मैं पासपोर्ट ये किसी को अकेले जा रहा था। हां दे दो मेरे को, दे दो मेरे को ड्रॉप दे दो। गाइस वेरी लोपी इन द चैट, भड़वी लोपी इन द चैट। अरे मिलने मिलने। अरे यार ये तो कूद रहा भाई। तूने बोला बंदा क्लोज मिलने, कभी बंदा क्लोज बोला तूने, मिलने का बोलता मैं छोड़ देता। तो मिलना है वही तो भगता भगता आ रहा था मेरे पास एकदम। मैं फुटस्टेप सुने, मैंने फायर करना शुरू कर दिया और बाद में देखा यार उधर आए। अल्लो स्कूटी आओ निकलते हैं यहां से। क्या कर रहा है ये अभी? हेलो बेबी हाउ डू यू डू। क्या 3x क्या 3x? हाँ ना 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 बैठो चलते हैं। क्या कह रहा है? किधर है भाई? ये चीज़ें पहले बताने की ना। आप ये वाले देखो या तो आप ये वाले देखो या जिसपे मैं जा रहा हूँ किसी एक का दोनों में। तो ऊपर देख, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। नहीं है तो ऊपर ही। ओके रानी मिल गई, रानी मिल गई, रानी मिल गई। यहाँ आ रहा हूँ। अरे हेडफोन उस पर माइक पे बैठना, वो लगा के ग्लिच लगा के बैनो बैठता है फिर बैठता गन लगा के। हाँ अरे बड़ी अमेजिंग लगती है। मगर तू अभी लुढ़केगा यार। अबे तू क्या क्यों नहीं रहा है पहले? अरे डायनामो पे बैठ के कर अंदर होगी। चलो स्पॉन्सर कैसे कैसे करें भाई? स्पॉन्सर करने के लिए नीचे जहाँ पे नाम लिखा हुआ है डायनामो गेमिंग चैनल का जो नाम है वहाँ पे सब्सक्राइब बटन है। सब्सक्राइब बटन के लेफ्ट या राइट में एक ब्लू कलर का बटन होगा जिस पर लिखा होगा ज्वाइन। हाँ मतलब वही जिस पर ज्वाइन लिखा होगा। तो कहते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके आप मेम्बर बन सकते हो, स्पॉन्सर बन सकते हो। गाइस डायरेक्ट हम प्लेगन जा रहे हैं, आ जाओ 120 पे। अबे तूने कनेक्टेड नहीं दिया हैरी? माफ कर दिया था मैंने। अबे पूछ डिवाइस से को बोला कनेक्ट उठाने के लिए। अबे यार मैं बोला तो कनेक्ट उठा। जिंजी भाई बंदे कहाँ हैं? अरे रश करते आजा, बैठ बैठ रश 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 जल्दी आओ, जल्दी जल्दी आओ। इसमें ऑम मिलेगी, मुझे फीलिंग आ रही है अंदर से। बहुत लैग हो रहा है 27 FPS। स्लैम स्लैम एक नॉक, दूसरा नॉक, डाउन। नेट कर दे, नेट। अच्छा डायनो, ठीक है। ओ बहुत पक्का हिट हुआ है, पक्का हिट हुआ है। सारे किल ले गया मेरा। दो गेम से जीरो किल पे बैठा हूं यार, अब तो ले दो किल। आंख मारे लड़का आंख मारे। मैंने क्या बोला? मुझे फीलिंग आ रही है। मैंने क्या बोला था? भूल गई हो भाई। तेरे भाई की बोली बंदूक की गोली, समझा? very very nice। कंपेंसेटर ड्रॉप में कंपेंसेटर है और बहुत सारी एमओ है डीपी की। और फ्लेगन चली है ईस्ट पे, एग्जैक्टली ईस्ट पे चली है। गाड़ी 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 अपने कुछ हो रहा है। ऊपर आई, ऊपर ऊपर गई। पे हरी पे गाड़ी आई है, ऊपर गई है, ऊपर। थैंक यू फॉर बिकमिंग अ मेंबर। यार इनकी वजह से ना हम लोग बाकी प्लेयर करने जा पाएंगे। दो दो प्लेयर्स फाइट है वहां पे। वैसे बैक ऑफ करके निकल सकते हैं डायनो। वन नॉक रॉक पे। उसे रैप मिल रहा है, उसे रैप मेरा। नेट करना गाइस, एकदम से नेट करना पीछे, जल्दी 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 नेट करना। लेफ्ट मूव। फॉल बैक किया, फॉल बैक किया। अगेन नॉक। नाइस, पुश कर रहा हूं। चल आ जा। मैं यहाँ से पुश कर रहा हूँ, ठीक है? नेट करना है गाइस, पहले नेट करना है, ड्रॉप पे नेट करना है। अबे साला ट्रेवस स्प्रे कैसे लेके आई? अरे मैं लैंड करना है, इसका मैसेज वेबसाइट के तरफ ही लग गया। यहाँ पे कार 98 है, कार है। जा कार ले ले। अरे तू भी इसके पास ही कार 98 है। 4 मेरे पास का नहीं है कार, मेरे पे कार है। कार चलाते हैं। उसके बाद क्या है? M24, M4 का 98, M4 दोनों पे। M4 उठा रहा हूँ। साधक व्हाट्सएप, थैंक यू फॉर द 40। क्या हाल चाल है गाइस? लाइक वाइक करो यार, 50,000 लाइक्स का टारगेट है गाइस। कम ऑन यार गाइस, सब्सक्राइबर गेम्स करने हैं गाइस। कम ऑन यार गाइस, इतने प्यारे हेडशॉट पे हेडशॉट दे रहा है तुम्हारा भाई। करो यार, लाइक दबाओ यार। एंड बाय द वे, आज का थंबनेल बनाया है लेजेंड GFX ने। मैं हमेशा भूल जाता हूँ। बिग शॉट टू लेजेंड GFX। तुम ये गाड़ी चला, मैं ये गाड़ी चला रहा हूँ। अलग अलग गाड़ी में घूमेंगे। अच्छा नया फ्लैग चलते गाइस, नई फ्लैगन एग्जैक्टली 10 पे। फटाफट जल्दी निकलो। नॉट 10, नॉट 10, नॉट 10। अच्छा दो फाइट किया उधर। ईस्ट वाली छोड़ दी हमने, वो छोड़ दी हमने। ठीक है, एक काम करते, मत जाओ मत जाओ मत जाओ। ब्रिज कैंपिंग आ जाओ, चलो। अच्छा जोन देख लिया मैंने, बड़ा ओपी जोन है, मजा आएगा। हाँ लैग तो मेरा भी 47। नहीं यार अभी तक तो पड़ चुकी होती है। गाड़ी पार्क करना पीछे तुम लोग जाके रोड पे। हाँ स्पॉन एरिया पे पार्क करना बस। यही अरे ज्यादा आगे लगा दी, पानी पड़ गया ना। ठीक है, एक बंदा सिर्फ पानी देखते रहो, एक बंदा पीछे देखते रहो। मैं ब्रिज देख रहा हूँ, जैसे ही बोलूंगा ब्रिज से बंदे आ रहे हैं, बस रेडी रहना, पीक मत करना। ठीक है, जब बोलूंगा। पीछे पीछे बंदे हैं भाई, पीछे बंदे हैं अपने। कितना दूर? किधर पीछे? किधर? हिल पे, हिल के साथ ब्रिज के क्रॉस बंदे हैं। मैप में मार्क कर। हां शॉट ले रहा है, शॉट ले रहा है। अच्छा भाई साहब हिटमैन के पड़े भाई साहब। यार अब कैसे करें, ब्रिज भी कैंप करना है। इनको साथ रहे फिर शायद दिख जाए, शायद ये बेटा पार्ट से हेडशॉट एक नॉक कर दिया मैंने। अच्छा हनी निकल निकल हिटमैन आ रहा है हिटमैन। चल 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 गाड़ी लेके ही पुश कर रहे हो तुम लोग? कर देंगे आप रुको बस करके। ना 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 नहीं नहीं चिल 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 मैं राइट से पुश कर रहा हूं ठीक है ठीक है। बहुत लैग हो रहा है यार लेटा पड़ा है इधर ही। मुझ पे शॉट्स ले रहे हैं वो लोग अरे पड़ा मुझे पहुंच गए हम लोग। चलना भाई सब चक्कर गया आ गया मैं ऑल डेड शॉट रेसर नहीं हो रहा है। अरे कातिल लॉन्डो कातिल भाई मोबाइल वाले बंदे जाके एमुलेटर को मार के आ गए बताओ। रिटमैन तूने देखा ना मेरा शॉट रेसर नहीं हुआ? हां देखा। अरे मेरी गाड़ी किधर है? ये देख सुमित कुमार थैंक यू फॉर द स्पॉन्सर। ओके लैग बहुत हुआ मैंने पीछे ब्रिज में नहीं वो नीचे वाला जो कंपाउंड है वहां पे हो रही है सारी बसड़ उधर ही है। है इंडेक्स ये है मेरे पास ठीक है मैं कार पे लगा रहा हूं। दोनों पे कार है साला गाड़ी गई हैरी अपनी तरफ आ रही है हिल पे यस यस तुम पे गाड़ी आ रही है गाइस। उन्होंने मेरी गाड़ी देखी है इसलिए वो तुम्हारे पे आ रहे हैं। एक नॉक दूसरा गया उसे शॉट लगा उसे शॉट लगा है। रीलोड आ गया यार मेरा। हैरी एक रह गया बस दो नॉक कर दिए मैंने दो रह गए। करेगा नाइस किल मिल गया एक दूसरा गया ठीक है दो रह गए बस आएगा ऊपर से तीसरा भी नॉक। जी जी एग्जैक्टली यहाँ पे गाइस एग्जैक्टली यहाँ पे। रुक जा मैं आ गया एक सेकंड आ गया। अरे नॉक हो जा कितना हेडशॉट मारा है। अरे यार गिरा सामने ही है। वेरी नाइस ओपी भाई बंदे का नाम बड़ा ओपी है मैक्स पेन बच गया साला। किल वो डाउन है बेटा किल तो मैं चलाऊंगा नहीं वो किल मेरा है वैसे कोई तो मार रहा है उसे। हां देखिए बंदे मुझे ऊपर दौड़ रहे बंदे दिख रहे मुझे ठीक है। हैरी चक्कर कहीं वेस्ट है क्या? मेरा वेस्ट कर देखता हूं यार शॉट कर। हां इसको थोड़ा बहुत पैसे इस पे ओम भी है। ओ हो मुझे ओम के बुलेट चाहिए ठीक है फिर एमो दे दे डायनो को दे दे। अरे मैं क्या ड्रॉप करूंगा 25 ही है इसमें। कहां से मार रहा है तुमको दिख रहा है क्या गाइस? गाड़ी लेके चल हां दिखा वो डीपी वाले को पहले तो हिटमैन बोलो। हां वो दो बंदे एक साथ मार रहे हैं। डायरेक्शन बोल दो डायनो ब्रो साहब अभी एग्जैक्टली 195 ट्री के पास है ऊपर लेफ्ट से ऊपर जाना ठीक है। डायरेक्ट मत जाओ वही बंदे नहीं रिच के पीछे। अरे भाई साहब ओए हेडशॉट नॉक। अरे यार अरे तू आगे तुमको कह रहा हूं मैं गाइस डायरेक्ट मत जाओ ऊपर से लेफ्ट से ऊपर जाओ यार। ओ मेरे को तो नहीं पड़ेगा ओपन भाग रहा है हैं मैं कैसे मारा लोड आ गया कोई ना पूरा डालो इजी उसे ओम पड़ी है यार। मेरे को तो मगर कोई शॉट ही नहीं पड़ा अभी मैं मारा कैसे? आधा एचपी था मैं पूरा 50 एचपी कोई और मार रहा है। डायनो जंप किल वही तो 185 हां ये दिख रहा जंप कर रहा है दिख रहा है। चीटर है इस गेम में साला यार मैं तभी कहूं मैं बिना शॉट के कैसे मर गया मैं। उसे लगा नहीं ये वही है साला जंप कर रहा है। मैं बोला ना गाइस, देखो ये होता है ऐसे एशियन सर्वर्स में चीटर्स, इसलिए नहीं खेलते हम लोग एशियन सर्वर्स। हर एक मैच में चीटर्स आते हैं, हर एक मैच में। ये क्या जंप कर रहा था साला, साला पहाड़ के ऊपर और ऊंचा जंप मार के मारा साले, सामने आके लेता। बोरा 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 गाड़ी में रेंटर नहीं हो रहा यार। हेडशॉट है, पहले ड्राइवर को हेडशॉट है यार, बहुत ऊपर जा रही। अरे क्या स्पीड में आ रहे वो लोग, डायनो स्पीड हैक होएगा ऑब्वियसली यार, जंप हैक है, स्पीड हैक है, सब हैक है। हां भाई वो तो जंप कर रहा है वो, जंप। हां चेवा ये शायद मिलना है क्या, ये मिलने है, ये लगता है हैक करके मिलने है साला। अरे नहीं अपनी लाश के ऊपर तो कूद रहा था, नहीं मिलने आया था अपने से, बट गलती से मार गया ना तुम। हां तो इसने मेरे को ही कर रहा है। हेलो आवाज आ रही है? थैंक यू फॉर बिकमिंग अ मेंबर। यार मेरा नहीं मेरा वॉइस ग्लिच है, मेरा वॉइस ग्लिच है। हाँ, मेरा वॉइस ग्लिच को भी ऑल पे कोई आवाज नहीं आ रही। हम तो मर चुके हैं शायद, इसलिए नहीं आई। हां तुमको तो नहीं आएगी ऑब्वियसली, मर चुके हो ना। वॉइस ग्लिच है, वॉइस ग्लिच है, वॉइस ग्लिच है गाइस, मैं बात नहीं कर पाऊंगा, मेरा वॉइस ग्लिच है। ऑल पे रखा है, एक बार फिर से ट्राई करके देखता हूँ। हेलो हेलो माइक टेस्टिंग। नहीं है, नहीं उनको आवाज़ नहीं जा रही मेरी, नहीं गेम आई नहीं थी ना आवाज़, इसलिए पता नहीं जा रही मैंने। अबे हैरी 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 तेरे पे आऊं की बुलेट थी ना? हाँ मेरे। अरे यार जोन आ गया यार, मुझे आऊं चाहिए भाई। अरे फक फक जोन आ गया, जोन आ गया। हैरी जल्दी बोल, हैरी जल्दी बोल, तेरी बुलेट का ये कहाँ है? सीधा 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 सीधा, बहुत दूर है क्या? थोड़ा सा और आगे। नहीं नहीं बस 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 यही है, थोड़ा सा आगे। कोई चक्कर नहीं, जोन में मेरी मेरी बॉडी जोन में, जोन में जोन में दोनों की बॉडी जोन में। थोड़ा नहीं नहीं यूएस के पीछे डायनो। हाँ बस सीधा सीधा सीधा, ये रही ये रही, या फिर इसके ऊपर वाले ये देखो ये है। चलो भाई ना पे फिलहाल के लिए सही बंदे मार दिए हमने। उनका चौथा बंदा था, यहाँ मारा मैंने। भाई स्ट्रीम कर दो सोलो वर्सेस स्क्वाड। ओमकार नक्की, अपन नक्की करो यार। पूरा सावंत क्या हाल चाल, कैसे हो? हेलो अभिनव व्हाट्सअप। डैमेज है गाड़ी, प्लस पेट्रोल भी बहुत कम है। तो बस ये बंदे मार ना दे भाई, इनको लगेगा कोई और बंदा आ रहा है, पेल देंगे नहीं तो मेरे को गाड़ी में। सोलो वर्सेस स्क्वाड भाई दिक्कत। हाँ नाम आम सब दिखता है, नाम एचपी वगैरह सब। उसने तभी डायनो को नहीं मारा ना, हम दोनों को तो ले गया था वो। आप उनको पत्थर से मिल गया। हाँ भाई मेरे पे तो बुलेट ही नहीं आई। अच्छा इसके अंदर जाता नहीं है क्या? लॉल इसमें जाता है नहीं, इसमें नहीं जाएगा। वही तो मैं उसके अंदर घुसने की कोशिश कर रहा हूँ भाई। अच्छा कवर है वो बैठने के लिए, मुझे लगा अंदर घुसेगा इसके अंदर। और बढ़िया वो जो प्लेन का टेल है ना, उसमें जा सकते हो बगी से। हाँ उसमें नहीं जा सकते, बगी के पीछे लैग हो रहा, लैग हो रहा, लैग हो रहा, बहुत लैग हो रहा। अबे ये रे इधर भी आ गए। तो देखो तो जम देख, उसका जम देख। हाँ क्या कर रहा है अरे? ग्रुप डी अभी इंडियन क्वालिफायर चल रहे हैं, ग्रुप सी वाला वो बैंडेट्स वाला आज खेलेगा ऑनलाइन प्लेऑफ्स। हाँ यार पता है क्या करें। अरे यार ये गाइस आप लोग स्ट्रीम देख रहे हो मुझे पता है, बट मेरा माइक ग्लिच हो गया, मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगा। कौन मार रहा है बे? वहीं है भाई, वहीं है। ये दूर से खेल लेगा भाई, जब अगले बंदा पे। अब ये बंदे देख लेंगे उसको, ये देख के फेंक भी देंगे भाई। पड़ी नाइस। कितने रह गए? एक स्क्वाड और रह गए। नहीं, दो स्क्वाड है। ये चार बंदे हैं। हाँ, चार ये और चार और चार, ये चार और मैं अकेला। अरे हिटमैन सुन, तभी ऐसे शाम को कल दोपहर को खाली तो बोल, स्क्वाड भी स्क्वाड करते हैं ना, बैठ के प्रैक्टिस होएगा। हाँ भाई, करना है भाई। हाँ करते हैं, फिर शाम को करते हैं। मेरा 7 डे रूम कार्ड एक्टिवेटेड है एनीवेज। आज शाम को अपना वही होएगा, पीएमसी वगैरह ये वो सब। यार ये क्या था लॉल? भाई पबजी गॉड तो कुछ ज्यादा ही मेहरबान है यार। तीन ऑन दे रहे मेरे को आज। कह रहे हैं ले लो जितने ऑन। अबे यार ये भी चारों साथ ही घूमते रहेंगे। भाई इसकी जंप तो देख, इसकी जंप देख के हंसी आ रही है। और लंबा जंप कर बोल इसको, और लंबा। एक आसमान फाड़ के भगवान के पास पहुंच जा बोल उसको। अबे ये बंदे भी आ गए हैं मिलने के लिए। अबे यार ये अच्छा, वो गाड़ी खड़ी इनकी। इन लोगों को ना आपस में ही पैन फाइट करा दो। बोलो भाई हैक वैक सब कुछ छोड़ो ना, ना मैं हम करेंगे ना पैन फाइट। हम करेंगे पैन फाइट, सब करेंगे पैन फाइट सब। साथ के साथ बंदे हैं क्या? नहीं भाई, अब डायनामो वर्सेस सारे प्लेयर्स पैन फाइट, मजा आएगा। आ जाओ गाइस, पैन फाइट पैन फाइट पैन फाइट। अरे सॉरी वो मेरा छह बंदे डायनो के पीछे होता पैन। लगा एक शॉट उसे, एक और शॉट लगा उससे। अब वो भाग रहा है, अब वो भागेगा। 2 पैन खाया उसने। तो नॉक है। चलो एक खत्म। गाइस एक एक करके मुझे पता आप स्ट्रीम देख रहे हो। एक एक करके सब, एक एक करके आओ। लगा एक और से, बच गया रे। अरे भाग रहा है वो पैन रख के अंदर। उसके हेड डाउन है, इस वाला भाग रहा है पैन रख के। पता है दिख रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं अभी नहीं मारेगा कोई। जे लौंडा तो भक्को, वो तो भाग गया भाई। वो तो हील करेगा, देखना बैठ के। वो तो हील मार रहा। हां पता है, मुझे हील मार रहा है, मुझे मालूम था हील मारेगा। अच्छा ये अलग टीम वाले बंदे। अच्छा ओके, तुम लोग हां तुम लोग पहले लड़ लो, चलो अपन रेफरी है। ग्रीन वाले ने शायद हील मार लिया ना, ग्रीन वाले को देखो। ग्रीन वाले ने फुल हील मार लिया है। वो भागा भी, ये भाग रहा है, इसकी हेड डाउन है। गोली कम ऑन गाइस, पैन से खत्म करो जल्दी। व्हाट इज दिस लौंडा डूइंग? ये आ गया। चल मैं इससे लड़ रहा हूं। अरे भाग रहा है, भाग ही रहे हो पैन से डर के। वो भाई उसे मार दिया, उसे पैन से मार दिया। कंफर्म। चलो नाइस। यू गिली मैन आ जाओ। लगा इसे पैन, एक और पड़ा। देख रहा हूं उनका क्या हाल हो रहा होगा। चलिए भी गया। घंटा जीतेगा यार, लैग हो रहा है मेरा। भाई साहब बोल के चला। ओ भाई बंदा वॉल पे बोल। आ जाओ भाई, लड़ लो पैन। अरे पैन तो ये भाग ही क्यों रहा है पैन? अबे नहीं भाई किसको? उसको मार भाई, मैं डर गया। मतलब पैन फाइट हो रही है, M4 क्यों निकाल रहा है? चलो इसका पैन है। लंडा डज नॉट हैव अ पैन आई थिंक। लगा उसे एक पैन। वेरी नाइस। अब दिक्कत ये है ना कि इनको रैप मिल सकता है, बट मैं अकेला बंदा हूं। मैंने एक हेडशॉट खाया, मैं मरा। ये भी बोला फिर से मेरा लैग हो रहा है गेम। सबको लैग हो रहा है क्या? This Londa does not want to fight. Pan ले लो guys, pan ले लो, pan ले लो, pan fight, pan fight. किसी crate से ले लो यार, pan ले लो. And obviously all of you are watching the stream. लेके पास pan आ गया. My boy. लगाओ एक shot. उई बाकी जय. चल. बहुत ही उम्दा कितने फुट से मारा था किसका ये भागेगा आप देख लगाओ से एक शॉट लगाओ से पूरे माँ का सब लग गया पूरे बाप रे लोना गुस्से में आ गया ओए भाई तेरे भाई की गोली बंदूक की गोली आ जाओ चलो दो बंदे बचे और अच्छा इसका कस्टम हो रहा है ना क्या इसके बाद कस्टम यस यस पूछो डायनो से पूछो यार इसके बाद कस्टम रूम में बना दूंगा मेरा कार्ड एक्टिवेट कर पैन देख कैसा है अब आ रही है आवाज इनकी मरने बात होती है हाँ ये तो बेचारा हाई करता रह जाएगा दूसरे वाले को मारो तब तक नहीं नहीं लड़ेगा वो ऐसा तो कर रहा नहीं लड़ेगा बोलता है अरे लड़ते गेम खत्म करते गाइस गेम खत्म करते आई नो यू गाइस आर वाचिंग माय स्ट्रीम चलो एंड लेट्स स्टार्ट अरे स्नाइपर क्या ओके नो स्कोप ना चलो नो स्कोप स्नाइपर मैं ऑल बंद कर रहा हूं अपना क्या कर रहा है हेडशॉट नो स्कोप जय बाप अब ये लौंडा रह गया अकेला। तूने ऑल पे सुना क्या भाई सब क्या चल रहा है? हाँ मैंने सुना तभी ऑल बंद कर दिया। मैंने कहा भाई कल वो पैन फाइट करना चाहता। कम ऑन लौंडा। भाई नहीं आएगी आवाज यार। आवाज नहीं आएगी यार मेरा ग्लिच हो गया ब्रो मेरा सब कुछ ऑल पे है आवाज ही नहीं आएगी आपकी। आवाज नहीं आने वाली है उसकी डायनो। पैन निकाल दिया। चलो वो देख फिर उसने पैन डाल दिया अंदर जिधर टाइम पास कर रहा लौड़े जय श्री राम आजा अब क्या हो गया भाग क्यों रहा है गन निकालता है वेजी बॉयज एंड ग्रिल्स मजे आ गए भाई मजे आ गए यार ये सीन है भाई हमने कितनों की टैलेंट टेकिंग करी देखो मेरा 10 टैग जवाब #GG in the chat guys #GG सही एकदम बराबर का डैमेज है अरे हम लोग की किल्स का यार तुम दोनों किल्स मिला के अकेले मेरे इतने किल्स हैं अरे आपको पैन वाले किल मिले ना हाँ पैन वाले किल मुझे पैन के पता कम से कम 6 या 7 किल मिले या उससे ज्यादा मिले 6 या 7 किल मिले हाँ चलो से उसके बाद वो जो हेडशॉट दिया था लास्ट टॉम वाला हाँ 11 हो गए थे रूम बना दो ठीक है मैं रूम बना रहा हूँ ओके क्या मुझे आईडी पासवर्ड हाँ मोबाइल एमुलेटर कुछ भी पहला गेम में कोई भी खेल सकता है मोबाइल एमुलेटर दोनों खेल सकते हैं मैप एंगल एशिया टीवीपी फर्स्ट मैच ठीक है बना रहा हूँ मुझे इनवाइट कर देना और डीएम कर देना मुझे आईडी पासवर्ड ठीक है डीएम कर रहा हूँ ओके चलो मैं निकल रहा हूँ हाँ सो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो लास्ट मैच भी हम जीत चुके हैं बहुत मजा आया पैन फाइट करने में एंड इस मैच में चीटर्स भी थे बट वो बेचारे अच्छे चीटर्स थे मेरे ख्याल से पैन फाइट करने आ गए मारा वारा नहीं हमें एंड काफ़ी मजा आया खेलने में तो गाइस अगर आपको गेम प्ले पसंद आया होगा तो प्लीज़ सबके सब एक साथ गाइस लाइक बटन दबा दो 50,000 का गाइस टारगेट है लाइक का एंड मेरे ख्याल से गाइस लास्ट वाला जो गेम है यार बहुत अच्छा गया एंड एटलीस्ट लाइक तो बनते गाइस कम ऑन यार सबके सब गाइस लाइक बटन जरूर दबाना ओके एंड गाइस एक और चीज़ अगर आपको नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर दो हम लोग बहुत ज़्यादा करीब है 5 मिलियन यूट्यूब फैमिली के और मेरे ख्याल से हमें 70-80,000 चाहिए टू कम्प्लीट 5 मिलियन सो देख लो गाइस आप लोग के हाथ में यार सबके सब गाइस एक साथ दबाओ सब्सक्राइब बटन एंड बी ए पार्ट ऑफ अवर यूट्यूब फैमिली एंड गाइज डिस्कॉर्ड ज्वाइन करो आपको डिस्कॉर्ड पर ही रूम आईडी पासवर्ड मिलने वाला है जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ डिस्कॉर्ड पर ही आईडी पासवर्ड सबसे पहले मिलता है उसके बाद जो आईडी पासवर्ड होता है वो आपको मैं पब्लिकली बता दूंगा, ठीक है। तो जितने भी स्पॉन्सर्स हैं उन लोग को रूम आईडी पासवर्ड मिलेगा स्पॉन्सर्स कस्टम इन्फो पे डिस्कॉर्ड पे, एंड जितने भी मेंबर्स हैं अपने जितने भी लाइक सब्सक्राइबर्स हैं उन लोग को मिलेगा कस्टम पे। कस्टम हाँ कर रहा हूँ इनवाइट, हाँ इनवाइट कर दो और आपको डीएम कर रहा हूँ। हेलो डायनामो, स्पॉन्सर रोल कैसे मिलेगा? हाँ, अभिनव डिस्कॉर्ड पे जाके स्पॉन्सर रोल आपको इजीली मिल जाएगा। सारे स्पेक्टेटर्स लॉक कर देना। हाँ कर रहा हूँ। सो गाइस रूम क्रिएट हो चुका है, आईडी पासवर्ड शेयर होने वाला है कस्टम रूम इन्फो पे। जल्दी फटाफट डिस्कॉर्ड ज्वाइन करो, अपने आप को वेरीफाई कराओ। वेरीफाई करने के बाद रेडी हो जाओ, आपको सबसे पहले आईडी पासवर्ड मिलेगा वहाँ पे डिस्कॉर्ड पे, एंड उसके बाद हम यूट्यूब चैट पे पब्लिक कर देंगे। ओके चलो 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 अरे ये मुझे आईडी पासवर्ड हाँ आपको डीएम नहीं जा रहा ना? अरे यार एक सेकंड में ऐड कर रहा हूँ, ले ऐड कर ले फटाक से। ले ले मैंने ऐड कर लिया, ठीक है। नहीं आया, आ गया आ गया हो गया भाई, आ गया आ गया। अब डीएम कर देगा हाँ। मेरे को इन गेम डीएम कर दियो, मैं खोलूंगा नहीं। जब डायनामो पब्लिक कर देंगे ना उस टाइम पे खोल। हाँ ठीक है, इन गेम डीएम कर देंगे। अरे मजा आ गया ये मैच लॉल, अरे सही है। थैंक यू सो मच सनी भाई स्ट्रीम पे आने के लिए। ओके डीएम मुझे आ चुका है। ये कैसे कोई आया पता नहीं, किसी ने, मैंने तो इनवाइट नहीं करा, किसी ने ये कर दिया होगा, गेस कर लिया होगा आईडी पासवर्ड, गेस कर लिया होगा। हटा दूं क्या? ना ना इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, चलो मैं आ रहा हूँ। ओके स्पॉन्सर्स प्लीज चेक करो, स्पॉन्सर्स कस्टम इन्फो, वहाँ पे मैंने आईडी पासवर्ड डाल दिया है। रूम आईडी है 4423278, रूम आईडी इज 4423278। गाइस सबसे पहले रूम आईडी डाल के रखो, ठीक है। आईडी डालने के बाद पासवर्ड का ऑप्शन आएगा, जैसे ही पासवर्ड बोलूंगा तुरंत पासवर्ड डालना, एंड उसके बाद सीधा आप कस्टम में आ जाओगे। गाइस एक आपको सजेशन दे रहा हूँ, थोड़ा जल्दी करो क्योंकि यू नो हज़ारों बंदे देखते हैं, हज़ारों बंदे एक साथ ट्राई करते हैं, तो आपका चांस शायद लग भी सकता है नहीं भी लग सकता है। एंड देखो ये डालने के बाद इतने सारे स्पॉन्सर्स हमारे आ चुके हैं। सो गाइस फटाफट रेडी हो जाएगा। हैरी कर ले, हैरी तो पब्लिक कर ले। सो गाइस मैं पब्लिक करने जा रहा हूँ कस्टम रूम इन्फो, एवरीवन टैग कर रहा हूँ सबको, एक साथ नोटिफिकेशन आएगा। रूम आईडी है 4423278, पासवर्ड इज डायनो DYNO। जल्दी जल्दी आ जाओ गाइस, रूम आईडी इज 4423278 एंड पासवर्ड इज डायनो DYNO। आ जाओ फटाफट, 100 बंदे भर रहे, 65 75 94 100, 100 बंदे आ चुके हैं। की बात बहुत हार्ड। चलो रेडी, स्टार्ट कर दे। चलो ठीक है स्टार्ट। हरी गेम आ गया, हां इन गेम आ रहा 2 सेकंड में। थैंक्स फॉर द सब ब्रो। ओके गाइस अब हम थोड़ी कमेंट्री करने वाले हैं। पहले ही बता दो मेरी कमेंट्री बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, मतलब यू नो बहुत एकदम प्रोफेशनल लेवल वाला कमेंट्री मैं नहीं करता हूँ, बट मैं थोड़ी बहुत कर लेता हूँ, वो आप थोड़ा सुन लेना कैसे करते हैं हम लोग, एंड देखते अगर आपको पसंद आएगा आप ज़रूर मुझे चैट पे बता सकते हो कि आपकी कमेंट्री अच्छी है कैसी है, ये जो भी चीज़ है। ओके और अभी फ़िलहाल हाइड्रा के 2 मेंबर खेल रहे हैं, हिटमैन और हैरी, दोनों के दोनों मोबाइल प्लेयर्स हैं, एंड इनके अगेंस्ट में एम्युलेटर प्लेयर्स भी है एंड मोबाइल प्लेयर्स भी है। तो लेट्स सी, एक बार शाउट दे दे ब्रो मेरे छोटे से गेमिंग चैनल को, बिग शाउट टू साहा गेमर्स टू चेक आउट अस। तो गाइस ऐसा कुछ सर्वर दिखता है जब 100 के 100 बंदे आपको दिखेंगे स्पॉन आइलैंड पे खड़े हुए, फुल चीटी मकोड़े की तरह। यार क्या बंदे कहाँ हैं? ये बोट वाला यहाँ पे घूम रहा है। लेट्स सी किसका प्लेन आने वाला है, मुझे देखना प्लेन किसका आता है। और सबसे पहला हिटमैन से स्टार्ट हो रहा है, मतलब हिटमैन का तो बिल्कुल नहीं आएगा। और यहाँ पे प्लेन आने वाला है एरो बोल्ट का विथ रेड फिनिश, क्या बात है। एंड गाइस प्लेन पाथ है लिपोवका से लेके प्रीमोस, मेरे हिसाब से काफ़ी टीमें लिपोवका जा सकती है, एंड शेल्टर में एक टीम जाएगी, मिल्टा जा सकती है, फार्म में जा सकती है, स्कूल अपार्टमेंट जाएगी, रोजोक जा सकती है, कोचिंग की तो बहुत टीमें जाएगी। एंड उसके बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं कुछ टीमें, जैसे कि सी बिल्डिंग है यहाँ पे, तो सी बिल्डिंग में जाएगी। एंड मेरे ख्याल से एक टीम शायद नोवो जा सकती है शायद, बाकी तो कोचिंग की जाएगी, एंड प्रीमोस में एक टीम जा सकती है। तो फिलहाल के लिए काफ़ी टीम निकल चुकी है, एंड टीम नंबर 16 मेरे ख्याल से कामिश की जा रही है, ऐसा मुझे लग रहा है। एंड यस ये लोग फिलहाल आसमान में हैं और ये लोग जा रहे हैं कामिश की, ऐसा मुझे लग रहा है। ये लोग कामिश की जा रहे हैं, ये लोग, हाँ ये लोग कामिश के पास आ चुके हैं, ये पूरा कामिश के एरिया है, तो ये लोग आ चुके हैं कामिश की। एंड लिपोवका, जैसे मैंने बताया कि लिपोवका एक टीम जाएगी, ये रही लिपोवका वाली टीम वेयर हाउस के आसपास घूमते हुए। एंड यहाँ से हम लोग और निकलते हैं पोचिंग की साइड चलते हैं, इस पोचिंग की में भी एक टीम जा रही है। पैन फाइट विथ हैकर्स स्ट्रीम टाइटल, अरे डेफिनेटली सेंटिनल, ये क्लिप तो बनता है, ये क्लिप तो अपन डालेंगे पक्का। प्लीज से आर्या इंटरनेशनल डांस अकेडमी, बिग शाउट टू आर्या इंटरनेशनल डांस अकेडमी। ऑलराइट गाइस पोचिंकी आ चुकी है फिलहाल एक टीम, एंड हमें देखना है और कितनी टीमें पोचिंकी में हैं। और एक पोचिंकी में सिर्फ एक टीम आई हुई है, ओके फिलहाल के लिए तो ये सारे बंदे एकदम सेफ है, एंड आराम से पूरा पोचिंकी लूटेंगे ये लोग। और देखते हैं और टीम कहाँ जा रही है ज़्यादा। सी बिल्डिंग, जैसे कि मैंने बताया सी बिल्डिंग में एक दो टीमें हैं, और अपनी हाइड्रा भी सी बिल्डिंग में गई है, सो हमें यहाँ पे शायद थोड़ा मारा मारी देखने मिल सकती है बहुत जल्दी। फिलहाल के लिए सी बिल्डिंग में पूरी हाइड्रा टीम लूट रही है, और अरे और एक और तो टीम देखा था मैंने यहाँ पर, और कहाँ है, ओके एक बंदा यहाँ पर है, ये सी बिल्डिंग तो नहीं जा पाया, लेकिन ये अकेला बंदा आया है यहाँ पर टीम नंबर 23 का रेजर बीस्ट। एंड जो छोटे मोटे घर होते हैं मिलिट्री में, ये वहाँ पर लूट रहा है, और मेरे ख्याल से इसका लैग हो रहा है बेचारे का, तो ये गेट वेट ओपन करने से दिक्कत हो रही है। और मारा मारी शुरू हो चुकी है बॉयज एंड ग्रिल्स, हम चलते जहाँ मारा मारी हो रही है। नोप 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 नोप, कॉपीराइट स्ट्राइक आएगा। अपार्टमेंट्स में तीन टीमें हैं, टीम नंबर 17, टीम नंबर 18 एंड टीम नंबर 4। तो फिलहाल टीम नंबर 4 के बहुत ज़्यादा करीब है टीम नंबर 17, एंड यहाँ पे शायद एक स्क्वाड वाइप होते हुए दिख सकता है, या फिर एक बंदा तो डेफिनेटली मरेगा यहाँ पे। सनी भाई थैंक यू सो मच फॉर द $10 मैन, थैंक्स अ लॉट। और निकलते टीम नंबर 23 यहाँ पे मारा मारी कर रही है, शायद किसी पे स्प्रे कर रहा है। अच्छा ये बंदा तो वही है, शॉटगन वाला बंदा ही। ओके टीम नंबर 23 के पास चलते गाइस, इनके ऊपर स्प्रे हो रहा है। अबे फिर गाना एंड टीम नंबर 9 ने यहाँ पे टीम नंबर 21 के एक बंदे को खत्म कर दिया है, एंड उन्होंने यहाँ पे टीम नंबर 9 का एक बंदा खत्म कर दिया है वाईटी कुनाल को। सो फिलहाल स्टार्टिंग कुछ किल्स में से भाई साहब तो निकल चुके हैं यहाँ से। एंड अगेन यहाँ पे बहुत टीमें बहुत क्लोज है, यासना में सामने से बंदे स्पॉट कर लिए हैं। स्प्रे करना बहुत अच्छा रहेगा, इस टाइम पे स्प्रे करना बहुत सही था, आराम से नॉक कर सकते थे। स्कारल है इनके पास, लेवल 2 का वेस्ट है, लेवल 1 का हेलमेट है, नॉक करके इजी किल निकाल सकते थे, बट आई डोंट नो ये क्या सोच रहे हैं। एकेएम निकाली अपनी, स्पॉटेड, बहुत क्लोज है, बंदा अंदर आएगा, बंदा अंदर आएगा, बंदा अंदर आ गया, और ये एकेएम का स्प्रे, कोशिश की बहुत अच्छी। एंड यहाँ पे एक बंदे को नॉक कर दे, यहाँ पे किल सिक्योर करेगा इजिली, एंड यप एक किल पूरा सिक्योर कर लिया यहाँ पे। 2x विद एकेएम, एडीएस बिल्कुल नहीं कर रहे, हिप फायर में बंदे को नॉक किया है। स्कारल निकाली गेट तोड़ने के लिए, बहुत ही सही, आराम से एक, अगर एक नेड होगा ना बहुत प्यारा नॉक हो सकता है। एक नेड निकाला हाथ में, कुक कर रहे हल्का सा, बट थोड़ा सा देरी हो गई है इनको। लेट्स सी क्या ये नेड को नॉक मिलेगा यहाँ पे, क्या ये नॉक मिलेगा? नहीं ये नॉक नहीं मिलेगा, एंड ना ही किसी को, अरे डैमेज हुआ है वैसे थोड़ा सा। और वहाँ पर अलग ही टीमें लड़ रही है, यहाँ पर अलग ही टीमें लड़ रही है। टीम नंबर 11 वर्सेज टीम नंबर 5 हो चुका है, टीम नंबर 5 विथ यू नो 20% हेल्थ, एंड शॉटगन से एक नॉक सिक्योर कर लिया अपना। ये बंदा मार रहा है ऊपर से यूएमपी, इसने स्पॉट किया, टीम नंबर 14 को इसने स्पॉट कर लिया। मैं आपका बिग फैन, पबजी का गॉड, लव यू ब्रो। अरे भाई ऐसा कुछ नहीं है, थैंक यू सो मच सानू बाय द वे, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइन। कहीं और चलते हैं हम लोग गाइस। यहाँ पे फिलहाल फाइट तो हो रही है लेकिन थोड़ी धीरे धीरे फाइट हो रही है। थैंक यू फॉर बिकमिंग अ मेंबर। लांबा गेमिंग व्हाट्स अप, थैंक्स फॉर द स्पॉन्सर। गाइस फिलहाल हम लोग आ चुके हैं सेवर्नी में एंड सेवर्नी में कोई स्क्वाड ही नहीं है। अगेन हम चलते हैं यासना एंड यासना में यहाँ पे फाइट हो रही है एंड यहाँ पे स्पॉट कर लिया है बैटमैन गेमिंग टीम नंबर 5। थोड़ा सा नॉक करने की कोशिश की है लेकिन आधी एचपी खा गए एंड यूएमपी से काफ़ी अच्छा नॉक करने की कोशिश की, स्प्रे भी ठीक ठाक गया था इनका। ऊपर से आराम से इमलेट नेट निकाला अपने हाथ में, क्या ये नेट कनेक्ट करेगा? इन्हें थोड़ा नेट अच्छा जा रहा है बट प्रॉपर वे में नहीं किया एंड बिल्कुल भी नॉक नहीं कर पाया, बिल्कुल भी किल यहाँ पे नॉक नहीं कर पाएंगे तो ऑब्वियसली किल भी नहीं मिलेगा। लेट्स सी क्या एक और चीज़ यहाँ पे एक और नॉक कर पाएंगे, यहाँ पे अपनी टीम के लिए कितने किल्स सिक्योर कर सकते हैं। फिलहाल 2 किल्स निकाले अपनी टीम के लिए एंड दोनों किल्स इन्हीं भाई साहब ने निकाली है। एक और बंदे को यहाँ पे स्पॉट किया, 2 बंदे यहाँ पे स्पॉटेड है। बहुत ही प्यारा नेट था बट ये नेट किया किसने? ऑलराइट स्पॉट कर लिया है फिलहाल एंड अच्छा खासा स्प्रे था। ओके एक और स्पॉट, बहुत अच्छा डैमेज की कोशिश एंड 50% हेल्थ आ गई यहाँ पे फ्लॉप चहल की। अब एक नेट आ सकता है लेफ्ट से फुट से भाई। टीम नंबर 11 स्पॉट कर लिया है, एरो बोल्ट यहाँ पे स्पॉट किया, जिस बंदे का प्लेन था उसको यहाँ पे सुन लिया इन लोगों ने। ओके एकेएम निकाली अपनी, एरो एक्वा गॉड ने यहाँ पे एकेएम से किसने नॉक किया है। ओके ये अकेला बंदा यहाँ पे लड़ रहा है, इसका बैकअप ही नहीं है, इसका बैकअप बहुत दूर है। टीम नंबर 5 का जो दूसरा मेंबर है वो बहुत ही दूर बिल्डिंग्स में लूट रहा है आराम से और मेरे हिसाब से इनको यहाँ पे आसपास आना चाहिए। और देखो राइट से यूएमपी चला रहा है बंदा, कोई बैकअप नहीं है इसको, ये अकेला बंदा यहाँ पे लड़ रहा है। ओके स्पॉट किया यहाँ पे, थोड़ा सा गलत आराम से यहाँ से बुलेट नहीं जाने वाली थी इनको, या तो ये जंप करके फटाक से नॉक कर सकते लेकिन थोड़ा रिस्की हो सकता है बिकॉज यू नो एक बार नॉक कर लिया और बंदा आगे अंदर एंड यहाँ पे अपनी यूएमपी निकाली एंड यहाँ पे यूएमपी के साथ एक किल, एक और यहाँ पे नॉक कर लिया, किल सिक्योर करेंगे एंड ईजी यहाँ पे टीम नंबर 14 के 2 बंदे मार दिए, बहुत ही प्यारा। और अभी इट्स गोना बी 2v1, लेट्स सी क्या होता है। टीम नंबर 14 फिलहाल दूर साइड से यू नो फ्लैंग करने की कोशिश कर रही है। टीम नंबर 11 इनके पास आ चुकी है, बहुत ही करीब टीम नंबर 11, एक बंदा ओपन में आ सकता है यहाँ पे। लेट्स सी, इन्हें पता है सामने बंदा है बिकॉज आराम से यूएमपी की आवाज़ें आ रही है, किल सिक्योर हो रहे हैं, किल नॉक हो रहे हैं यहाँ पे। ओके स्पॉट किया यहाँ पे, एक और यहाँ पे कोशिश थी नॉक करने की लेकिन नहीं, 50% हेल्थ अगेन। टीम नंबर 5 बैकअप आ चुका है इनका, नेट निकालिए, नेट बहुत ही प्यारा कनेक्ट हुआ है यहाँ पे, नॉक भी कर दिया एक प्लेयर को, बहुत ही सही, बहुत ही प्यारा नेट टाइम और किल सिक्योर भी कर लेंगे। अकेले ने यहाँ पे 4 किल निकाल लिए अपने टीम के लिए, सो वेल डन बाय टीम नंबर 5, बहुत ही सही खेल रहे, नॉट बैड। एम फर्स्ट स्प्रे करने की कोशिश हो रही है, 15-15 बैंडेजेस उनके पास, 3-3 फर्स्ट एड्स है, 3 पेन किलर्स, 2 मॉली निकाली है। ये मॉली अगर कनेक्ट हुई तो बहुत प्यारी होगी एंड यप आई थिंक सो कनेक्ट होगी मॉली, आई थिंक ये मॉली कनेक्ट होगी एंड नो इतनी इफेक्टिव नहीं है ये मॉली, थोड़ी सी रह गई है। और पीछे से यहाँ पे किसी को खत्म कर दिया है टीम नंबर 14 ने पीछे से आके टीम नंबर 11 की टीम खत्म कर दी है, बहुत ही सही, बहुत ही सही। टीम नंबर 14 जो किसी और को यहाँ पे फ्लैंक करने की कोशिश कर रहे थे, किसी और को ही मार के चले गए, नॉट बैड। ओके गाइस यासना से अपन बाहर निकलते हैं, ड्रॉप आ चुका है, देखते हैं ड्रॉप में क्या मिलने वाला है। जो भी ड्रॉप लेना रहेगा उसे मिलने वाला है यहाँ पे M249 लेवल 3 के आइटम्स है यहाँ पे, लेवल 3 हेलमेट, लेवल 3 वेस्ट, लेवल 3 बैकपैक एंड M249 के लिए 100 बुलेट्स यहाँ पे दी गई है। सो मेरे हिसाब से फिलहाल कोई भी टीम यहाँ पे नहीं है ड्रॉप लेने के लिए, थोड़ा सा सब सेफ खेल रहे हैं, इनको लगता है कि अगर हम ड्रॉप लेने जाएंगे तो कोई और टीम भी वहाँ पे आ जाए एंड मारा मारी में शायद कुछ नुकसान या फ़ायदा, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो अगला मैच TPP FPP में आऊँगा एंड ऑन पाइथन, अगला मैच होगा FPP सैनहॉक, ठीक है, ओनली फॉर मोबाइल प्लेयर्स। ओके गाइज अगला मैच FPP सैनहॉक है, सिर्फ और सिर्फ मोबाइल प्लेयर्स के लिए, इसमें एमुलेटर प्लेयर्स बिल्कुल ज्वाइन नहीं करेंगे। अगर आप iPad से खेलते हो आ सकते हो, अगर आप मोबाइल से खेलते हो तो भी आ सकते हो। तो नेक्स्ट मैच गोना बी FPP और यहाँ पे टीम नंबर 9 आराम से रश कर गई है लेकिन बिल्कुल रुकने की मूड में नहीं है, बहुत ही ज़्यादा हेल्प जा चुकी है यहाँ पर टीम नंबर 9 के एक मेंबर्स की। AKM का स्प्रे खाया बहुत ही भयंकर वाला, चलते हैं उनके पास हम लोग। अर्नव नाम है इनका और यहाँ पे हेलमेट पे बहुत डैमेज लिया है, लिटरली 10% एचपी रखे, 10 से भी कम परसेंट इनके एचपी रखे। ये बैंडेजेस मार रहे हैं, फर्स्ट एड बिल्कुल नहीं इनके पास। सो या फिर दो बंदे ही बचे यहाँ पे टीम नंबर 9 के एंड अगेंस्ट में टीम नंबर 12। हल्का सा पुश करने की कोशिश हो रही है, ओपन में आ चुका है बंदा, बहुत ज़्यादा शॉट्स खा रहा है एंड ये बहुत ही गलत काम किया इन्होंने, बहुत बड़ी मिस्टेक्स हो सकती है इनके लिए। ये बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहा है, आधी हेल्थ हो गई है यहाँ पे और 2-3 शॉट्स और ये बंदा नॉक, और ये बंदा नॉक हो चुका है यहाँ पे। सो टीम नंबर 7 ने यहाँ पे एक को नॉक कर दिया है, टीम नंबर 12 के। ऑलरेडी दो बंदे यहाँ पे खत्म हो चुके टीम नंबर 12 के एंड एक ही बंदा बचा है जो कि मेरे ख्याल से अब ये रिवाइव नहीं दे सकता है इसको, बहुत ही मुश्किल रिवाइव देना। अगर ये ओपन जाएगा तो कंफर्म नॉक होगा। इसने अगर अच्छे से स्मोक की वॉल बनाई तो ये आराम से स्मोक का यूज करके जा सकता है, लेकिन गलत डिसीजन एंड यहाँ पे नॉक हो सकता है, एंड यहाँ पे नॉक हो सकता है। पूरी टीम नंबर 12 यहाँ पे खत्म हो सकती है गाइस। स्मोक में आ गए, थोड़ा फायदा रहेगा स्मोक का, बट नो, हेडशॉट खाया एक। लेवल 1 का वेस्ट है एंड बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं, लेकिन अब खत्म। जैसे कि मैंने बताया, बहुत ही ओपन जा रहे थे रफ करने के लिए, बहुत ही गलत डिसीजन था यहाँ पे इनका। एंड इसी के साथ गाइस टीम नंबर 12 पूरी की पूरी यहाँ पे खत्म हो चुकी है। टीम नंबर 9 ऊपर से निकलने वाली शायद मारने के लिए उन्हें, एंड टीम नंबर 9 निकल चुकी है। उनको पता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा मारा मारी हुई है और अब जहाँ पे पहले टीम नंबर 7 थी वहाँ पे टीम नंबर 9 आ चुकी है उनकी पोजीशन पे एंड एक बंदा रश करने जा रहा है उनको एंड उसने गाड़ी घुमा के फिर से वापस ला ली है। ये हो क्या रहा है यहाँ पे? ना तो ये लोग लड़ रहे हैं, ना तो ये लोग कुछ कर रहे हैं, इनसे मस्ती मजाक कर रहे हैं। रश कर रहे हैं सामने टीम नंबर 9 के मेंबर्स, गाड़ी सीधा पहुंचा दी है अंदर और यहाँ पे नॉक। बहुत ही गलत डिसीजन यहाँ पे, इतनी स्पीड में गाड़ी लेके गए, सीधा गाड़ी ठोक दी, गाड़ी को आग लग गई। और यहाँ पे टीम नंबर 7 ने कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ गाड़ी तोड़ी है और आराम से दोनों किल मिल गए इनके। बहुत ही प्यारा यहाँ पे गेम प्ले। चलते फिर हैरी के पास, यहाँ पे हैरी ने किसी को नॉक किया है M16 से अपने। संबित थैंक यू सो मच फॉर द स्पॉन्सर। अभिषेक मंडल व्हाट्सअप, क्या हाल चाल, थैंक यू फॉर द 100, वेलकम टू द स्ट्रीम। ओके टीम नंबर 23 बहुत करीब इनके, हैरी मार सकता है, हैरी बहुत ओपन आ चुका है, पीछे बंदा हैरी को पता नहीं है शायद। एक बंदा यहाँ पे नॉक पड़ा हुआ है टीम नंबर 23 का एंड एक बंदा और यहाँ पे सिक्योर कर लेंगे टीम नंबर 23। एक बंदा यहाँ पे बैठा हुआ है, प्रोन है यहाँ पे, अकेला बंदा बचा है टीम नंबर 23, ऑनिक्स डीमन नाम है इनका। अकेले बंदे बचे यहाँ पे, बहुत ही चुपचाप एकदम स्नेक बने हुए हैं, वेट कर रहे हैं। अगर कोई मेंबर यहाँ पे अकेला अगर आएगा, ओपन में अगर आएगा तो मैं ख़त्म कर दूंगा। टीम नंबर 4 ऊपर शैक पे बैठे हुए आराम से देख रहे हैं, थर्ड पर्सन लेते हुए कि नीचे फाइट हो रही है एंड यहाँ पे मारामारी हो चुकी है। टीम नंबर 2 के ऊपर यहाँ पे निकल रहे, टीम नंबर 24 यहाँ पे अकेले स्पॉट कर रहे हैं, यहाँ पे पेड़ के पीछे है। नेट निकाला इन्होंने, नेट करने के लिए कोशिश हो रही है, अगर कोई रश करेगा तो नेट से शायद नॉक मिल सकता है ना। एक और नेट निकाला, लेकिन राइट से बंदे हम फ्लैंक कर रहे हैं, नेट फूटा, बिल्कुल नॉक नहीं मिलेगा इन्हें। राइट से फ्लैंक हो रहा, राइट वाले को स्पॉट कर लिया, अपनी M4 निकाल लिया, M4 और यहाँ पे एक नॉक कर दिया। बहुत ही प्यारा, बहुत कम हेल्थ है यहाँ पे इनकी। एक नेगेट एट अगर यहाँ पे आया ट्री के पास तो भाई साहब ये तो खत्म ही हो जाएंगे, बहुत ही कम हेल्थ है। रॉक का कवर ले लिया यहाँ पे, अब इनको शायद मॉली करना चाहिए वहाँ पे। अरे क्या बात है, बंदा मेरे दिल की बात सुन रहा है। मॉली की है, मॉली कनेक्ट होगी? नो, मॉली कनेक्ट नहीं होगी बिल्कुल भी। तो फिलहाल अभी के लिए ये सेफ है, इन्हें रेव मिलना थोड़ा मुश्किल है। एंड पीछे से टीम नंबर 1 हाइड्रा शॉट लेते हुए पीछे से चलते हैं उनके पास। M24 6x और यहाँ पे एक शॉट का लेवल 3 हेलमेट पे एक शॉट का है यहाँ पे हिटमैन ने। एक और यहाँ पे स्पॉट किया है और यहाँ पे हैरी नॉक कर दिया है M16 से अपने, बहुत ही प्यारा। पीछे से इनका बैकअप आते हुए अगेन स्पॉटेड। लेट्स सी क्या हमें यहाँ पे एक M24 का हेडशॉट देखने मिलेगा। बॉडी शॉट लगी है, गाड़ी फोड़ते हुए बिल्कुल भी जाने देने की कोई गुंजाइश ही नहीं रख रहे। ओके स्पॉट किया, हेडशॉट एक और बहुत ही प्यारा यहाँ पे हेडशॉट देखने मिलेगा। इस चार्ली ने हेडशॉट खा लिया हिटमैन की तरफ से। एक और बंदा यहाँ पे स्पॉट किया है अगेन, एक और बंदा यहाँ पे, दो बंदे नॉक कर दे टीम नंबर 22 के। यहाँ पे दो बंदे नॉक पड़े हुए, रैप तो इजीली मिल जाएगा इन्हें, लेकिन लेफ्ट से शॉट्स आते हुए अगेन एक M24 को शॉट पड़ा है यहाँ पे इन्हें। लेवल 3 का वेस्ट पूरा का पूरा डैमेज हो चुका है। रश कर रहे हैं यहाँ पे हिटमैन और हैरी। तो लेट्स यहाँ पे क्या होता है, गाड़ी यहाँ से निकाल ली है, पूरा भाग गए यहाँ से मारते मारते। थोड़ा दहशत दिखा रहे हैं अपनी गाड़ी में बैठ के, आसपास गाड़ी घुमा रहे हैं, बिल्कुल भी यहाँ पे एक भी किल सिक्योर नहीं किया। यहाँ पे जंप किया यहाँ पे हैरी ने बाहर, अगेन M249 निकाली अपनी, थोड़ा गलत पोजिशन एंड इसी के साथ टीम नंबर 22 पूरी की पूरी खत्म कर दी है यहाँ पे हाइड्रा ने। वेल प्लेड बाय टीम हाइड्रा, हिटमैन हैरी दोनों अच्छा खेल रहे हैं। इवन इनके जो प्लेयर्स है ये भी अच्छा बैकअप दे रहे हैं। टोटल गाइस 7 किल हो चुके हैं यहाँ पे, जो सुनील भाई साहब के यहाँ पे 0 किल्स है, हिटमैन के यहाँ पे हो चुके हैं 4 किल्स यहाँ पे कबीर के 0 किल्स है एंड हैरी के यहाँ पे 3 किल्स है। तो सिर्फ यहाँ पे सिर्फ 2 बंदे ही खेल रहे हैं, हैरी और हिटमैन दोनों किल्स निकाल रहे हैं। बाकी दोनों को अच्छा खासा सपोर्ट दे रहे हैं, दूर से सपोर्ट दे रहे हैं, काफ़ी अच्छा गाड़ी वाड़ी घुमा रहे हैं, तो सपोर्ट काफ़ी सही मिल रहा है इन्हें। सोनाली व्हाट्सअप, थैंक यू फॉर द 15। थोड़ा टाइम बाद गाइस जोन काफ़ी छोटा, काफ़ी तो नहीं बट हाँ पहला जोन कट चुका है एंड अगेन एक नया ड्रॉप आया है। लेट्स सी इस ड्रॉप में क्या मिलने वाला है अगर कोई ड्रॉप लेने जा रहा है तो। सो इस ड्रॉप में गाइस आपको मिलेगा MK14 8X एंड लेवल 3 के सारे आइटम्स हैं। सो लेट्स सी ये ड्रॉप लेने कौन आता है। अभी के लिए फिलहाल कोई दिख तो नहीं रही है मुझे टीम ड्रॉप में आते हुए एंड ड्रॉप के आसपास भी कोई टीम नहीं है। तो फिलहाल टीम नंबर 5 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे कुछ मारा मारी हो रही है। टीम नंबर 14 का एक अकेला बंदा मेरे ख्याल से यहाँ पे अभी भी है जिंदा, तो हमें यहाँ पे इनकी मारा मारी देखने मिल सकती है। और ये बंदा है कि टीम नंबर 14 का, ये पीछे से भाग रहा है, अकेला बंदा बचा है। 3 किल ले चुके फिलहाल अभी तक के लिए। शांति से बैठे हुए। टीम नंबर 7 वर्सेस टीम नंबर 1, लेट्स सी। टीम नंबर 1 के ऊपर यहाँ पे फाइट हो रही है गाइस। टीम नंबर 1 एंड अकेला बंदा है यहाँ पे, इसका बैकअप भी इसके पास नहीं है। लेट्स सी इसका जो प्लेयर है वो कहाँ पे देखते हैं हम लोग। ओके ये दूसरी नीचे जो बिल्डिंग में ही है। नेट की बरसात हो रही है एंड एक नेट हिटमैन के नेट से यहाँ पे नॉक कर दिया है एंड अगेन जो आखिरी बंदा बचा है वो यहाँ पे इनको सपोर्ट करने के लिए है। ऊपर रश हो रहा है, नेट की बरसात हो रही है। एक एम सप्लस निकाले अपनी बाहर, कोशिश हो रही है नॉक करने की बट नहीं, चकमा दे रहे हैं। टीम नंबर 1 बाहर आ रहे थे, अंदर जा रहे हैं। एक और नेट प्यारा सा, सारे बंदे ऊपर आ चुके हैं। अपनी गन निकाली यहाँ पे और शॉटगन निकाला हैरी ने, नॉक करने को शुरू, एक को नॉक कर दिया यहाँ पे, जंप किया है बाहर, बहुत डैमेज एब्जॉर्ब किया है, बहुत ही कम हेल्थ है, लेवल 3 का हेल्थ बस पूरा डैमेज हो चुका है यहाँ पे। भाई चूहे बिल्ली का खेल हो रहा है यहाँ पे चूहे बिल्ली का खेल हो रहा है। बंदे जंप कर रहे, बाहर निकल रहे, कूद रहे, हिटमैन उनको ढूंढ रहा है अंदर से। शायद इन्हें पता है कि बंदा अंदर बाथरूम में हो सकता है एंड अंदर घुस के सीधा हैरी ने मुंह पे शॉटगन मार दिया सीधा, और इसी के साथ 9 किल्स सिक्योर कर लिया है गाइस टीम हाइड्रा ने। 4 किल्स मिलते हैं हैरी को एंड 5 किल्स है हिटमैन के नाम। सो फार सो गुड, बहुत सही खेल रहे लौंडे यहाँ पे, नॉट बैड, काफ़ी सही जा रहा है। टीम नंबर 22 मेरे ख्याल से ड्रॉप के लिए जा सकती है बट नहीं, वो ड्रॉप के लिए नहीं जा रही है। How to get password and ID after becoming member। सुमित भाई फर्स्ट ऑफ ऑल स्पॉन्सर करने के बाद आपको Discord ज्वाइन करना, Discord का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। सो डिस्क्रिप्शन ओपन करो, वहाँ पे 2nd लाइन पे Discord लिखा रहेगा, लिंक पे क्लिक करो, Discord पर आ जाओ एंड सबसे पहला जो कॉलम है, सबसे पहला जो चैनल है वहाँ पे लिखा है वेरीफाई कर, ठीक है, अपने आप को वेरीफाई करो। उसके बाद सेटिंग्स में जाके आप अपने अकाउंट को लिंक करना जो जिस अकाउंट से आपने स्पॉन्सर किया, राइट, तो आपको ऑटोमेटिकली स्पॉन्सर रोल मिल जाएगा एंड उसके बाद आपको आईडी पासवर्ड स्पॉन्सर्स कस्टम इन्फो पे दिखने लग जाएगा। एंड गाइस अगेन हम चलते हैं हैरी के पास। हैरी को यहाँ पे नॉक कर दिया गया है, तो तुरंत हम हैरी के पास जाएंगे। हैरी यहाँ पे नॉक्ड है एंड थोड़ी मुश्किल में यहाँ पे टीम हाइड्रा, क्या यहाँ पे टीम हाइड्रा खत्म होगी क्या लगता है? लेट्स सी। हिटमैन के पास चलते हैं, हिटमैन फिलहाल सपोर्ट दे रहा है यहाँ पे, स्मोक करना चाहिए इन्हें, बहुत ओपन में आ चुके हैं। हैरी को यहाँ पे खत्म कर दिया, M16 निकाल के, सप्रेस M16 चल रही है यहाँ पे, बहुत ही मुश्किल में अपने आप को हील करेंगे। सो यहाँ पे जो एक बंदा जो खेल रहा था अच्छा खासा वो ख़त्म हो चुका है। गाड़ी फोड़ने की कोशिश हो रही है यहाँ पे एंड अपने आप के लिए कवर बनाएंगे गाड़ी फोड़ते हुए। लेट्स सी। नियॉन एक किल फिलहाल, हैरी को किल दिया, सिक्योर किया यहाँ पे इन्होंने। अपना M4 निकाला, M4 स्प्रे, बहुत ज़्यादा डैमेज किया है हिटमैन को यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा डैमेज किया। हिटमैन ने स्मोक किया अपनी सेफ्टी के लिए, आराम से कवर में रहेगा और अपने आप को हील करेगा सबसे पहले तो। एंड यहाँ पे ये लोग अच्छे से कर सकते हैं बट अगेन टीम हाइड्रा का एक बंदा यहाँ पे अगेन नॉक हो चुका है और यहाँ पे प्यारा सा हेडशॉट दिया है पीछे से टीम नंबर 15 को, बैकअप आते हुए टीम नंबर 5 का। बट ये कोई बैकअप नहीं है गाइस, ये यहाँ पे हाइड्रा टीम खत्म हो सकती है बिकॉज हाइड्रा का सैंडविच हो रहा है यहाँ पे। टीम नंबर लेट्स से हिटमैन के पास चलते हैं। हिटमैन बहुत ही गलत पोजीशन पे, पीछे से टीम नंबर 5 आ चुके हैं हिटमैन पे एंड सामने एक बंदा है, पीछे एक बंदा है तो हिटमैन अगर सामने वाले को मारेगा तो पीछे से लाते खाएगा, एंड पीछे वाले को मारेगा तो ये बंदा यहाँ से रश कर देगा इसके ऊपर। ओके ओपन आया बंदा, हिटमैन ने अपनी 6 M4 निकाली है एंड यहाँ पे पूरा का पूरा खत्म कर दिया है हिटमैन ने। वेल प्लेड, एक किल मिलता है टीम नंबर 5 को एंड एक किल मिलता है हिटमैन को यहाँ पे। सो लेट्स सी, एंड 24 स्पॉटेड है हिटमैन यहाँ पे। हमें यहाँ पे एक प्यारा सा हेडशॉट देखने मिल सकता है हिटमैन के ऊपर। ओके स्पॉट किया, नोप, ये कनेक्ट नहीं होगा हेडशॉट। मुश्किल मुश्किल, थोड़ी सी मुश्किल। एक और बंदा यहाँ पे स्पॉट कर लिया है, लेवल 3 का हेलमेट है इनके पास। हेडशॉट से खत्म करना थोड़ा सा मुश्किल है, एक हेडशॉट में लेवल 3 का हेलमेट डायरेक्ट आपको नॉक नहीं मिलता, कभी कोई मिल जाता है। ओके बॉडी डैमेज दिया यहाँ पे M24 का। अब ये रेंज में आ चुके हैं, अब मेरे ख्याल से एक नेट करना चाहिए इन्हें, यानी एक नेट से किल मिल सकता है इन्हें, जहाँ तक मुझे लग रहा है। एक आराम से नेट करना चाहिए बिकॉज ट्री के पास आ चुके हैं, इतना तो इन्हें भी पता चल चुका है। M4 निकाल ली है अपनी, एंड हिटमैन ने अपने आप को यहाँ पे हील अप कर लिया है। ड्रिंक्स मारेंगे फटाफट। लेवल 3 का वेस्ट पूरा डैमेज हो चुका है, लेवल 3 का हेलमेट थोड़ा सा लाइक 20% डैमेज हो चुका है यहाँ पे इनका। मॉली आई है इनके ऊपर, बट मॉली कनेक्ट बिल्कुल नहीं करेगी। इन्होंने नेट निकाला है, क्या हमें हेडशॉट देखने मिलेगा यहाँ पे? ओके स्पॉट किया यहाँ पे, एंड बहुत ही प्यारा M4 का स्प्रे, एंड यहाँ पे नॉक कर दिया हिटमैन को। थोड़ी सी मुश्किल में टीम हाइड्रा यहाँ पे। लेट्स सी क्या होता है। मेरे हिसाब से अब इन्हें अच्छा सा रश करना चाहिए, नेट निकालनी चाहिए। गाड़ी निकाल दी इनके मेंबर ने, गाड़ी लेके जा रहे रश करने के लिए। गाड़ी लेके इनके पास आके खड़ी कर दी है। ओके डैमेज दिया है अगेन, स्पॉटेड। डीपी का स्प्रे कनेक्ट नहीं होगा बिल्कुल भी। ओ बॉडी शॉट, अच्छा सा नेट, बहुत ही प्यारा नेट। बहुत ही कम हेल्थ रह गई यहाँ पे इनकी, बहुत ही कम हेल्थ रह गई है, थोड़ी सी मुश्किल में है यहाँ पे टीम हाइड्रा। तो हील करना चाहिए, मेरे हिसाब से हील करना चाहिए। हिटमैन को यहाँ पे नॉक करते हैं, बहुत ही ओपन आ गए, एंड यहाँ पे इसी के साथ बहुत ही अच्छा बैकअप देते हुए पूरी की पूरी यहाँ पे टीम नंबर 5 खत्म कर दी है। बहुत ही प्यारा खेल रहे थे। हिटमैन यहाँ पे नॉक हो गया, लेकिन इजीली यहाँ पे इनको रिवाइव मिल जाएगा। गाइस आई एम बैक। एक कॉल आ गया था यार, बस और कुछ नहीं। तो फिलहाल के लिए गाइस 11 टीमें बची है, एंड यहाँ पे हिटमैन भाई साहब अपना कमाल दिखाते हुए 6x विद M4 एक को यहाँ पे नॉक कर दिया। टीम नंबर 19 आ चुकी है, बहुत ही कठिन पोजीशन पे। पहले एक टीम को खत्म किया, एक टीम से फाइट लेते हुए आगे दूसरी टीम आ चुकी है। यहाँ पे नेट निकाला है, मेरे हिसाब से नेट वहाँ तक नहीं जाएगा, मेरे हिसाब से वहाँ तक नेट तो नहीं जाएगा। लेट्स सी, जैसे कि मैंने बताया नेट वहाँ तक नहीं जाएगा, इन्हें किल बिल्कुल सिक्योर नहीं कर पाएंगे। लेकिन ब्रीड आउट हो रहे तो यहाँ पे इन्हें आराम से किल मिल सकता है। टीम नंबर 19 लेफ्ट और राइट से फायर करते हुए M4 6x निकाल दिया, अपनी स्प्रे किया बट बिल्कुल कनेक्ट नहीं कर पाएंगे स्प्रे। यहाँ पे M24 का यूज़ करना चाहिए, मेरे हिसाब से थोड़ा पीछे जाना चाहिए, M24 निकालनी चाहिए। एंड और यहाँ पे टीम नंबर 25 आ चुकी है अपनी बगी लेते हुए। स्पॉट के यहाँ पे हिटमैन ने नॉक किया, एंड इसके साथ दोनों किल यहाँ पे हिटमैन को मिलती है M4 6x के साथ। बहुत ही प्यारा स्प्रे, एंड अगेन एक और किल, सॉरी और 2 किल्स यहाँ पे जुड़ चुके हैं हिटमैन के खाते में। तो फिलहाल के लिए 6 किल्स कर चुके हिटमैन, 7 किल्स कर चुके हिटमैन, एंड 13 किल्स हैं यहाँ पे टीम के टोटल मिला के। तो हिटमैन के अकेले के 7 किल्स हैं, एंड कुछ किल्स यहाँ पे हैरी के थे, एंड बाकी कुछ किल्स के टीममेट्स के। तो टोटल यहाँ पे 7 किल्स हो गए। सुरेंद्र दास व्हाट्सअप, थैंक यू फॉर द स्पॉन्सर। पीछे से शॉट्स है, और ये शॉट पिछवाड़े को भाई पिछवाड़ा शॉट खाया, लेकिन पैन ने बचा लिया है हिटमैन के। स्पॉट किया, हेडशॉट देखने मिलेगा नहीं, एक बॉडी शॉट लगा M24 का यहाँ पे। सो गाइस इसीलिए हमेशा पैन कैरी करो, आपका पिछवाड़ा बचाओ यंत्र इस पैन ओनली। Punil Singh, thank you so much for the 40 Google Pay. Mujibur Rahman, thank you for the 50 Paytm. और गाइस सिर्फ 8 टीमें बची है फिलहाल जोन में। जोन काफ़ी छोटा हो गया, हम जोन पहले देख लेते हैं गाइस जोन कितना छोटा हो चुका है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे जोन बहुत छोटा हो गया है एंड सिर्फ 2 टीमें जोन के अंदर है, टीम नंबर 16 एंड टीम नंबर 3। यहाँ पे हिटमैन की टीम जोन के बाहर है, टीम नंबर 19 क्लोजिंग कर रही है उनको मारने के लिए। टीम नंबर 6 प्रिजन के पास से आ रही है जोन के अंदर। टीम नंबर 4 का अकेला बंदा बचा है एंड ये अकेला बंदा यहाँ पे सांप बना हुआ है, जोन के बाहर है, 1 मीटर इनके पास। इन्होंने शायद टीम नंबर 6 को स्पॉट कर लिया है एंड M249 इनके पास में बहुत ही प्यारा कॉम्बिनेशन दिखा सकते हैं। M249 से पूरी स्क्वाड खाई जा सकती है गाइस, इतनी ताकत है M249 में, लेकिन उसको चलाते आनी चाहिए बस, दैट्स इट। ये एक मेन मुद्दा है। फिलहाल टीम नंबर 6 बहुत ही ज़्यादा क्लोजिंग कर रही है इस सांप के पास एंड मेरे हिसाब से एक बंदा तो यहाँ पे खा सकते हैं M249 से, लेकिन क्या एक बंदा खाना वर्थ रहेगा? बिकॉज अगर इन्होंने फायर किया तो यहाँ पे इनकी पोजीशन रिवील हो जाएगी एंड अगर पोजीशन रिवील हो गई तो ऑब्वियसली बात है सारे बंदे स्प्रे कर देंगे उस डायरेक्शन में एंड यहाँ पे इनको ईजिली नॉक मिल सकता है। नॉक डायरेक्ट खत्म ही हो जाएंगे, कोई नॉक का ऑप्शन ही नहीं है, अकेला बंदा है, रिवाइव का ऑप्शन ही नहीं, डायरेक्ट खत्म है। तो गाड़ी निकाली टीम नंबर 6 ने एंड निकल रहे लेफ्ट साइड, थोड़ा सा राइट निकल रहे, यूएस निकाल ली अपनी। लेट्स सी इनके पास से जा रही यूएस ये एंड मेरे हिसाब से ये फायर बिल्कुल नहीं करेंगे। यस, ये फायर नहीं करना चाहते। सो टीम नंबर 6 निकल चुकी है, सेफ निकल चुकी है अपने जोन के लिए। ओके, स्पॉटेड टीम नंबर 20, स्पॉटेड टीम नंबर 21 यूएस से भगते हुए आगे एंड थोड़ा डैमेज देके जा रहे हैं टीम नंबर 20 के पिक मेंबर्स को एंड यहाँ पे हिटमैन की स्क्वाड पे फाइट हो गई है। ओ भाई साहब, M249 स्नेक ने M249 चलाया। अबे एडीएस तो कर ले भाई, एडीएस तो करके मार। ओके, स्पॉटेड बहुत ही गलत पोजीशन में एंड यहाँ पे खत्म होने वाला है, ऑलरेडी जोन के बाहर है, ये जोन बहुत डैमेज देने वाला है। और यहाँ पे रॉ आइकॉनिक M24 से अपनी सीधा बॉडी शॉट देते हुए खत्म कर दिया है, बहुत ही प्यारा। टीम नंबर 4 0 किल्स के साथ टॉप 8 में आते हुए चलते हैं। हम लोग हिटमैन की टीम चलते हैं। यहाँ पे हिटमैन की टीम फिलहाल पोजीशन तो ठीक ठाक लेकर रखी हुई है। M466 अगेन टॉप के पीछे एक बंदा इन्होंने स्पॉट कर लिया। टीम नंबर 19 का एक जो बंदा है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्थ अपनी खत्म कर चुका है एंड यहाँ पे खत्म हो चुका है, अकेला बंदा बचा है यहाँ पे टीम नंबर 19 का एंड पूरी की पूरी टीम इन पर एम करके रखी हुई है। M24 ने निकाली, नेट निकाला, यहाँ पे नेट कनेक्ट कुछ हो रही है। क्या ये नेट कनेक्ट होगा? नेट कनेक्ट हो सकता है, इतना दूर भी नहीं डायरेक्शन। ये नेट नो, थोड़ा इनको पीछे जाके जंप करके नेट करते ना, आराम से नेट कनेक्ट करना। डीपी निकाले, हिटमैन के ऊपर स्प्रे किया एंड हिटमैन की आधी हेल्थ कर दी यहाँ पे, बहुत ही प्यारा डैमेज दिया हिटमैन को, बट दैट डैमेज इज नॉट इनफ टू गेट द नॉक फ्रॉम हिटमैन। सो इतना ईजी नहीं है नॉक करना। अगेन स्पॉट किया लेकिन कुछ फायदा नहीं है। जोन के अंदर आ चुके हैं, टीम नंबर 19 जोन के बाहर है, टीम नंबर 13 जोन के बाहर है। लेट्स सी गाइस ये जोन में कैसे मूव करते हैं। गाड़ी निकाली हिटमैन ने, रश कर रहा है, मेरे ख्याल से अकेला बंदा देख चुका है यहाँ पे। अगेन अपनी गाड़ी अंदर ला ली है, बहुत ही गलत पोजीशन पे, ये बहुत ही गलत डिसीजन लिया है यहाँ पे हिटमैन ने। लेकिन टीम नंबर 13 ने पीछे से आके बचा लिया हिटमैन की टीम को। मेरे को पता नहीं वो क्या कर रहे थे, गाड़ी लेके सामने खड़ी कर दी है, बहुत ही गलत डिसीजन था वहाँ पे इनका। ऑलराइट, बहुत कम हेल्थ है यहाँ पे एंड यहाँ पे एक नॉक कर दिया, हिटमैन अकेला बचा अपनी टीम का। एंड लेट्स सी हिटमैन क्या करता है यहाँ पे। हिटमैन ने यहाँ पे नॉक करने की कोशिश की है लेकिन इतना इजी नहीं था, एक गलती गाइस, एक गलती इनको बहुत भारी पड़ गई है। वो डासे निकाल के आराम से जोन में जा सकते थे, बट उन्होंने पता नहीं क्या क्या डासे यहाँ से निकाली, अगेन डासे यहाँ पर आके खड़ी कर दी है। सो ये बहुत ही गलत डिसीजन था इन लोगों का एंड ये गलत डिसीजन इनका बहुत भारी पड़ गया। तो फिलहाल यहाँ पे सनी भाटी के पास 3 किल्स हो चुके हैं एंड टीम नंबर 13 दे आर मेकिंग देयर वे इनटू द जोन, आराम से जोन के अंदर आ जाएंगे। एक बंदा जोन में तो ऑब्वियसली आ चुका है, पूरी टीम जोन के अंदर आ चुकी है एंड मेरे हिसाब से इनको अपर रिच पकड़ना चाहिए। जोन के अंदर तो है ऑलरेडी, थोड़ा अपर रिच में रहेंगे तो इजी पड़ेगा इनको, किल्स लेने में काफ़ी इजी पड़ेगा एंड एनिमी स्पॉट करने में काफ़ी इजी पड़ेगा। फिलहाल गाइस सिर्फ 3 टीमें बची है, टीम नंबर 21 जिसका अकेला बंदा बचा है एंड टीम नंबर 16 है जिनके चारों के चारों प्लेयर्स बचे हैं। 11 किल्स निकाल चुके फिलहाल अभी तक के। यहाँ पे बादशाह के 0 किल्स है, यहाँ पे संजय के यहाँ पे 2 किल्स है, प्रतीक के यहाँ पे 1 किल्स है एंड टॉप स्नाइप के पास यहाँ पे ये बंदे ने 8 किल निकाला है। सो बहुत ही प्यारा गेम प्ले फिलहाल यहाँ पे। लेट्स सी गाइस कौन सी टीम जीतेगी एंड यहाँ पे हमें M24 का सप्रेस साउंड सुनने मिला है। सनी भाई साहब के पास यहाँ पे M24 सप्रेस्ड है। क्या हमें यहाँ पे एक हेडशॉट देखने मिलेगा? प्यारा सा हेडशॉट, कम ऑन। नोप। और ये हेडशॉट भी कनेक्ट नहीं हुआ। बहुत ही सही हेडशॉट था, कम ऑन कम ऑन। और बहुत सही, एक हेडशॉट का यहाँ पे हो चुका है, नॉक कर दिया है। टीम नंबर 21 बहुत ही ओपन में आते हुए यहाँ पे, पता नहीं क्या सोच रहे भाई, इनके पीछे एक बंदा है। और यहाँ पे मेरे ख्याल से सनी भाई साहब इसको देगा हेडशॉट, जहाँ तक मुझे लग रहा है। ये यहाँ पे मरने वाला है, टीम नंबर 21 यहाँ पे मरने वाला है। ये सैंडविच हो चुका है, इसके सामने टीम नंबर 16 है, इसके पीछे टीम नंबर 13 है। सो ये इन दोनों के बीच फंसा हुआ है और ये थोड़ी सी मुश्किल में है। ओके, अगेन यहाँ पे M24 सप्लस हेडशॉट दिया है। टीम नंबर 16 के दो बंदों के यहाँ पे हेलमेट तोड़ चुके हैं। स्पॉट तो है वैसे, अगेन हेडशॉट, ये कनेक्ट नहीं होगा बिल्कुल भी। नोप। जोन स्टार्ट हो चुका है, जोन में जाना है, ओपन में आ चुके हैं, ओपन में जाना। अरे खड़ा हो गया भाई, खड़ा क्यों हो गया? और ये गलती गाइस, ये गलती, जैसे कि मैं आपको हमेशा कहता हूँ, नीचे मत जा, मर जाएगा। कोई फायदा नहीं हुआ, इतना प्यारा खेल रहा था, इतना प्यारा, दो बंदों को नॉक करके रखा था। एंड गाइस सिर्फ और सिर्फ दो टीमें बची है अब। टीम नंबर 21 भी खत्म कर दिया इन्होंने, एंड टीम नंबर 13 का एक मेंबर यहाँ पे खत्म कर दिया है। हेलमेट नहीं है इनके पास, वेस्ट भी नहीं है इनके पास, बहुत ही गलत पोजीशन पे। और यहाँ पे M4 का 3x स्प्रे निकालते हुए बहुत ही प्यारा नॉक किया है यहाँ पे, बहुत ही बेहतरीन गेम प्ले। यहाँ पे रेव इजिली मिल जाएगा इनको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अब गेम होने वाला गाइस, थोड़ा जोन गेम होने वाला है, थोड़ी स्नाइपिंग दिखने वाली है हमें यहाँ पे, एंड थोड़े नो M4 स्प्रे, AKM स्प्रे देखने मिलने वाला है बस। यहाँ पे नेट आया, नेट कनेक्ट बिल्कुल नहीं होगा, इतना इजी नहीं है यहाँ पे नेट से किल लेना, बिकॉज बहुत सारे कंपार्टमेंट्स हैं यहाँ पे। एंड वहाँ से कैलकुलेट करते हुए नेट फेंकना, ये इतना इजी बिल्कुल नहीं होगा। सारे बंदे नीचे आ चुके हैं, उनको पता है कि ऊपर पहाड़ पे बंदे हैं, एंड ऊपर रहना थोड़ा सेफ नहीं रहेगा। एंड मेरे ख्याल से टीम नंबर 16 जोन के बाहर है, इन्हें नीचे कूदना पड़ेगा जोन में जाने के लिए, जहाँ तक मुझे लगता है। लेट्स सी, हम एक बार जोन चेक करते हैं गाइस, जोन कैसा बना हुआ है। एंड यस, टीम नंबर 16 जो है वो जोन के बाहर है गाइस, धीरे धीरे वो जोन के अंदर क्लोजिंग करने की कोशिश कर रही है। और यहाँ पे प्रतीक भाई साहब ने अपना ओम का फटका दे दिया है, बहुत ही प्यारा ओम का फटका, लेकिन जोन के बाहर है, यहाँ से कूदा तो नॉक। ओके, फिलहाल के लिए सेफ, फिलहाल के लिए सेफ। अब ये नॉक होगा, कंफर्म नॉक होगा ये। बहुत ही गलत, बहुत ही गलत। और दो बंदे यहाँ पे नॉक हो गए, टीम नंबर 16 के दो बंदे यहाँ पे नॉक हो गए। क्या गलत चीजें कर रहे हैं लोग यार, मतलब इतना प्यारा गेम प्ले, लेकिन चीजें बहुत ही गलत कर रही है। ये तो खत्म हो जाएगा एंड बाकी को राइट मिलेगा। सो गाइस, इट्स गोना बी 2 वर्सेस 3। लेट्स सी, यहाँ पे अपर हैंड मिलता है टीम नंबर 13 को, एंड टीम नंबर 13 यहाँ पे आराम से दो बंदे मार सकती है। बस इनको एक नेट करना है, बहुत ही प्यारा। इनको पता होना चाहिए कि पहाड़ से नीचे कूदे, इसका मतलब कंटेनर्स के आसपास ही बंदे होंगे। नेट आ रहा है इनके ऊपर, एंड हल्का सा रश हो रहा है इनके ऊपर। टीम नंबर 13 हल्का सा रश करते हुए, लेट्स यहाँ पे क्या देखने मिलेगा हमें। मेरे हिसाब से गाइस, टीम नंबर 13 का अपर हैंड तो है, आराम से निकाल सकते हैं। स्प्रे कर रहे हैं यहाँ पे AKM का, बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं होगा AKM स्प्रे यहाँ पे। और राइट, एक को यहाँ पे नॉक कर दिया टीम नंबर 13 ने। सो गाइस, इट्स गोना बी 1 वर्सेस 3। बहुत ही प्यारा गेम प्ले देखने वाला है। लेट्स सी, एक को यहाँ पे नॉक किया है, बहुत ही सही। एंड यहाँ पे AKM स्प्रे बहुत ही मुश्किल में टीम नंबर 13। और इसी के साथ, जैसे गाइस मैंने बताया था, 1 वर्सेस 3 होने वाला है। एक को नॉक किया था, बहुत ही प्यारा गेम प्ले दिखा रहे थे, लेकिन दूसरे का बैकअप आते हुए, एंड इसी के साथ टीम नंबर 16 ने यहाँ पे चिकन डिनर निकाल लिया। बहुत ही प्यारा गाइस, बहुत ही वेल प्लेड। सनी भाई ने यहाँ पे 40 लिए, टॉप प्लान ने यहाँ पे 2 किस लिए, डेडली साइलेंट ने यहाँ पे 2 किस लिए, एंड जीसस शिव ने यहाँ पे 3 किस लिए। सो गाइस, #GG। ओके, मेरा साउंड कार्ड ग्लिच, जैसे कि आप जानते हो हमेशा मेरा साउंड कार्ड ग्लिच हो जाता है, तो वो साउंड ग्लिच हो गया था। कोई दिक्कत वाली बात नहीं गाइस, आई एम बैक अगेन। एंड गाइस, एक बार स्पैम कर दो #GG फॉर द विनिंग टीम गाइस, स्पैम कर दो एक बार #GG। लेट्स गो, मचा दो बस। ओके गाइस, एक बार हम टीम से बात कर लेते कि एक और कस्टम बनने वाला है या नहीं। अगर नहीं बनेगा तो हम स्ट्रीम एंड करेंगे, अगर बनेगा तो फिर खेल लेंगे। हाँ क्या सीन है, एक और कस्टम बन रहा है, बनाओ आप बताओ बनाना है तो बना दूंगा। ओके FPP सैनहॉक ओनली मोबाइल प्लेयर्स, पहले बोल रहा था हरी, चलो मजा आएगा। FPP सैनहॉक ओनली मोबाइल प्लेयर्स, ठीक है। ओके गाइस, जैसे कि मैंने बताया था कि एक FPP मैच होने वाला है ओनली मोबाइल प्लेयर्स के लिए। तो लास्ट जो कस्टम हुआ उसमें मिक्स प्लेयर्स थे, मतलब इम्यूलेटर वाले भी थे एंड यू नो मोबाइल वाले भी थे। बट गाइस ये जो मैच होने वाला है, ये मैच सिर्फ और सिर्फ मोबाइल प्लेयर्स के लिए होने वाला है एंड ये FPP होने वाला है बिकॉज यू नो सैनहॉक में बहुत ग्रास होती है, बहुत लोग कैम्प करते हैं, स्नेक बन जाते हैं। सो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा आप FPP खेलो, थोड़ा FPP प्रैक्टिस भी कर लो यू नो, एंड काफ़ी अच्छा प्रैक्टिस होगा आपका, काफ़ी मजे भी आने वाले हैं। ओके सो गाइज फटाफट डाउनलोड कर लो अपना FPP मैप एंड आई होप कि आप लोग डाउनलोड ऑलरेडी कर लिया होगा। डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लो गाइस, डिस्कॉर्ड पे आपको आईडी पासवर्ड मिलेगा। एंड गाइस ये लास्ट मैच होने वाला है, इसके बाद हम स्ट्रीम एंड करेंगे। ऑलरेडी यहाँ पे 3 बजने वाले हैं एंड मैंने अभी तक के लंच नहीं किया है। ऑब्वियसली मैं ब्रेकफास्ट नहीं करता हूँ बिकॉज मैं स्ट्रीम करता हूँ 11 बजे से लेकर 3 बजे तक, तो यप नो लंच। अभी इसके बाद ये लास्ट मैच, के बाद मैं जाऊँगा स्ट्रीम ऑफ करूँगा एंड हम लोग लंच करेंगे इसके बाद। हाँ बाद में खाता हूँ, हाँ मैं ले लूँगा। गेट बंद, गेट बंद। एसी ऑन है, गेट बंद। ओके गाइस यहाँ पे रूम क्रिएट हो चुका है। थैंक यू फॉर बिकमिंग अ मेंबर एंड दिनेश लांबा, थैंक यू सो मच फॉर द स्पॉन्सर ब्रदर, वेलकम टू द स्ट्रीम। सो गाइस आई एम वेटिंग फॉर द आईडी एंड पासवर्ड, बिना डीपी वाली डीएम आईडी पासवर्ड डीएम कर रहा हूं। ओके गाइस आई एम वेटिंग फॉर द आईडी एंड पासवर्ड। गाइस रूम क्रिएट हो चुका है, FPP सैनहॉक एशिया सर्वर्स पे खेलने वाले हम लोग एंड गाइस ओनली मोबाइल प्लेयर्स, ठीक है ओनली मोबाइल प्लेयर्स। अगर आप PC से खेलते हो, अगर आप एमुलेटर से खेलते हो तो आपको किक कर दिया जाएगा। एक मैच हमने कर लिया है एमुलेटर लोगों के लिए एंड ये मैच जो रहेगा, ये मैच सिर्फ और सिर्फ मोबाइल प्लेयर्स के लिए, इसमें कोई एमुलेटर नहीं रहेगा। सो इस चीज़ की हम लोग यू नो गारंटी लेते हैं कि आराम से फेयर गेम प्ले होने वाला है। नो एमुलेटर प्लेयर्स, ओनली मोबाइल प्लेयर्स एंड जितने मोबाइल प्लेयर अच्छा खेलते हैं उनके स्किल्स देखते हैं। ऑलराइट, मुझे आईडी पासवर्ड आ चुका है गाइस। रूम आईडी है 4445309। ओके वन सेकंड गाइस, आई एम सेइंग रूम आईडी 4445309। जितने भी स्पॉन्सर्स है प्लीज जाकर चेक करो, स्पॉन्सर्स कस्टम इन्फो, वहाँ पे मैंने आईडी एंड पासवर्ड डाल दिया है। रूम आईडी इज 4445309 एंड गाइस 1 मिनट वेट करेंगे स्पॉन्सर्स का आने के लिए एंड जैसे ही गाइस स्पॉन्सर्स आ जाएंगे हमारे, उसके बाद हम लोग पब्लिक कर देंगे। सो गाइज फटाफट डाल दो रूम आईडी। रूम आईडी है 4445309 एंड स्पॉन्सर्स प्लीज जाकर चेक करो, मैंने वहाँ पे रूम आईडी एंड पासवर्ड डाल दिया है। खत्म हो गया उसमें बस, हाँ क्या ओके। सो गाइज मैं पब्लिक कर रहा हूँ पासवर्ड। रूम आईडी 4445309 एंड पासवर्ड जो है, पासवर्ड रहेगा हैरी HARRY। रूम आईडी इज 4445309, पासवर्ड इज हैरी HARRY। आ जाओ गाइस फटाफट घुसो। ओनली मोबाइल प्लेयर्स, अगर आप PC से खेलते हो किक करते जाएगा। मेरे बोलने के बावजूद भी कुछ लोग PC से खेलने घुसे हैं यहाँ पे, उन्हें हम किक कर देंगे, डोंट वरी। अब मैं एक सेकंड एमुलेटर प्लेयर्स चेक कर लूं। हाँ टीम नंबर 3 नंबर 1 किक करो, टीम नंबर 3 नंबर 1 यस। ऑलराइट और ढूंढ रहा हूं मैं, टीम 10 नंबर 4 केक, नंबर 2 भी टीम 10 में, हाँ नंबर 4 भी है केक। टीम 13 नंबर 4 केक। उसके बाद सारे प्लेयर्स मोबाइल वाले। अभी तो मैप वाला भी वो करना पड़ेगा, हाँ एक बार स्टार्ट करके देखना कितने लोग किक होते हैं जिनके पास मैप डाउनलोडेड नहीं है। 4 प्लेयर्स, राइट जो 4 बंदे आए एक बार चेक कर लो, वो इम्यूलेटर वाले तो नहीं है। हाँ वो चेक कर रहा हूँ, नॉट इवन 1 सो फार। नहीं मेरे को भी नहीं दिखा कोई। स्टार्ट करना, ऑलराइट लास्ट मैच। हर इन गेम आजा, coming bro, coming right। चलो गाइस लास्ट मैच है FPP सैनहॉक एंड मैं चाहता हूँ कि ये मैच ना वो फॉग वाला है, मतलब बारिश वाला मैच है, बड़ा मजा आता है। Amaya, thanks for the 40. Hydra Hitman completed 1K subs. Go support him guys. अरे क्या बात है. Big shout to Hydra Hitman. अबे यार दिन वाला मैप आया यार. ये मेरे को मैप पसंद है लेकिन इतना पसंद नहीं है. मेरे को पता वो बारिश वाला मैप बहुत पसंद है सैनहॉक का. मतलब जो बिजली चमकती है, बारिश होती है, भाई मजे आ. लेट्स सी प्लेन कहाँ से जा रहा है. और गाइस प्लेन पाथ है सांभी से लेके हातिम तक. एंड मेरे हिसाब से बहुत सी टीमें जाने वाली है बूट कैम्प. भाई बूट कैम्प में तो आज मजे आने वाले. बहुत ही करीब है बूट कैम्प. बूट कैम्प काफ़ी लोगों के लिए यू नो एक वो हो गया है, हॉट ड्रॉप हो गया है. एंड अपनी हाइड्रा टीम सीधा बूट कैम्प के लिए उतरी है. लेट्स सी यहाँ पे हाइड्रा टीम सर्वाइव कर पाती है, किल्स ले पाती है, या सबसे पहले अपनी टीम मरने वाली है यहाँ पे. ऑलराइट, सबसे पहले यहाँ पे अपनी टीम हाइड्रा उतर रही है. बूट कैम्प के आउटर साइड में थोड़ा उतर रही है लोग. मतलब मेन बिल्डिंग बिल्कुल नहीं गया. एंड मेरे हिसाब से मेन बिल्डिंग में जाते तो गन्स भी अच्छी मिलती. एंड यू नो प्लेस आसपास होते हैं. हैरी हैरी यहाँ पे उतर चुका है. हैरी के पास प्लेयर्स है. हैरी के पास यहाँ पे एक ही मार चुके हैं और यहाँ पे नॉक किया एक को. 322. अरे क्या लैग हो रहा है. बंदा रश कर रहे हैं यहाँ पे. दो बंदे यहाँ पे नॉक हो चुके हैं 322 के. एंड एक बंदा बचा है यहाँ पे अभी भी. ऑलराइट, किल सिक्योर कर ले. यहाँ पे पीछे दो बंदे, अभी भी दो बंदे बचे टीम नंबर 22 के यहाँ पे. एंड शॉटगन निकाली अपनी, शॉटगन चलाई यहाँ पे. एंड एक और किल सिक्योर बाय हैरी. सो गाइस फिलहाल के लिए दो जो किल्स मिले वो सबसे पहले हाइड्रा को ही मिले यहाँ पे. लेट्स सी अभी और सी टीमें हैं यहाँ पे. टीम नंबर 12 यहाँ पे है एंड टीम 22 के अभी भी यहाँ पे दो या एक मेम्बर अभी बचे हुए हैं. सो लेट्स सी यहाँ पे क्या होता है गाइस. बूट कैम्प में मेरे हिसाब से बहुत सी टीमें आनी चाहिए थी बट आई डोंट नो क्यों नहीं आई है. हाइड्रा निंजा यहाँ पे लाते खाते हुए गाइस. हाइड्रा निंजा ये ऑफिशियल निंजा नहीं है हाइड्रा का. ये कोई यू नो दूसरा प्लेयर है. ही इज़ नॉट द ऑफिशियल हाइड्रा मेंबर. और यहाँ पे एक को नॉक कर दिया टीम नंबर 12 के एक मेंबर ने. सो गाइस टीम नंबर 1 जो अपनी हिटमैन की जो हाइड्रा की जो टीम है, रिवाइव तो ईजिली मिल जाएगा लेकिन बैकअप यहाँ पर चाहिए रहेगा थोड़ा सा. और जो ना कुछ भी हो सकता है. टीम मेट कर सकती है, रश हो सकता है. रश तो नहीं होगा, रश के लिए बहुत ऊपर आना पड़ेगा. हिटमैन यहाँ पे एम4 का स्प्रे लेते हुए अच्छे से एंगल बना के रखे हुए हैं. अगर यहाँ पे पीक किया टीम नंबर 12 ने तो आराम से यहाँ पे नॉक कर सकते हैं या फिर हिटमैन यहाँ पे नॉक हो सकते हैं. ऊपर से हैरी बैकअप देते हुए इनको. इन लोगों ने बैक ऑफ कर लिया गाइस. इन लोग को वहाँ पे शायद फाइट नहीं लेनी. इन्होंने थोड़ा पीछे आ चुके हैं, बिल्कुल फाइट लेना नहीं चाहते. फिलहाल 4 किल सिक्योर कर चुके हैं अपनी टीम के लिए बूटी कैंप में आते हुए. हिटमैन के पास यहाँ पे 1 किल है और यहाँ पे एलिस्का के पास 0 किल्स है. हैरी के पास 0 किल्स है यहाँ पे. एंड यहाँ पे जी डर तमन दमन भाई साहब के यहाँ पे 3 किल्स है. तो ये भाई साहब तो मतलब बहुत ही प्यारा खेल रहे हैं बूट कैम्प में. एंड मेरे ख्याल से ये टीम के लिए बहुत ही अच्छा खेलेंगे. लेट्स सी कितने किल्स सिक्योर कर पाते हैं अपनी टीम के लिए. एंड यहाँ पे हाईएस्ट किल्स कौन सी टीम को मिलता है वो भी हम एक बार चेक जरूर करेंगे. तो फिलहाल निकलते हैं यहाँ से. टीम नंबर 5 का चलता है. टीम नंबर 5 यहाँ पे फाइट ले रही है टीम नंबर 2 के साथ. सप्रेस एकेएम थोड़ा रिकॉल ज़्यादा होता है सप्रेस एकेएम का. एंड यहाँ पे स्पॉट कर लिया है. फिलहाल 0 किल्स है यहाँ पे टीम नंबर 5 के. एंड राइट से बंदे आते हुए. थैंक यू फॉर बिकमिंग अ मेंबर. हाँ हाँ बात है. प्लेन किसका आया था? मैंने प्लेन दिखाई नहीं. ओके यहाँ पे स्पॉट किया. एक एम निकाली अपनी, बहुत ही प्यारा यहाँ पे नॉक किया है. और टीम नंबर 2 को झटका मिलते हुए यहाँ पे एक बंदा यहाँ पे नौकरी खत्म कर दिया। एंड टीम नंबर 2 का जो दूसरा मेंबर है उसकी बहुत कम हेल्थ हो गई यहाँ पे, बहुत ही कम हेल्थ हो गई यहाँ पे इनकी। लिटरली मतलब ये नॉक होने वाले थे यहाँ पे, लेकिन अपने आपको सही टाइम पे बचा लिया है। तो यहाँ पे एक और झटका टीम नंबर 2 को मिल सकता था। और अगेन हिटमैन यहाँ पे नॉक होते हुए, हिटमैन के ऊपर नीड फूटा है, बहुत ही तगड़ा वाला नीड फूटा है यहाँ पे। मेरे टीम नंबर 12 ने यहाँ पे रश किया है हिटमैन के ऊपर। एंड हैरी ने यहाँ पे नॉक किया है एक बंदे को, यहाँ पे सिक्योर कर रहे हैं, बैकअप दे रहे हैं अपनी टीम को। एंड यहाँ पे दो बंदे नॉक कर दिया है, दो बंदे यहाँ पे सिर्फ बचे हुए टीम नंबर 12 के। बहुत ही प्यारा गेम प्ले दिखाते हुए हैरी यहाँ पे, क्यूबीजी का बहुत ही प्यारा यूज़ करते हुए यहाँ पे। एंड अभी मेरे ख्याल से ये सही टाइम है हील करके तुरंत यहाँ पे रश कर देना चाहिए टाइम को, बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी दो बंदे मरे पड़े एंड दो ही बंदे यहाँ पे बचे हैं, जिसमें से एक बंदा रेव करेगा अपने टीममेट्स को। सो टेक्निकली देखा जाए तो एक सोलो प्लेयर था। एंड यहाँ पे एक किल सिक्योर कर लिया है हिटमैन ने, बहुत ही सही। And what's up? Thank you so much, Arnav Gamer YT for the sponsor, man. Welcome to the sponsor family. All right, success लगाते हुए यहाँ पे अपने QBZ पे। हल्का डैमेज लेते हुए ओके, रश हो रहा है। स्पॉटेड। हाथ में कार 98। एंड गाइस राइट साइड से हैरी ने यहाँ पे रश कर दिया। एंड गाइस इसी के साथ पूरी की पूरी टीम नंबर 12 को खत्म कर दिया है यहाँ पे हिटमैन एंड हैरी की स्क्वाड ने। एंड काफी सही खेल रही है। सो गाइस बूट कैंप के यहाँ पे राजा बनते हुए टीम हाइड्रा, दो या तीन टीमें आई थी, तीनों टीमों को खत्म किया है सबने मिलके। हिटमैन के यहाँ पे 2 किल्स है, एलिस के यहाँ पे 0 किल्स, हैरी के यहाँ पे 2 किल्स है एंड दमन के यहाँ पे 4 किल्स है। तो फिलहाल ये टीम बहुत ही प्यारा खेल रही है। एंड टीम नंबर 19 ने यहाँ पे एक पूरा स्क्वाड खत्म कर दिया है। लेट्स सी क्या होता है। ओके स्पॉट किया यहाँ पे अगेन टीम नंबर 8 एंड बहुत ज़्यादा डैमेज दिया है, बहुत डैमेज दिया है यहाँ पे। अकेला बंदा बचा है टीम नंबर 8 का एंड जोन स्टार्ट हो चुका है यहाँ पे गाइज। सो जोन तो बहुत ही ज़्यादा डैमेज देगा। एंड ये अकेला बंदा नहीं है अपने टीम का, यहाँ पे 2 बंदे और है, एक बंदा यहाँ पे मरा हुआ है। डेविल लांबा यहाँ पे ख़त्म हो चुके हैं, शहीद हो चुके हैं अपनी टीम के लिए। फिलहाल के लिए टीम नंबर 8 आसपास M16 विद 6x। क्या एक नॉक देखने मिलेगा यहाँ पे हमें टैप फायर के साथ। ऑलराइट नीड कर रहे हैं यहाँ पे, किल सिक्योर करने की कोशिश हो रही है। अगर स्पॉट के सामने टीम नंबर 19 को बहुत प्यारा सही है एक मारने का। अरे भाई मुझे ये चीज समझ में नहीं आती, जब आपके सामने बंदा खड़ा है तो आप एडीएस करके क्यों नहीं मारते हो, हिप पर क्यों मारते हो। हिप पर में ज़्यादा चांसेस नहीं होते हैं नॉक होने का, एडीएस में बहुत चांसेस होते हैं। अब ये बंदा इजीली नॉक कर सकता था बट पता नहीं इसने क्यों हिप फायर किया एंड एकेएम से पूरा स्प्रे हक दिया। गलत मॉली है, मॉली कलेक्ट नहीं होगी बिल्कुल भी यहाँ पे। एंड लेफ्ट साइड से आते हुए मारने के लिए अपने टीममेट्स को। इसी के साथ टीम नंबर 19 यहाँ पे एक को नॉक कर दिया है, किल सिक्योर करेंगे यहाँ पे इजीली। एंड यस किल सिक्योर कर लिया यहाँ पे टीम नंबर 8 के कुछ प्लेयर्स का। टीम नंबर 8 ने स्पॉट किया टीम नंबर 19 प्लेयर को एंड देख भी लिया यहाँ पे एडीएस के यहाँ पे M4 का। एंड इसी के साथ एक और यहाँ पे नॉक कर दिया है, बहुत ही सही। इट्स गोना बी 2 वर्सेस 1 राइट नाउ। लेट्स सी क्या रिवाइव करना तो बहुत मुश्किल है, रिवाइव तो बिल्कुल ही होगा। एंड यप सुनील भाई ने यहाँ पे एक किल सिक्योर कर लिया अपने नाम। एंड गाइस ये अकेला बंदा बचा है टीम नंबर 19 का। सो इट्स गोना बी 2 वर्सेस 1। लेट्स सी क्या होता है यहाँ पे, कोई क्लच देखने मिलेगा हमें क्या। हमें यहाँ पे टीम नंबर 19 दोनों बंदों को मार पाएगी या फिर खत्म है। मेरे हिसाब से जोन में जाना चाहिए बिकॉज वो बंदा बिल्कुल पिक नहीं कर रहा है, एकदम सेफ खेल रहा है। या तो फिर फटाक से रश कर दो एंड यू नो किल सिक्योर कर लो दोनों बंदे एक साथ मिलके, क्योंकि अगर एक बंदा भी नॉक होता है तो दूसरा बंदा बैकअप दे सकता है। एंड यहाँ पे भाई कॉपीराइट क्लेम का इशू होते हुए इसलिए हम वहाँ से हट जाएंगे। ओके चलते फिलहाल टीम नंबर 1 के पास। गाइस टीम नंबर 1 वहाँ पे धीरे धीरे रश कर रही है टीम नंबर 23 के पास। यहाँ पे दो बंदे नॉक पड़े हुए टीम नंबर 23 के, राकेश यहाँ पे नॉक है एंड यहाँ पे टोस्ट बस्टर यहाँ पे नॉक था जो रिवाइव हो चुका है। एंड लेट्स सी हैरी के पास चलते हैं, हैरी ने स्पॉट किया हुआ है 6x इनके पास M4 पे एंड एक प्यारा 6x स्प्रे M4 का एंड अगेन एक और यहाँ पे नॉक देखने मिल सकता है हमें। यहाँ पे गेम की आवाज़ नहीं आ रही या ग्लिच हो गया है कुछ? आप ठीक है, कुछ ग्लिच हो गया है सर्वर का, आई थिंक सर्वर का ग्लिच हो गया है। अरे नहीं सब सही है, सब सही है, सब सही है। यहाँ पे आगे नॉक है, यहाँ पे बहुत ही प्यारा यूएमपी का स्प्रे था दमन की तरफ से एंड हिटमैन ने यहाँ पे बैरल के साथ हेडशॉट दिया राकेश को एंड इट्स गोना बी सोलो प्लेयर फ्रॉम टीम नंबर 23। एक प्यारा सा क्लच एंड लेट्स सी क्या होता है यहाँ पे। राइट से हिटमैन पुश कर रहा है, पीछे बैकअप है इसका हैरी का एंड अगेन एलिस का है, बहुत करीब दोनों दूसरे के, स्प्रे करने की कोशिश की थी यहाँ पे एंड अगेन गाइस कुछ नहीं कर सकते थे। सामने तीन बंदे खड़े थे, अगर एक को भी नॉक करते तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे खत्म तो होना ही था, बिकॉज दो बंदे आराम से बैकअप दे रहे थे अपने प्लेयर्स को। एंड यहाँ पे ड्रॉप आया हुआ है एंड ड्रॉप बहुत ही गाँव के दूसरे कोने में गिरा हुआ है यहाँ पे। सो आई डोंट थिंक कोई टीम आएगी यहाँ पे ड्रॉप लेने के लिए। लेट्स से हम देखते ड्रॉप में आया क्या। ड्रॉप में गाइस M249 है मेरे हिसाब से, सैनहॉक में M249 बहुत ही प्यारी चलती है। M249 एंड एक स्नाइपर बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। गिली सूट भी यहाँ पे साथ में दिया है M249 के, लेवल 3 का हेलमेट है, लेवल 3 का वेस्ट है। सो यू नो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है गिली सूट और M249, मतलब अलग लेवल सांप, मतलब ऐसा सांप जो तुमको ऐसा डसेगा ना पिछवाड़े पे कि मजे ही आ जाएंगे। और टीम नंबर 24 ड्रॉप के लिए जा रहे हैं मेरे ख्याल से, ये ड्रॉप के लिए जा रहे हैं मेरे ख्याल से, मुझे लगता है कि ड्रॉप के लिए जा रहे हैं। एंड यहाँ पे इन्हें फटका पड़ा है शायद बहुत जोर का टीम नंबर 9 की तरफ से, ऐसा मुझे लग रहा है। नहीं और यह स्पॉट किया यहाँ पे, बहुत ही प्यारा यहाँ पे दो शॉट दिए M24 के, अगेन एक शॉट दिया है, वाह भाई वाह क्या बात है। एक और शॉट दिया यहाँ पे M24 का, बहुत ही गलत पोजीशन पे, ये पानी के ऊपर आप मर जाएगा भाई, ये भाई साहब का तो गच्छो हो गया, गलत सीन हो गया इनके साथ। एक और ड्रॉप यहाँ पे, ये ड्रॉप ले सकते थे टीम हाइड्रा एंड ये ड्रॉप में क्या है, ये ड्रॉप में है ग्रोजा, लेवल 3 के आइटम्स एंड 8 टैक्स एंड आई थिंक सो ये ड्रॉप हाँ ये ले सकती है, बट आई डोंट नो ये ड्रॉप ले रही है नहीं ले रही पता नहीं। ओके यहाँ पे जोन में जाने की तैयारी हो रही है एंड टीम नंबर 6 ड्रॉप के पास आ चुकी है, ये टीम शायद ड्रॉप लेने की कोशिश कर रही है। कोशिश हो रही है यहाँ पे M4 सक्सेस पे दिखाने की, लेकिन कोई भी बंदा स्पॉट नहीं कर पा रहा। अगेन जोन का वेट करते गाइस, काफी टीमें जोन के बाहर है, टीम नंबर 11 जोन के बाहर है, टीम नंबर 13 जोन के बाहर है, दोनों बहुत करीब एक दूसरे के, शायद यहाँ पे क्लैश हो सकता है। बट टीम नंबर 9 के पास चलते हैं, फिलहाल वो फायरिंग कर रही है यहाँ पे, स्पॉट किया यहाँ पे टीम नंबर 3 को इन्होंने M24 विथ ओके ग्लिच हो गया यहाँ पे स्कोप का, मुझे स्कोप प्लेयर भी नहीं दिख रहा है, ना ही मुझे कोई स्कोप दिख रहा है, तो हम फिलहाल यहाँ से निकलते हैं। अब उनको स्पेक्टेट करते हैं, शायद अब दिखेगा, हाँ अब निकाला उन्होंने M4 M24 विद 6x। कम ऑन एक हेडशॉट, एक प्यारा सा हेडशॉट देखने मिल जाए बस मज़े आ जाए। और अपनी गाड़ी लगा के निकलने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, इन्हें शायद पता है ये जूम के बाहर है ऑब्वियसली। एंड भाई साहब गलत 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 कॉपी 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 आ सकता है। और आईटी नंबर 1 बहुत करीब आ चुके हैं टी नंबर 6 के, एंड यहाँ पे शॉट्स लेने स्टार्ट हो चुके हैं। आई थिंक हैरी ने यहाँ पे स्पॉट किया है या हैरी। अरे ये क्या जमीन पे मार रहा है, बहुत सही। थोड़ा सा यहाँ पे इश्यू हो गया जायरोस्कोप का, एंड यहाँ पे एक नॉक कर दिया हैरी ने। अंदर बंदे बैठे हुए कैम करते हुए, एंड यहाँ पे हैरी को नॉक कर दिया। हैरी के पास कोई ऑप्शन नहीं था बचने का, पता ही नहीं था उसे अंदर बंदा है, एंड इसी के साथ हैरी की डेथ। हैरी भाई साहब के साथ यहाँ पे गच्चो गच्चो हो गया है। बैकअप आते हुए बाहर से टीम का, एंड इसी के साथ पूरी की पूरी टीम नंबर 6 यहाँ पे खत्म कर दिया है। हिटमैन भी यहाँ पे नॉक हो गया था, हैरी एंड हिटमैन दोनों यहाँ पे नॉक थे। हैरी का किल सिक्योर कर लिया यहाँ पे टीम नंबर 6 ने, एक अपने लिए किल ले लिया था, लेकिन हिटमैन का किल सिक्योर नहीं कर पाया। बट पीछे से बैकअप आते हुए हिटमैन भाई साहब यहाँ पे बच गए, वरना हैरी की तरह ये भी शहीद हो जाते हैं अपनी टीम के लिए। थोड़ा हम लोग आसमान में चलते हैं गाइस, देखते कौन सी टीम कहाँ से आ रही है। टीम नंबर 11 ब्रिज के पास आ चुकी है। क्या ये ब्रिज कैंप हो सकता है? ये ब्रिज कैंप हो सकता है। टीम नंबर 13 ब्रिज से आने वाली है। टीम नंबर 13 ब्रिज से आने वाली है, ब्रिज कैंप हो सकता है। आई थिंक सो यहाँ पे स्पॉट किया, ये स्पॉट कर लिया आप। ओ भाई साहब, राइट सीधा हेडशॉट पड़ते हुए राइट से कार 90 पहले M4 निकाली अपनी, एंड M4 के साथ एक स्प्रे किया है, एंड इसके साथ पूरी की पूरी टीम 11 यहाँ पे खत्म कर दिया है। बहुत ही प्यारा यहाँ पे ब्रिज कैंप देखने मिलता था हमें, बट एज यू गाइज नो टीम नंबर 23 ये जो हैवी रीजन है, इन्होंने यहाँ पे अकेले बंदे बचे अपनी टीम के, 2 किल निकाल चुके फिलहाल। एंड यहाँ पे 6x कार 98 एंड M4 विथ रेड डॉट, बहुत ही प्यारा हेडशॉट दिया था लेवल 3 हेलमेट पे, एंड सेम टाइम पे M4 निकाल के बहुत ही सही स्प्रे देके हिल सिक्योर भी कर लिया अपने नाम। बिल्कुल मौका ही नहीं दिया सामने वाले एनिमी को भी हिलने का, आराम से निकालिए किल। फिलहाल तो ओपन चल रहे हैं, एंड लेफ्ट से बंदा आ चुका है। आई थिंक स्पॉट क्या है यहाँ पे, एंड आई थिंक अभी तक स्पॉट नहीं किया है क्या? बहुत ही क्लोज है एक दूसरे के। थैंक यू फॉर बिकमिंग अ मेंबर जय जय पुनकिया, थैंक यू सो मच फॉर द स्पॉन्सर। क्या हाल चाल, वेलकम टू द स्ट्रीम मेरे भाई। ओके आई थिंक अब स्पॉट किया है शायद, अब स्पॉट किया है। नोप गलत, अभी तक स्पॉट नहीं किया इन्होंने। बहुत ही ओपन जा रहे टीम नंबर 23 के जो आखिरी बंदे बचे हैं, इतने ओपन में तो अब तक तो स्पॉट कर लेना चाहिए था, बट आई डोंट नो ये बंदा कहाँ दिख रहा है। 20 साहिल कारंटेड, इनके पास 6x है, लेकिन अभी तक के थोड़ा आंखों में लगता है इनके कुछ कचरा गया, इसलिए प्लेयर को स्पॉट नहीं कर पाए। ओके स्पॉटेड स्प्रे दिया हल्का सा, एक टैप किया था, अब स्प्रे कुछ हो रही है। बिल्कुल भी बुलेट डैमेज, अरे एक बुलेट कनेक्ट नहीं कर पाया सामने वाले बंदे पे, एक भी बुलेट कनेक्ट नहीं कर पाया। अपनी कारण निकाली है यहाँ पे, क्या हमें एक प्यारा सा हेडशॉट निकलेगा, लेकिन फिलहाल एक हेडशॉट और यहाँ पे बॉडी शॉट दिया है कार 98 का। फिलहाल चलते गाइस हिटमैन के पास, यहाँ पे हिटमैन ने नॉक किया एक को, यहाँ पे मारामारी हो चुकी है गाइस टीम नंबर 1। और अगर आपको पीछे से आवाज आ रही तो वो मेरे डॉबी की आवाज है, वो चिल्ला रहा है पीछे बैठ के। ओके पीछे से शॉट्स आते हुए हिटमैन के ऊपर, टीम नंबर 13 जोन के बाहर से आ रही है। बहुत ही गलत पोजिशन पे हिटमैन फिलहाल के लिए कवर में आ चुके हैं। बैरल सप्रेसर, थोड़ा रिकॉइल ज्यादा होता है सप्रेसर के साथ। ओके इन्हें एक जोन से आते हुए महाकाल, एंड जोन के अंदर आ चुके हैं। थोड़ा डैमेज ड्रॉप किया है जोन का, बट इट्स ओके, वर्थ है जोन के अंदर आने के लिए तो इतना चलता है। टीम हाइड्रा के बहुत करीब आ चुके हैं, जस्ट इनके बिल्डिंग के जस्ट कंपार्टमेंट, सॉरी जस्ट एक एक घर के जस्ट बाहर बैठे हुए प्रोन है। तो गाइस नॉट इन बचिए। अगेन क्यूबीयू वाले बंदे को स्पॉट कर लिया हिटमैन ने, अपना M4 निकाली 6x के साथ, एंड लेट्स सी। जोन के बाहर है फिलहाल, सारे प्लेयर जोन के बाहर है गाइस, ढूंढ रहे इन्हें पता है रॉक के पीछे, लेकिन जोन आ चुका है। ये जोन काफी डैमेज करेगा, ये जोन बहुत डैमेज करेगा। बंदे पीछे एंड इसी के साथ एक और यहाँ पे टीम खत्म कर दिया है। यूजी सरप्राइज यूजी से यहाँ पे नॉक किया है। ऑलराइट पीछे से बंदे देख रहे हैं। MH12 गॉडसन जोन के बाहर किस चीज का वेट कर रहे हैं? प्रो भागना पड़ेगा, जोन बहुत काट रहा है, आपको निकलना पड़ेगा। दोनों टीमें टीम नंबर 30 के दोनों प्लेयर्स यहाँ पे जोन के बाहर पता नहीं क्या कर रहे हैं। ओके स्पॉट किया टीम हाइड्रा को, अपनी एम यूजी से निकाली है पीछे से फायर देते हुए एंड बहुत ही ज्यादा डैमेज करते हुए एक को नॉक कर दिया यहाँ पे। वेल डन बाय टीम नंबर 13। और मुश्किल में एन अपनी M4 निकालते हैं यहाँ पे। एलिस का बहुत ही सही टाइम पे नॉक किया है लेकिन जोन के बाहर एंड ये जोन ने नॉक कर दिया इन्हें एंड इसी के साथ पूरी की पूरी टीम हाइड्रा यहाँ पे खत्म हो गई। गाइस जोन का फेवर बिल्कुल नहीं था यहाँ पे यार, इनको जोन के निकल जाना चाहिए था। जोन बहुत डैमेज दे रहा था, ये मैंने पहले ही बता दिया था कि जोन बहुत डैमेज करेगा एंड ये जोन तो भाई पूरा का पूरा टीम हाइड्रा खा चुका है। अगेंस्ट में जो टीम थी वो बहुत अच्छा डैमेज दे रही थी एंड बहुत ही सही फायदा उठाया अपने स्किल्स का एंड जोन का भी। इसके साथ गाइस टीम हाइड्रा टॉप 6 पोजीशन पे आके मरी है। टीम नंबर 17 के दो बंदे बचे जिसमें से एक बंदा नॉक पड़ा है यहाँ पे, इजी यहाँ पे रिवाइव मिल सकता है। लेकिन टीम नंबर 16 पीछे से आते हुए अगर ये बंदे ने स्पॉट के टीम नंबर 17 को यहाँ पे पूरी टीम नंबर 17 खा सकता है यहाँ से। लेकिन ये भाई साहब तो फिलहाल वेयरहाउस के अंदर आ चुके हैं, लेफ्ट में बिल्कुल ध्यान दे ही नहीं रहे, इनको पता ही नहीं कि इस लेफ्ट में दो बंदे यहाँ पे बैठे हुए अपने आप को हील कर रहे हैं, रिवाइव कर रहे हैं। एंड आई थिंक अब शायद ये देखेंगे टीम नंबर 17 को, अब शायद ये देख सकते भाई। अब नारुतो देखते हो भाई, नारुतो तो बंद हो चुका है, अब बोरूटो चल रहा है एंड ये अब नारुतो मैंने पूरा देखा है। नारुतो शिपमेंट एंड पूरा नारुतो अपना फेवरेट एनीमे था यार, ऐसे कैसे नहीं देखेंगे भाई। एंड thank you so much Dragon MSK for the 100. Big shout out to you brother. Please don't give any hint. Maybe people watching your stream and playing. Sunny भाई देखो, as a spectator, as a commentator मुझे हर एक चीज़ देखनी है, मुझे हर एक चीज़ बोलनी है, you know. And अब जो लोग स्ट्रीम स्वाइप कर रहे हैं, जो लोग स्ट्रीम देख रहे हैं वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। But as a commentator, as a spectator मुझे वो सारी चीज़ें बोलनी है जो as a spectator मैं देख रहा हूँ, you know. तब जाके ही प्रॉपर रोल में निभा पाऊँगा स्पेक्टेटर का एंड एक कॉमेंटेटर का भी। बिनी गेमिंग थैंक यू सो मच फॉर 200. दिस इज सनी भाटी 07. अरे आपके मुंह से तारीफ सुन के अच्छा लगा, फीलिंग मोटिवेटेड। अरे बहुत अच्छा खेले सनी भाई, बहुत ही प्यारा, वेल प्लेड, वेल डन, गुड जॉब मैन एंड थैंक यू सो मच फॉर 200 ब्रदर। सो गाइस गेम के लिए बढ़ते हैं हम लोग। फिलहाल सिर्फ 4 टीमें बची है, स्मोक कर रहे हैं अपना पाथ बनाने के लिए, जोन के अंदर जाने के लिए। एंड एज यूजल जोन छोटा हो चुका है, टीम्स का ये भी हो सकती है, तो स्मोक करना बहुत ही मैंडेटरी है यहाँ पे, यू नो। एक अकेला बंदा बचा है टीम नंबर 8 का। क्या ये बंदा, क्या सुनील अपनी टीम के लिए चिकन निकाल पाएंगे? लेफ्ट से टीम आते हुए टीम नंबर 7 को यहाँ पे नॉक किया, टीम नंबर 10 ने स्पॉट किया यहाँ पे, सनी ने यहाँ पे स्पॉट किया एंड यहाँ पे डीमन RUP डीमन रब को यहाँ पे खत्म कर दिया। अकेला बंदा था अपनी टीम का। तो टीम नंबर 7 के यहाँ पे दो मेंबर्स थे जिसमें से एक को टीम नंबर 17 ने यहाँ पे नॉक किया था। नॉट टीम नंबर 17 एंड ये टीम नंबर 7 के अभी भी दो बंदे बचे हुए यहाँ पे, नेड कर रहे हैं, नेड किया है, बंदा स्पॉट किया है यहाँ पे, पीछे जा रहे हैं। ये बहुत गलत डिसीजन लिया यहाँ पे, नेड करने के बाद पीछे देखना, पता नहीं पड़ता बंदे कहाँ से आ रहे हैं। ओके स्पॉट किया लेकिन फायर नहीं किया इनके ऊपर, थोड़े कंफ्यूज लग रहे मुझे टीम नंबर 7 के ये मेंबर। हमारे चार्ली भाई साहब बहुत कंफ्यूज है, किल सिक्योर करेंगे यहाँ पे। यहाँ पे नॉक किसी और ने किया है एंड किल सिक्योर किसी और ने किया यहाँ पे। ओके अंदर घुस गए, टीम नंबर 7 फिलहाल सिक्योर्ड है, अच्छी पोजिशन पे। दो टीमें बची गाइस, टीम नंबर 17 वर्सेस टीम नंबर 7। इट्स गोना बी 1 वर्सेस 2। लेट्स सी यहाँ पे क्या होता है। अपने आप को 20 कल अपने आप को पूरा हील करते हुए, अकेले एक बंदे बचे हुए, एक किल निकाली है। रश हो रहा है इनके ऊपर, एक बंदा राइट से, बंदा लेफ्ट से रश कर रहा है एंड चार्ली भाई साहब सीधा आ चुके हैं। लेट्स सी, ये तो भाई आसमान से देखना बनता है, आसमान से देखेंगे इसको हम लोग गाइस, आसमान से। ठीक है, ये चीज़ आसमान से देखने में बड़ा मजा आने वाला है। यहाँ पे 20 कल लकड़ी के पास है, कुछ क्या बोलते हैं उसको हिंदी में पता नहीं। और टीम नंबर 7 राइट से पुश करते हुए गाइस, टीम नंबर 7 दो बंदे राइट से पुश कर रहे हैं, एक को लेफ्ट से जाना चाहिए था, एक को राइट से जाना चाहिए था। एंड चार्ली पूरा रश मार चुके हैं यहाँ पे, स्पॉट के यहाँ पे AKM का सिंगल टैप ग्लिच होते हुए इनका, या आई थिंक सिंगल टैप पे इनका AKM थी इनकी। बहुत ही गलत पोजिशन पे यार, इतना प्यारा फ्लैंक किया लेकिन AKM सिंगल टैप इनका चूतिया काट गई। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये ऐसा नहीं बोलना चाहिए बट हाँ यार ऐसा ही हुआ है कुछ ना कुछ। So guys, it's gonna be 1v1 एंड यहाँ पे रैप तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। ड्रिंक लगा रहे हैं अपने पे, बस एड हीलिंग सब लगा चुके हैं। ओके स्पॉटेड है, स्पॉटेड है, आई थिंक स्पॉटेड है। और यहाँ पे स्कल ने यहाँ पे स्पॉट कर लिया है। बहुत ही गलत खेले यहाँ पे, बहुत गलत खेले टीम नंबर सेवन बहुत ही गलत खेली है। दो बंदे थे एंड अगेंस्ट में सिर्फ एक इकलौता बंदा बचा था, आराम से दो बंदे मिलके एक को मार सकते थे। बहुत ही प्यारा फ्लैंक किया था राइट से जाके, लेकिन यू नो एक इनका सिंगल टैप हुआ, सिंगल टैप के कारण पहले नॉक हो गए एंड ये बंदा तो भाई जाते से प्रोन हो गया। ब्रो एफपीवी में प्रोन ज्यादातर नहीं होते क्योंकि यू नो आप अगर प्रोन हो गए आपके सामने ग्रास आ जाएगी, लेकिन सामने वाला बंदा आपको इजीली देख सकता है। सो यार ये बहुत ही गलत मूव था एंड बहुत ही गलत खेल गई। सो गाइड्स एक बार स्पैम कर दो #GG विनिंग टीम के लिए एंड बहुत ही बढ़िया। सो गाइड्स 20 किल 3 किल के साथ एंड हितेश अमरनानी विथ 1 किल। सॉरी अगर मैं गलत नाम पढ़ रहा हूँ तो। सो गाइज अगर आपको गेम प्ले पसंद आया होगा तो गाइज जरूर लाइक बटन दबा देना एंड गाइज सब्सक्राइब तो बनता है यार, बहुत ही प्यारा गेम प्ले था। एंड गाइज अगर आपको मेरी कॉमेंट्री पसंद आई है तो यार गाइज स्पैम कर दो बस चैट में #GG इन द चैट गाइज, सबके सब एक साथ चेक करो, लाइक बटन दबा दो। 50,000 हमारा लाइक्स का टारगेट था गाइज एंड आई थिंक सो हम लोग अभी तक के 50,000 लाइक्स तक नहीं पहुंच पाए हैं। तो गाइज सबके सब एक साथ दबाओ लाइक बटन एंड लिखो चैट में कितने लाइक्स हो गए। ओके एंड गाइज वन मोर थिंग, चेक करो जहाँ पे आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, अगर वो रेड कलर का दिख रहा है तो यार गाइज सबके सब एक साथ दबा दो। एंड गाइज वी आर सो क्लोज टू 5 मिलियन YouTube फैमिली यार, 5 मिलियन 5 मिलियन होने वाले गाइस हमारे YouTube फैमिली में। तो गाइस सबके सब यार एक साथ गाइस दबा दो लाइक एंड सब्सक्राइब बटन एंड गाइस 50,000 लाइक्स तो बनते हैं यार। बहुत ही प्यारा गेम प्ले था, सारे मोबाइल प्लेयर्स थे, सबने बहुत अच्छा खेला, कुछ लोगों ने गलतियाँ की, कुछ लोगों ने यू नो एक अच्छा गेम प्ले दिखाया। सो वेल प्लेड बाय एवरी मेंबर जो कस्टम में खेल रहे थे, बहुत ऐसे खेल गए। सो गाइस यही था हमारा लास्ट गेम एंड जैसे कि आप जानते हो मैंने सुबह से ब्रेकफास्ट नहीं किया एंड मैंने लंच भी नहीं किया एंड ऑलरेडी 3:30 बजने वाले हैं। तो मेरे पेट में अब चिकन डिनर की भूख आ रही है यू नो। सो अब मैं जा रहा हूँ थोड़ा लंच वंच करने के लिए, इनको बाय बोल देते हैं, वो बाहर जा रहा है। ओके बाय बाय बाय, मैं निकल रहा हूँ लंच करने के लिए। हाँ जी ओके बाय 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 बाय, वेल प्लेड वेल प्लेड, थैंक यू। ऑलराइट गाइस यही था हमारा लास्ट मैच एंड गाइस प्लीज़ जाने से पहले 3 चीज़ें ज़रूर करना, लाइक बटन दबा देना, सब्सक्राइब बटन दबा देना एंड थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ बेल आइकन। अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया है तो गाइस जब भी हम सब्सक्राइबर गेम्स खेलते हैं, स्ट्रीम करते हैं, आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा आपके फ़ोन पे एंड अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा तो ऑब्वियसली बात है आपको पता ही नहीं पड़ेगा कि मैं लाइव कब आके जा चुका हूँ। ठीक है सो गाइस सबके सब चेक करो, 3 चीज़ें, लाइक बटन, सेकंड इज सब्सक्राइब बटन एंड थर्ड इज बेल आइकन। गाइस सबके सब गाइस ये चीज़ डेफिनेटली कर देना, ठीक है। एंड गाइस चलो जाने से पहले हम लोग शुरू करते हैं हमारा शाउट आउट सेशन। जिनको नहीं पता तो गाइस आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम पर जाके मुझे फॉलो करना है। जितने भी लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे उन सभी का नाम मेरे नोटिफिकेशन पे आएगा, मेरे मोबाइल पे आएगा एंड उन सभी को गाइस मैं दूंगा एक छोटा सा प्यारा सा शाउट आउट। ओके सो गाइस जाओ फटाफट इंस्टाग्राम पे चेक करो, अगर आप लोगों ने ऑलरेडी मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लिया है तो बहुत बढ़िया, आप ये वीडियो शेयर करो अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर, शेयर करो इंस्टाग्राम पर, शेयर करो फेसबुक ग्रुप होगा, डिस्कॉर्ड ग्रुप होगा, हर जगह गाइस ज़रूर शेयर करना, ठीक है। एंड जो लोग हमारे इंस्टाग्राम फैमिली का हिस्सा अभी तक नहीं है गाइस सबके सब एक बार इंस्टाग्राम ओपन करेंगे अपना एंड सर्च करेंगे इंस्टाग्राम पे जाके डायनामो गेमिंग या फिर आदित्य सावंत के नाम से भी सर्च कर सकते हो, ठीक है। एंड गाइज जिस प्रोफाइल के सामने एक वेरीफाइड मार्क आएगा आपको उसी को ऐड करना है, ठीक है, आपको उसी को ऐड करना है। मेरे नाम से बहुत सारी फेक प्रोफाइल्स है तो गाइज बच के रहो, फेक प्रोफाइल को ऐड बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। एक जेन्युइन एक रियल प्रोफाइल को ही ऐड करना है। तो गाइज जाओ फटाफट इंस्टाग्राम पे सर्च करो डायनामो गेमिंग एंड जिस प्रोफाइल के आगे वेरीफाइड मार्क आएगा उसी को आपको ऐड करना है, ठीक है। चलो सो मैं जा रहा हूँ इंस्टाग्राम पे एंड अब मैं जितने भी लोग का नाम लेने वाला हूँ उन सभी को शाउट आउट मिलने वाला है। सो बिग शाउट आउट टू एडिस उत्तम, देन महमीत, उसके बाद अजय कुमार, अजय सिंह खंडेलवाल, प्रतीक, सचकिरत, उसके बाद कश्मीरी असद, प्रथमेश, हाजिक, उसके बाद शिहाब अहमद, देन मानस, देन यासिर, लक्ष्मण, देवीदास, इंद्रमणि, रावल, उसके बाद जतिन कुशवाहा, उसके बाद MD मसूद, चेतन, किंग समन, उसके बाद अभिषेक, पार्थ, कुश, देन रचित रावत, कूलेस्ट बैड बॉय, पंडित जी, उसके बाद चार्मिंग बॉय, देन पोचिंकी से हूँ पैंट, वाह भाई क्या नाम है इंस्टाग्राम पे, बहुत बढ़िया। उसके बाद मोहम्मद भाई को शाउट आउट है, देन हरदीप, सौरभ, शाहिद, गेमिंग विद आयुष। ओके गाइस सबके नाम मैंने ले लिए हैं। गाइज जैसे आप मुझे फॉलो कर रहे हो आपको फॉलो करने के बाद एक ऑप्शन आता है मैसेज करने का, ज़रूर मुझे मैसेज करके बताना इंस्टाग्राम पे, मुझे DM करना, मुझे बताना कि आपको आज का गेम प्ले कैसा लगा एंड आपको स्ट्रीम कैसी लगती है, आपको गेम प्ले कैसा लगता है मेरा। एंड आज जो हमने कमेंट्री की है सब्सक्राइबर गेम्स में, आपको मेरी कमेंट्री कैसे लगी एंड हमें ये चीज़ें आगे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, एंड अगर करनी चाहिए तो यू नो कुछ आपके आइडियाज़ हैं। आपको आ रही है आवाज़? ये ओके, आप लोग को नहीं आ रही है। मेरा डॉगी है जो डॉगी है मेरा, वो बैठ के बाजू में चिल्ला रहा है, सो आपको आवाज़ नहीं आएगी, इट्स ओके। सो गाइज डेफिनेटली आप इंस्टाग्राम पे जाओ, मुझे ऐड करो एंड यू नो आप मुझे डीएम कर सकते हो, मुझे बता सकते हो कि आज की स्ट्रीम ऐसी थी वैसी थी, आज का सब्सक्राइबर गेम्स ऐसे हुए, आपकी कमेंट्री अच्छी थी नहीं थी, जो भी है आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। सो यार गाइज डेफिनेटली प्लीज़ जाओ इंस्टाग्राम पे, चेक करो, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना एंड डीएम करके मैसेज करके मुझे जरूर बताना कि आपका फीडबैक क्या है, आपको कैसा लगता है मेरा गेम एंड आपको यू नो मेरी स्ट्रीम कैसी लगती है, जो भी चीज़ें आपको पसंद है मेरे बारे में गाइज डेफिनेटली आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करके बता सकते हैं, ओके। सो यार गाइज दैट्स इट, यही था आज की स्ट्रीम के लिए। हमने सक्सेसफुली 4 घंटे स्ट्रीम कर ली है, मतलब 11 बजे स्टार्ट की थी एंड अभी 4 बजने वाले हैं, सो मेरे ख्याल से 5 घंटे 4-5 घंटे की स्ट्रीम हो गई है हमारी ऑलमोस्ट, ठीक है। सो यार गाइज मिलते हैं हम लोग शाम की स्ट्रीम पे एंड सबके सब गाइज एक बार स्पैम कर दो हैशटैग बाय बाय इन द चैट, ओके। एंड गाइज प्लीज़ जाने से पहले लाइक बटन दबा देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को एंड बेल आइकन तो बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, तो प्लीज़ गाइज बेल आइकन दबा देना, ठीक है। एंड जो लोग मुझे नहीं जानते कि मैं कौन हूँ, मैं कैसा दिखता हूँ, जो भी चीज़ें आप जाके इंस्टाग्राम पे चेक कर सकते हो, मेरी रियल फोटोज़ है, मेरी रियल प्रोफाइल है, वहाँ पे मेरी रियल फोटोज़ भी है, तो आप जाके आराम से चेक कर सकते हो, ओके। सो गाइज प्लीज़ स्पैम हैशटैग बाय बाय इन द चैट एंड दिस इज डायनामो साइनिंग ऑफ, आई विल सी यू इन नेक्स्ट स्ट्रीम। Till then, take care, have a nice day, have a nice time, God bless you all, and once again thank you so much for all the love and support, thank you so much for all the super chats, thank you so much जिन्होंने Paytm donate किया, जिन्होंने Google Pay donate किया, thank you so much guys, once again thanks a lot, love you guys, have a nice day, bye bye.